Yes, yes, okay, Malik. जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो या तो कमेंट करके बता दो क्या मेरी आवाज़ पिक्चर एक्सेट्रा सब कुछ क्लियर है क्या यहाँ वाले जितने लोग बैठे हुए हैं सब क्लियर है मैं भी क्लियर दिख रहा हूँ कि ब्लर ब्लर दिख रहा हूँ सब ठीक है ना चलो जी बहुत बढ़िया गलत क्लास में है अच्छा गुड आफ्टरनून जी, तो आप सभी को सबसे पहले हिंदी नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं भगवान करे आप इतनी इनकम कमाए कि सरचार्ज में आना पड़े इतना कमाओ कि जीएसटी इनपुट हर जगह से लेना पड़े दो तीन बार इनकम टैक्स की रेड हो जाए इतना कमाना पड़े यस एंड अबव ऑल आप और आपका परिवार बहुत सुखी रहे बहुत खुश रहे और आबाद रहे इससे ज्यादा क्या ही चाहिए यस और नो यस चलिए तो आज हम मिले हैं यहाँ पे डीटी मैराथन के लिए ये जो डीटी का मैराथन है ये मे 23 थ्री एज वेल एज नवंबर 23 जून 23 थ्री एज वेल एज डिसंबर 23 के लिए यूज हो सकता है ये जो मैराथन है ये आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चाहे आप सीए इंटर में हो सीएस एस एग्जीक्यूटिव में हो या सीएमए इंटर में हो ड मैटर इनकम टैक्स रिमेन्स सेम तो आप बिल्कुल ये मैराथन को कर सकते हैं इसके अलावा आप कौन से न्यू नो यू you नो know, आप कौन से नोट्स इसके अंदर में यूज कर सकते हैं पहला आज हम जो यहां पे नोट्स यूज कर रहे हैं दैट्स डी टी फास्ट ट्रैक बिकॉज मैक्सिमम पीपल के पास यही होना चाहिए यस yes, हालांकि आपके पास अगर रेगुलर बुक या चार्ज भी है परफेक्टली ओके कहीं कोई टेंशन नहीं है कुछ भी चले जाएगा यस yes, इसके अलावा अगर आप ध्यान से सुने तो ये जो फास्ट ट्रैक है या uh, ये जो मैराथन है इसके अंदर में अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे तो हम सीधा अमेंडेड वाला पार्ट पढ़ेंगे इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस बार लिया था इनिशिएटिव ये था कि पूरा डिटेल्ड फास्ट ट्रैक कैसा बेटा डिटेल्ड फास्ट ट्रैक आपके लिए

आज का टारगेट क्या है खींचना चाहिए ना इतना तो बराबर ना सर आज तो पाड़वा है अच्छा दिन है आज आज वो दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी आज वो दिन है जिस दिन राम जी का अभिषेक हुआ था तो आज बहुत अच्छा दिन है इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता पढ़ने के लिए ये नो <laughs> इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए इस मैराथन में क्या क्या कवर करेंगे आपके दिल की है सबसे बड़ी इच्छा है पहले बता दूँ इस मैराथन के अंदर में पाँचों हेड है टी है डिडक्शन है इसके अलावा बोलो फिर जितना बच गया वो सब ले लेंगे ठीक है आप आज इस टारगेट से आए हैं कि भैया आए हैं तो कंप्लीट करके ही जाएंगे यस मैं आपको एक बात बता दूं कई बच्चे में से सवाल पूछेंगे सर सिर्फ ये मैराथन देख लिया तो हो जाता क्या <laughs> देख लॉजिकली स्पीकिंग होने वालों का कैसे भी हो जाता <laughs> होने वालों का कैसे भी हो जाता बट हाँ तेरे केस में मैं एक चीज बता सकता हूं तूने ईमानदारी से देखा तो प्रोविजन सारी की सारी रिकॉल कर देंगे सही समय पे जब मेरे को लगेगा तब ब्रेक दे दूंगा जब मेरे को लगेगा तब ब्रेक दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव ये है फटाफट फटाफट प्रोविजन को रिकॉल करना जहां जरूरत होगी वहां कुछ क्वेश्चन लेंगे जहां जरूरत नहीं होगी वहां फटाफट प्रोविजन को रिकॉल करेंगे मैराथन आप कब देखेंगे मैं उस बारे में बहुत क्लियर हो जाऊं मैराथन आप तब देख लेंगे जब आपकी एटलीस्ट एक बार रेगुलर बैच कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर एटलीस्ट एक बार आपने फास्ट ट्रैक तो भी देख लिया होगा इसके बाद ये मैराथन देख लीजिए सर मैराथन एग्जाम से एक दिन पहले देख सकते हो क्या बहुत अच्छी बात है देख लेना अगर टाइम बच जाए तो पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन मत देखते बैठना राइट उल्टा आपने उस टाइम पे टोटल इनकम या आपने जीएसटी का रिविजन कर लेना नो yes राइट no? right? तो क्योंकि क्या है आपको तो पता ही है 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 ना जीएसटी भी भी मार्क का और वो भी वाट लगा सकता यस नो yes no? yes? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं क्या लेने वाला हूं हम टॉपिक को कुछ अलग सिक्वेंस लेने वाले हैं यहां पे हम बेसिक से नहीं आने वाले क्योंकि वो तुम बाय डिफॉल्ट में पढ़ते ही पढ़ते हो ऐसा नहीं है बेसिक नहीं लेंगे लेंगे हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उल्टे से रीजन जो टॉपिक आप कभी नहीं उठाओगे वो टॉपिक से सबसे पहले शुरुआत Sir, कौन सा रिटर्न ऑफ इनकम ये टॉपिक तुम तुम तोड़ देते हो। मैक्स तुम कहां तक डिडक्शन। बराबर? उसके आगे टीडीएस एग्जिस्ट नहीं करता एडवांस होता ही नहीं एएमटी थोड़ी ना कोई टॉपिक है <laughs> बराबर है ना तो इस बार मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जा रहा हूं सबसे पहले रिटर्न उठा रहा हूं रिटर्न टॉपिक इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर मैं पिछले चार एग्जाम की बात करूं तो रिटर्न एक ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंटली आई ही है यस yes? तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है रिटर्न चालू कर दीजिए छोटे छोटे मोटिवेशन बीच में आते रहेंगे ध्यान से सुनिएगा पहला मोटिवेशन अगर आज आप सोच लेते हैं कि भैया मैं कुछ भी टाइम पास करूं राइट right? गुड़ी पाड़े के दिन पढ़ाई ना करके कुछ और करूं तो मैं आपको एक बात बता दू टाइम विल पास विल यू इज द क्वेश्चन समझ में आई बात सो लेट ए स्टार्ट रिटर्न ऑफ इनकम बराबर है ये रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ के जाना है वैसे मैंने एबीसी एनालिसिस अलग से डाल दिया है बट फिर भी कंफर्म क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो कंफर्म क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो कुछ चीजों पे जैसे कि रिटर्न में आप एक्सपेक्ट करके चलो वन पे एक क्वेश्चन आ सकता है टॉक्स अबाउट रिटर्न यस इसके बाद में आपको आ सकता है ए ए दैट इज अपडेटेड रिटर्न यस तीसरा डबल पैन क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं ये सोनो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या किए गए बढ़ा दिए गए तो पैन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट right? तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कन्फर्म एग्जाम से पहले ये चीजें पढ़ के ही जानी है कन्फर्म एग्जाम से पहले ये चीजें पढ़ के जानी है तो चलिए शुरुआत करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम सबसे पहला सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 139 ए पैन सबसे पहला सेक्शन पढ़ते हैं 139 थर्टी ए पैन राइट बहुत सारे बच्चे ये सेक्शन पढ़ते ही नहीं ये गलती है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं लास्ट टाइम पे आपको आधार पे क्वेश्चन आ गया तो और मैक्सिमम बच्चे आधार ही छोड़ के गए जितना इजी लगता है उतने इजी पार्ट पे जब क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो बेटा सबसे पहले आता है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर किस किस को लेना है मैंडेटरीली मैंडेटरीली छह लोगों को पैन लेने की जरूरत है मैंडेटरीली really, कितने लोगों को पैन लेने की जरूरत है छह पहला एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स हर वो व्यक्ति जिसको टैक्स पे करना है उसको पैन नंबर लेना जरूरी है क्योंकि रिटर्न में फर्स्ट चीज जो पूछा जाता है वो होता है पैन दूसरा एवरी पर्सन कैरिंग ऑन पीजीबीपी हैविंग अ टर्न ओवर एक्सीडिंग 5 लाख अगर आपका टर्नओवर 5 लाख से ऊपर है आपको पैन लेना है एवरी पर्सन हु इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट 139 ए में जो रिटर्न डालते हैं ये होते हैं बेटा चैरिटेबल ट्रस्ट सो चैरिटेबल ट्रस्ट मस्ट हैव अ पैन फोर्थ आर ओ आर हु एंटर्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एवरी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल कैसा बेटा अदर देन इंडिविजुअल हु एंटर्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्ससीडिंग 2.

बीपी जिसका टर्नओवर कितने से एक्सीड कर रहा है थर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट फोर्थ रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल इफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैक एंड एवरी पर्सन हु इज एम डी ट्रस्टी डिरेक्टर सीईओ ऐसी कोई भी पोजिशन ले रहे हैं तो आपको क्या लेना जरूरी है पैन नंबर लेना जरूरी है येस ऑन नो अच्छा जी अब एक लॉ लेके आए होता क्या था कि लोग क्या करते थे आधार तो ले रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था पर पैन नहीं ले रहे थे तो सरकार ने एक प्रोविजन बनाई इफ अ पर्सन हैज आधार पजेस आधार बट डू नॉट हैव पैन तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसको पैन अलॉट कर देगी सो अ पर्सन हु हैज नॉट अलॉटेड पैन बट पट पे फर्निश इज आधार नंबर इन लू ऑफ पैन एंड सच पर्सन शैल बी अलॉटेड पैन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब तो अगर आपके पास पैन है आधार नहीं है आप एक काम करो क्या कर दो आधार सबमिट कर दो पैन के बदले में चल जाएगा ये सो नो अच्छा जी सर इसके बाद में इसके बाद में आधार और पैन को लिंक करने की डेट लेके आए आधार और पैन को लिंक करने की एक डेट थी पहले था थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन इस साल इसको थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कर दिया गया है वैसे रिसेंट अपडेट भी बता दू दो हजार तेवीस लास्ट डेट थी आज ही सरकार ने उसको दो हजार चौबीस कर दिया एंड मजे की बात तो यह है कि यह दो हजार अठारह से चले जा रहा है <laughs> आपको जो अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आधार और पैन को इंटीमेट करने की लास्ट डेट क्या है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विषय खत्म यस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है मॉड्यूल में यह दिया हुआ है क्लियर है मालिक अच्छा जी अब आधार या पैन कुछ भी चलेगा लेकिन पैन लेना कब है चलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ वापस पांच लोगों को पैन लेना है रिपीट पहला एवरी पर्सन और मैं हर हर जितने लोग यहां आए हैं हंड्रेड परसेंट यहां से सब रिकॉल करके जाओगे बस मेरे साथ एक चीज करो बैठे मत रहो यहां पे ऐसे बोलते रहो रिपीट करते रहो मैं आपको गारंटी देता हूं बाय द एंड आज जितने टॉपिक पढ़ के जाओगे उतने पे कॉन्फिडेंस रहेगा चलो कम ऑन राइट पहला एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स दूसरा हैविंग पीजीबीपी इनकम एक्सीडिंग फाइव लैख तीसरा चैरिटेबल ट्रस्ट चौथा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैख पांचवा एमडी ट्रस्टी सीईओ सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब आधार पैन अगर मेरे पास पैन नहीं आधार है दे सकता हूं ये अब पैन लेना कब तक के है पैन लेना कब तक के है ध्यान से सुनना

जुलाई में क्या भरना है रिटर्न उसके पहले क्या होना जरूरी है yes, खत्म right? so, दो लोगों को ईयर एंड से पहले लेना है बचे हुए लोगों को थर्टी फर्स्ट में दो लोग कौन? बिजनेस चैरिटेबल ट्रस्ट ईयर एंड होने से पहले बाकी सबके लिए एक ही डेट कॉमन याद रखना थर्टी फर्स्ट में विषय खत्म यस चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं आ से आधार थर्टी नाइन डबल ए आ से आधार 2017 में ये सेक्शन को लेकर के आए थे एक जुलाई 2017 को इस सेक्शन को लेकर के आए सेक्शन को लाने के बाद क्या कहा मैं आपको बता देता हूं सेक्शन को लाने के बाद उन्होंने कहा अब जितने भी रिटर्न भरे जाएंगे या पैन एप्लीकेशन किए जाएंगे कम ऑन अगेन जितने भी रिटर्न भरे जाएंगे या पैन एप्लीकेशन होंगे सब पे आधार होना जरूरी है सब पे आधार होना जरूरी है अगर आपने आधार नहीं दिया तो आप पैन भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यस yes, पर अगर आपने स्पेसिफाइड डेट तक के आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका पैन क्या हो जाएगा इन वैलिड नहीं इन ऑपरेटिव चलो वापस से आपको आधार और पैन को लिंक करना है आपको आधार और पैन को क्या करना है लिंक लास्ट डेट क्या है थर्टी मार्च टू अगर आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो ये इन ऑपरेटिव हो जाएगा इनवैलिड नहीं क्या हो जाएगा इनऑपरेटिव क्लियर है मालिक अच्छा जी सर सर लेकिन कुछ लोगों पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है कुछ लोगों पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है पहला नॉन रेसिडेंट सर क्यों नॉन रेसिडेंट को आधार मिलता ही नहीं ये तो रेसिडेंसी प्रूफ है दूसरा नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया के सिटीजन है ही नहीं आपको वैसी आधार नहीं मिलता यस पर्सन हैविंग एट्टी और अब एज अगर अस्सी से ज्यादा 80 से ज्यादा आपकी उम्र है आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और पर्सन रिजाइडिंग इन आसाम मेघालय जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद रखना है मैं आपको बता देता हूं क्या क्या याद रखना पहला एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑप्टेन आधार शेल कोट इज आधार नंबर एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन एंड रिटर्न फाइलिंग ठीक है चीय दूसरा अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा इनऑपरेटिव और तीसरा याद रखना ये किस किस को आधार के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है जल्दी से बोलो किस किस को एप्लीकेबल नहीं है नर, दूसरा, 80 above, आसाम मेघालय जम्मू एंड कश्मीर क्लियर है मालिक चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट एक था पैन दूसरा था आधार अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर रिटर्न भरने के मेकानिजम. मेरी एक बात समझिए हम जो रिटर्न भरते हैं लिखना कुछ मत सिर्फ सुनना हम जो रिटर्न भरते हैं हम जो क्या करते हैं बेटा रिटर्न भरते हैं ये अलग अलग मैकेनिज्म में होता है एक आप क्या भर सकते हो बल्क रिटर्न एक रिटर्न क्या भर सकते हो बल्क रिटर्न दूसरा आप रिटर्न भर सकते हो टी के थ्रू और तीसरा आप लोग वॉलेंट्रीली रिटर्न भर सकते हो तो कितने प्रकार है बेटा तीन कितने प्रकार है बेटा तीन एक आप बल्क रिटर्न भर सकते हो दूसरा रिटर्न टीआरपी के थ्रू भर सकते हो और तीसरा वॉलेंट्रीली सबमिट कर सकते हो अंडरस्टैंड no, सबसे पहले बल्क रिटर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ यू बिल्कुल काम का नहीं पर सुन लेना रिटर्न एक स्कीम थी जिसके तहत क्या कहा गया था एम्प्लॉय कैन गो टू देयर एम्प्लॉयर यह स्कीम सिर्फ फिफ्टी सिटीज में लॉन्च की गई थी कितने में 50 सिटीज के अंदर में इनिशियली 16 एक्सटेंड करके फिफ्टी कर दी और उन एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल थी जिनके पास एटलीस्ट 50 से ज्यादा एंप्लॉय हो कितने से ज्यादा पचास से ज्यादा एम्प्लॉय हो स्कीम टोटली फेल थी स्कीम के तहत करना क्या था यू नीड टू गो टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को अपनी सारी डिटेल्स देनी थी और डिटेल्स देने के बाद एम्प्लॉयर आपके बिहार था इस तरीके से अगर एम्प्लॉयर ने आपके रिटर्न भर दिया तो हम ये मान लेते थे कि आपका रिटर्न सबमिट हो गया हम मान लेते थे रिटर्न सबमिट हो गया स्कीम खत्म एग्जाम में आएगा भी नहीं सुनो पेज नंबर थ्री वन थर्टी नाइन वन ए स्पेसिफाइड एस सैलरीड एम्प्लॉयड कैन फाइल देयर रिटर्न to employer, an employer shall return, shall furnish the return in bulk, clear hai 139-1 bulk return. bahut badhiya beta acha ji iske baad aate hain 139b return filing through TRP. आप सबके regular books में भी होगा, charts में भी होगा, fast track book में भी होगा, ये सारी चीजें. अगर आप fast track use कर रहे हैं, page number छः. Return filing through TRP. इस पे क्वेश्चन तो हो यू नीड टू बी वेरी क्लियर क्वेश्चन आने की दर वाला है वो पार्ट रिपीट कर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वापस पढ़ते बैठ तेरा स्मार्ट स्टडी कभी नहीं हो पाएगा स्मार्ट स्टडी के लिए तेरे को जो आने वाला है सीधा उसके ऊपर फोकस कर रिटर्न थ्रू टीआरपी होता क्या था कि लोग कहते थे कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं कंपनी सेक्रेटरी एंड वाले होते हैं ये लोग बहुत लूटते हैं खैर लूटना भी चाहिए यस तीन साल हमने अपनी मेहनत करी है बाकी शब्द जो आप समझे वो भी सही <laughs> साढ़े तीन साल यार हमने ऐसी तैसी करवाई है गुड़ी पाड़े के दिन बैठ करके मैराथन किया है होली के दिन रंग ना लगाया उसके हाथों से रंग ना लगाया क्या मतलब आया यस और नो तो सर हुआ ये हुआ ये कि उन्होंने एक स्कीम निकाली स्कीम थी टी आर पी स्कीम क्या थी बोलो बेटा टी आर पी टीआरपी के तहत आप क्या कर सकते हो रिटर्न भर सकते हो टी आरपी के साथ अब टी आर पी कहां बैठेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फीस टीआरपी की जो थी वो बहुत मिनिमलिस्टिक थी जो टीआरपी की फीस थी वो कैसी थी बेटा बहुत मिनिमलिस्टिक थी तो ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में क्या किया गया रिटर्न भराया गया टीआरपी से यस अब ये जो टीआरपी बनाए गए ये बड़े गजब थे सुनिए इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ यू से काम का नहीं है पर मजेदार है सुनिए क्योंकि दिन भर बैठना है तो आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हंसना पड़ेगा समझिए टीआरपी कौन हो सकता है एनी एनी ग्रेजुएट 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 समझ रहे हैं आप कॉमर्स बोलते तो समझ में भी आ जाता उनने क्या कहा एनी ग्रेजुएट मतलब साइंस वाले आके रिटर्न भरेंगे जो कॉमर्स में इनको नहीं समझ में आ रहा इनकम टैक्स ढंग से साइंस वाले आके रिटर्न भरेंगे मस्त मस्त बराबर है दूसरा अ पर्सन हु इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सी ए सी एस सी एम ए जिसने सी एस एस सी एम ए की इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर दिया मतलब जो फाइनल में है जो फाइनल में हाँ तुम्हारी बात नहीं चल रही जो फाइनल में है अब अब गजब की बात सुनिए बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कान बी टीआरपी मतलब समझ रहे हैं इनको हमारा रॉ मटेरियल तो चाहिए हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड <laughs> इनको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए इनको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा भैया देखो, नहीं बन सकते स्कीम इनके अगेंस्ट क्या था सीए आज भी इतने सारे नहीं है मार्केट के अंदर में तो गांव में क्या होता है जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं एडवोकेट होते रिटर्न भर देते तो इनके लिए भी बोला गया लीगल प्रैक्टिशनर नॉट बी टीआरपी एंड एम्प्लॉई ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेज ऑफ पर्सन बैंक बैंक एम्प्लॉई कांड बी टी आर पी तो चलो जल्दी से रिवाइज तीन लोग टीआरपी नहीं बन सकते चार्टर्ड अकाउंटेंट लीगल प्रैक्टिशनर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉय टीआरपी कुछ रिटर्न नहीं भर सकते टीआरपी कुछ रिटर्न नहीं भर सकते पहला अ पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट में जो लोग कवर हो रहे हैं इनके रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकते आ, समझ नहीं आएगा ना क्या किया हाँ सही है कॉम में आता नहीं ना टैक्स ऑडिट सेकेंड रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने सबमिट नहीं किया है तो समझ नहीं आएगा ओरिजिनल रिटर्न में क्या किया था आ, कोई बात नहीं तो ओरिजिनल रिटर्न अगर टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता एंड तीसरा नॉन रेसिडेंट के रिटर्न सही है नॉन रेसिडेंट के रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता एनआर टैक्सेशन बीकॉम में आता नहीं ना रिटर्न <laughs> भरेंगे कैसे यस yes? तो चलिए तीन रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता कम ऑन क्विक पहला जो टैक्स ऑडिट में कवर हो रहे दूसरा <laughs> जो नॉन रेसिडेंट है तीसरा ओरिजिनल रिटर्न अगर टीआरपी ने नहीं भरा रिवाइज रिटर्न टीआरपी भर सकता नहीं सॉटेड ए मालिक चलो बहुत बढ़िया दिस इज टी आर पी बहुत बढ़िया बेटा चलो आओ मेरे को रिवाइज करते जाओ वन थर्टी नाइन ए टॉक्स अबाउट वन थर्टी नाइन डबल ए टॉक्स अबाउट वन थर्टी नाइन वन ए बल्क रिटर्न वन थर्टी नाइन बी टी आर पी याद रखने का तरीका बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न यस yes, याद रखने का तरीका बकवास स्कीम ऑफ़ फाइलिंग रिटर्न। से जाते हैं हम लोग यहां से जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर किस किस को रिटर्न भरना है वेरी इंपॉर्टेंट रेस टू एटीन वेरी इंपॉर्टेंट रेस टू एटीन पेज नंबर टू किस किस को रिटर्न भरना है अमेंडमेंट 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 आया है मतलब कंफर्म पूछे जाने के चांसेस है ईमानदारी से बोलो ये चैप्टर कभी अच्छा हो गया right? so किस -किस है? तो चीजें हैं जिनको रिटर्न भरना ही भरना है आए तूफान या बर पड़ जाए पहला कंपनी और फर्म क्या बोला बेटा कंपनी और फर्म इनको रिटर्न भरना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो यस दूसरा दूसरा आर ओ आर बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशरी ऑफ एनी अटनिंग अथॉरिटी आउट साइड इंडिया अगर कोई व्यक्ति आर ओ आर है जिसकी एसेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है जिसकी एसेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है ही के नॉट सॉरीज टू फाइल रिटर्न सो अ पर्सन इज आर ओ आर है सेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया तो मुझे बताइए विजय आर ओ आर है इंडिया में इनकम है सिर्फ टू लाख रुपीस बट विजय का स्विस बैंक अकाउंट है डू विजय हैज टू फाइल रिटर्न इन इंडिया यस आपकी इनकम इंडिया में कितना है इफ यू हैव साइनिंग अथॉरिटी बैंक अकाउंट और एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन विजय हैज टू फाइल रिटर्न सो दो लोगों को रिटर्न भरना है रिपीट करते जाइए पहला कंपनी फर्म दूसरा आर ओ आर है सेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया तीसरा इंडिविजुअल इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन टेन ए बी बी और फोर सीरीज चैप्टर सिक्स ए एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए एंड फिफ्टी फोर सीरीज अगर किसी इंडिविजुअल एचओ एफ की टोटल इनकम विदाउट क्लेमिंग चैप्टर सिक्स ए एंड फिफ्टी फोर सीरीज स्टॉप चैप्टर सिक्स ए के पहले वाली इनकम मतलब टेक्निकली आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम एंड फिफ्टी फोर की सीरीज कौन सी सीरीज बेटा फिफ्टी फोर की सीरीज तो अब मुझे बताइएगा ठीक है एग्जाम्पल लिख रहा हूं

फिफ्टी फोर सीरीज क्लियर है मालिक दूसरा मान लीजिए मेरी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आई सिक्स लाख बराबर है रूपीज सी एंड अदर मिला करके सिक्स लाख ,00 पूरा का पूरा ले लिया मेरी टोटल इनकम आई नील डू आई नीड टू तो फाइल रिटर्न डू आई नीड टू पे टैक्स नो टैक्स पेमेंट एंड फाइलिंग रिटर्न बोथ आर सेपरेट कॉन्सेप्ट बोथ आर सेपरेट कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक चलो जी सो so, अगर मेरी टोटल इनकम मैं इंडिविजुअल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन टेन एंड फिफ्टी फोर सीरीज एंड चैप्टर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू तो टैक्स टू पॉइंट फाइव लैख क्लियर है मालिक अब तीन लोग रिवाइज अगेन किसको रिटर्न भरना है पहला कंपनी फर्म दूसरा आर ओ आर है सेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया तीसरा उट क्लेम सीरीज करते जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज को मैं दस बार रिपीट करवाऊंगा फोर्थ फोर्थ एनी अदर पर्सन कैसा बेटा एनी अदर पर्सन यस इफ इज टोटल इनकम एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू Tax. कोई भी अदर पर्सन अगर इनकी टोटल इनकम बेसिक एक्सामेशन लिमिट से ऊपर है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए यस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए अगर इनकी इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर है, इन्हें क्या भरना है रिटर्न फाइल करना है एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म इसके अलावा पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न इफ डिपॉजिट एक्सीड्स वन करोड़ इन वन और मोर

टू लैख्स तो आपको रिटर्न भरना है आपकी इनकम कितनी है इनरेलीवेंट यस yes. मान लीजिए आप सी एंटर पास कर जाते हैं और आप अपने दोस्तों को कमेंट कर देते हैं कि भैया मैं तेरे को मेडिटेशन करने के लिए थाईलैंड लेके जाऊंगा <laughs> बराबर है मेडिटेशन yes. यस आप कमिट कर देते हैं आप अपने सारे दोस्तों का मिला करके क्या करते हैं भैया टिकट बुक करते हैं टू पॉइंट फाइव लैख यस yes. बैठा दे चेयर डाल करके चेयर या यहाँ पे कुछ जगह है वहां पे बैठा दे हाँ चेयर अरेंज कर दिया यहाँ पे भी जगह है पहले उनको बोल यहीं पे बैठ जाएं जितने लोग हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं यहाँ पे बैठा दो जिसके पास आस पास बैग रखा है प्लीज़ थोड़ा सा नीचे रख दो सब लोगों को बैठने दो फटाफट इधर भी है बेटा इधर भी है फर्स्ट बेंच में भी है फटाफट आ जाओ हाँ जी कंसेप्ट फोकस करो हाँ बोलो जल्दी से अगर फॉरेन ट्रैवल पे कितना खर्चा हुआ है टू लैक और मोर तो आपको रिटर्न भरना है नेक्स्ट अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन बिल एक लाख रुपए के ऊपर है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन बिल एक लाख रुपए के ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है या फिर सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब चलो वापस से हाँ मैं बताते जाऊंगा आपको हाँ या ना बोलना है ठीक है बताइए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था फाइव लाख एग्जाम्पन क्लेम कर लिया फिफ्टी फोर ई सी में पूरा का पूरा डू आई नीड टू फाइल रिटर्न मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया नाइन्टी थाउजेंड मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वन लाख वन थाउजेंड पर इनकम बेसिक एक्जम्शन लिमिट के नीचे है डू आई नीड टू फाइल रिटर्न मेरा इनकम है टू लाख रुपीज पर मैंने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है थ्री लाख yes. ये को सवाल बिल्कुल मत पूछना ऐसा कैसे हो सकता टोटल इनकम इज आफ्टर डिडक्शंस मेरी रिसीट नहीं तो ये सवाल फालतू का पूछना मत अभी राइट तो बताइए मेरी टोटल इनकम टू लाख है पर मैंने जो फॉरेन के ऊपर खर्चा किया है टू पॉइंट फाइव लाख है डू आई नीड टू फाइल रिटर्न मैं कंपनी हूँ पाँच करोड़ का लॉस है एक फर्म हूँ लॉस है मैं एक एल एल पी हूं लॉस है यस yeah. मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट हूं मेरी इनकम बेसिक एक्समशन लिमिट से ऊपर है ये सो नो ये आई नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम यस मैं एक आर ओ आर हूं इंडिया में इनकम दो लाख रुपए है पर फॉरेन में मेरे पास एक एसेट है डू एन यू टू फाइल रिटर्न यस बहुत बढ़िया बेटा चलो आ जाओ अब कुछ क्या हुआ है बेटा अमेंडमेंट्स आए हैं क्या आए हैं बेटा कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं कुछ लोगों को और रिटर्न भरने की जरूरत है कुछ लोगों को और क्या करने की जरूरत है रिटर्न भरने की जरूरत है अच्छा जी सर और किन लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत है बताते हैं साहब आपको कुछ और लोग हैं जिनको आपको क्या करने की जरूरत है बेटा रिटर्न भरने की जरूरत है एनी कुछ टी के रिक्वायरमेंट्स आए हैं अगर आपको याद हो तो किसके रिक्वायरमेंट आए हैं टी किसके रिक्वायरमेंट्स आए हैं बेटा टी डी के कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हैं कि आप रिटर्न भरेंगे इसके की मे चेक चेक फाइनेंस एक्ट 2022 ने फाइनेंस एक्ट 2022 ने कुछ और लोग ऐड कर दिए कि जिनको क्या भरने की जरूरत है रिटर्न भरने की जरूरत है पहला अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कैरी आउट कर रहा है और उसका सेल्स एक्सीड कर जाता है सिक्सटी लाख रुपीज से अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है बिजनेस का सेल्स एक्सीड कर जाता है सिक्सटी लाख रुपीज से तो उसको रिटर्न भरना है इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे यानी आप देखिए बिजनेस है पांच लाख के ऊपर सेल्स गया पैन नंबर ले ले साठ लाख के ऊपर अगर टर्न ओवर गया रिटर्न भर दूसरा अगर कोई प्रोफेशन है ग्रॉस रिसीट टेन लाख के ऊपर जा रही है प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट लाख के ऊपर जा रही है आपको रिटर्न भरना है तीसरा अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज सिक्सटी एन है अगर इनका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस जो कटा है एक्सीड कर रहा है पचास लाख रुपए से एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस पचास लाख से ऊपर जा रहा है इनको सॉरी पचास हजार यस yes, बेटा तो आज बैटरी थक जाए तो मत थकना वापस से अगर कोई सीनियर सिटीजन है अगर कोई सीनियर सिटीजन है और इनका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस जो कटा है ये कितने से कर रहा फिफ्टी थाउजेंड तो इनको रिटर्न भरना है अदर देन सीनियर सिटीजन है इनका टीडीएस मात्र पच्चीस हजार रुपए से भी ऊपर कट गया तो इनको रिटर्न भरना है यस yes. अगर कोई व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट है और इस सेविंग बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाता है एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी लैख तो आपको रिटर्न भरना है बिलीव मी इसके पहले जितने रिटर्न के पार्ट पढ़े उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा अब इस पर आएगा क्वेश्चन आएगा इस पर अमेंडमेंट वाली चीज है एग्जामिनर के लिए बहुत लुक्रेटिव है इसको रिवाइज करके जाना करके जाना है तो चलो कमॉन्ट इसको एटलीस्ट दो बार रिवाइज करेंगे हम सब प्लीज पे अटेंशन मेरा बिजनेस से टर्न कितने से ऊपर चल जाए yeah. मेरा प्रोफेशन से क्रॉस रिसीट yeah. मैं सीनियर सिटीजन हूं मेरा टीडीएस कितने से ऊपर कटना चाहिए मैं नॉन सीनियर सिटीजन हूं मेरा टीडीएस कितने से ऊपर करना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या फिर मैंने मेरे सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट फिफ्टी लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिए मुझे रिटर्न भरना है मुझे क्या करना है रिटर्न भरना है रिविजन टू वापस से रिवाइज करो चलो मेरा प्रोफेशन है ग्रॉस रिसीड शुड ग्रॉस शुड रिसीडीड टेन लैक्स बिजनेस शुड मेरा सीनियर सिटीजन का टीडीएस शुड एक्सड फिफ्टी थाउजेंड नॉन सीनियर सिटीजन टीडीएस या फिर मेरे केस में डिपॉजिट इन माय सेविंग अकाउंट शुड एक्सीड तो आई नीड टू फाइल रिटर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है इधर समझ में आई बात पहले वाले सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है क्लियर है मालिक अच्छा जी रिटर्न कब तक के भरना है याद होगा तो वन थर्टी नाइन वन बात करता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की अरे हाँ वन थर्टी नाइन वन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की बात करता है चल लाला लाला मेरे लाला चल बात कर दो तरीके की चीजें हो सकती है कंपनी और अदर्स दो तरीके की चीजें हो सकती है कंपनी और अदर्स अगर कंपनी को टीपी रिपोर्ट देना है दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देना है तो आपको नहीं लगता द ड्यू डेट इज थर्टिथ नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर द ड्यू डेट इज थर्टिथ नवंबर ऑफ दी असेसमेंट ईयर अगर टीपी रिपोर्ट नहीं देना है अदर है तो ऐसे केस में थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर सन इफ दे आर लाइबल टू टैक्स ऑडिट लाइबल टू टैक्स ऑडिट तो थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर इफ दे आर नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट थर्टी फर्स्ट जुलाई ऑफ दी असैसमेंट आपको, यस yes, ड्यूडेट एक ऐसा सेक्शन है जो बाई डिफॉल्ट में आपको याद होना चाहिए क्योंकि पीजीपीपी के टाइम पर यह बहुत ज्यादा यूज होता है क्यों पीजीबीपी के टाइम पर सबसे ज्यादा यूज होता है इस सेक्शन का भैया ड्यूडेट से पहले आपने खर्चा किया या ड्यूडेट के बाद खर्चा किया ड्यू डेट कम ऑन रिपीट विद मी अगर कंपनी है टीपी रिपोर्ट लाइबल है बोल जल्दी से। 30th November, otherwise, 30th October, tax audit वाला केस, है? आपको अगर याद हो तो यहां पे एक प्रोविजन भी है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन फाइव ए ऑफ इनकम टैक्स में कवर होता है यस फाइव ए पोर्टुगीज सिविल लॉ So, अगर कोई पर्सन पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में कवर्ड है उसकी स्पाउस का भी ड्यूडेट वही हो जाता है जो हस्बैंड का होगा क्लियर yes no? so, है सो फाइव ए केस में स्पाउस का भी ड्यू डेट कैसा रहेगा सेम क्लियर है मालिक चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस से एक बार रिपीट करना मेरे साथ बराबर सेक्शन 139, थर्टी नाइन हुड्स टू फाइल रिटर्न वन थर्टी नाइन वन ड्यूडेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न वन थर्टी नाइन ए हंड्रेड परसेंट फोकस करो किसी आने जाने पे फोकस नहीं करना हंड्रेड परसेंट फोकस करो वन थर्टी नाइन ए पैन वन थर्टी नाइन डबल ए आधार वन थर्टी नाइन बी बल्क रिटर्न पागल टीआरपी वन थर्टी नाइन वन ए बल्क रिटर्न चल रिवाइज कर वापस मैं जितना पार्ट बोलूंगा मेरे को सिर्फ उतने पार्ट का रिवीजन चाहिए ठीक है मैं जितना पार्ट बोलूंगा उतने पार्ट का रिवीजन चाहिए मैं बिजनेसमैन हूं मेरा टर्नओवर 70 सेवेंटी लैख डू आई नीड टू फाइल रिटर्न मैं प्रोफेशनल हूं मेरा ग्रॉस रिसीट पंद्रह लाख yes. मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग चैप्टर सिक्स ए थ्री डू आई नीड टू फाइल रिटर्न यस अच्छा

नहीं भर सकता मेरा ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं, नहीं भरा मेरा रिवाइज रिटर्न टीआरपी है मालिक मैं एक कंपनी हूं कंपनी हूं टीपी रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न थर्टी फर्स्ट सॉर्टेड मालिक आगे बढ़ो सॉटेडे मालिक आगे बढ़ो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दो और रिटर्न वन थर्टी नाइन थ्री का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कुछ भी नहीं लिखना सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं ठीक है टॉक्स टॉक्स अबाउट अबाउट लॉस रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन क्या कहता है सेक्शन बोलता है देख बेटा अगर तेरे को पीजीबीपी या कैपिटल गेन या ओइन एंड का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो तेरे को रिटर्न भरना मैंडेटरी है और ये रिटर्न वन थर्टी नाइन वन की ड्यूडेट में जाना चाहिए So, अगर तुझे पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन का लॉस या लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैरी फॉरवर्ड करना है तो तुझे रिटर्न भरने की जरूरत है ये रिटर्न तुझे कब तक के भरना है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मां कसम डेट याद नहीं आ रही कंपनी है तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टीपी रिपोर्ट के लिए थर्टी नवंबर अदर लाइबल टू टैक्स ऑडिट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर अदर नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट बराबर है तो तुझे रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है अगर तूने रिटर्न नहीं भरा एल्स एल्स कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है पर दो लॉस ऐसे है दो लॉस ऐसे है जिसको तू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है एचपी एंड अनएबॉर्ब एप्रीसिएशन एवरीबॉडी यस सो एचपी और अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन का लॉस तू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है भले रिटर्न तूने टाइम पे फाइल नहीं किया हालांकि पीजीबीपी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता नहीं वन थर्टी थ्री इसके बाद में आता है दो सेक्शन वन थर्टी नाइन फोर वन थर्टीड रिटर्न की दूसरी बात करता है yes, रिवाइज दूसरी बात करता है रिवाइज रिटर्न की ठीक है लॉन्ग थिंग शॉर्ट दोनों का टाइम लिमिट सेम है लॉन्ग थिंग शॉर्ट दोनों का टाइम लिमिट सेम है बताइए थ्री मंथस प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर सो बी लेटर रिटर्न रिटर्न रिवाइज दो बार अलग अलग चीजें नहीं पढ़ना दोनों के कॉमन टाइम लिमिट है एक बार में पढ़ के शॉर्ट कर सकते हो चलो बोलो वापस से बी लेटर रिटर्न रिवाइज रिटर्न टाइम लिमिट क्या है थ्री द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज चल अब मुझे बता मान लीजिए तेरा प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वन थर्टी नाइन वन के हिसाब से सपोज टैक्स ऑडिट कवर नहीं हो रहा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न थर्टी फर्स्ट जुलाई टू जीरो टू थ्री और टू थ्री तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर याद है ना जीवन में yes सो so आप अगर नवंबर दिसंबर भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री असमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर येस yes. अच्छा बता बी लेटर रिटर्न का लास्ट डेट क्या है दिसंबर क्या कोई फर्क पड़ जाएगा अगर मैं रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट पूछ नहीं, और अगर इसके पहले असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो वो डेट लगा देना आहो ठीक है बेटा चलो बहुत बढ़िया सो बी लेटर रिटर्न रिवाइज रिटर्न टाइम लिमिट सेम है चलो आओ. एनी पर्सन फर्निश द रिटर्न विद इन टू दर बिफोर कंप्लीशन के टाइम पे बताइए कुछ क्विक बाइट्स कुछ क्विक बाइट एक रिटर्न कितने बार रिवाइज कर सकते इस परिमिट अगर मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल किया वेदर रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न रिटर्न रिप्लेस रिटर्न यस yes. क्लियर है मालिक चलो आ जाओ डिफेक्टिव रिटर्न वन थर्टी नाइन नाइन डिफेक्टिव रिटर्न अगर आपने कोई रिटर्न सबमिट किया अगर आपने कोई रिटर्न सबमिट किया और ये रिटर्न डिफेक्टिव रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करेगा भैया आपके रिटर्न में डिफेक्ट है पंद्रह दिन का टाइम देगा सुधार ले सुधारा रिटर्न वैलिड नहीं सुधारा रिटर्न इनवैलिड चलो कम ऑन क्विक अगेन जब भी रिटर्न में कोई डिफॉल्ट है कौन कम्युनिकेट करेगा एओ आपको कम्युनिकेट करेगा पंद्रह दिन का टाइम लिमिट देगा सुधारा रिटर्न वैलिड नहीं सुधारा रिटर्न इन वैलिड विषय डिफेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इफ रिटर्न इज रेक्टिफाइड वैलिड रिटर्न नॉट रेक्टिफाइड इन वैलिड रिटर्न कभी नहीं आने वाला सर पढ़ाया क्यों जिम्मेदारी ये yes सुनो चलो जी वन ए अपडेटेड रिटर्न कंफर्म आएगा कंफर्म आएगा वन ए अपडेटेड रिटर्न यस चलो जी अभी क्या कंसेप्ट आया भाई अपडेटेड रिटर्न मतलब जीवन में बीलेटेड कम थे रिवाइज कम थे कि एक और आ गए अपडेटेड रिटर्न वन थर्टी ए हम्म चलिए कुछ कंसेप्ट बुक को बाजू रखो दिल से दिल को कनेक्ट करते हैं अपडेटेड रिटर्न किन के लिए लाया उनको जिनको आगे चल के पेनल्टी से बचना है पेनल्टी से बचने का वो एक मौका दे रहे हैं आपको पेनल्टी से बचने का वो क्या दे रहे हैं आपको एक मौका दे रहे हैं मौका कैसा आपको बोला जा रहा है देख भाई अगर तू किसी साल के लिए रिटर्न भरा या नहीं भरा एक एक लाइन ध्यान से सुनना किसी साल के लिए तूने रिटर्न भरा या नहीं भरा किसी साल के लिए रिटर्न नहीं भी भरा तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है कम ऑन अगेन वंस रिटर्न भरा नहीं भरा उस असेसमेंट ईयर के एंड से दो साल के अंदर तू कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकता है उस असेसमेंट ईयर के एंड से दो साल के अंदर तू कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकता है अब जब तू अपडेटेड रिटर्न सबमिट करेगा यू हैव टू मेक श्योर ये रिटर्न इनकम का रिटर्न होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न के नॉट बी अ लॉस रिटर्न कम ऑन अगेन अपडेटेड रिटर्न के नॉट बी अ लॉस रिटर्न फिर से एक बार अपडेटेड रिटर्न के नॉट बी अ लॉस रिटर्न सो आप उस असेसमेंट ईयर के एंड से दो साल के अंदर कभी भी भर सकते हो राइट right? ये जो सेक्शन लाया ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से लेके आया मतलब इट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यस ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से लेकर के आया दो साल के अंदर में आप कभी भी अपना अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न जो सबमिट होगा यह हमेशा इनकम का होगा ये लॉस का अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता ये अपडेटेड रिटर्न अगर आपका लॉस लॉस रिड्यूस बढ़ाने का भी होगा तो भी नहीं हो सकता हाँ लॉस कम कर रहे हो अपडेटेड रिटर्न सबमिट हो सकता है क्या यस yes. क्योंकि अगर आप लॉस कम कर रहे हैं दैट मीनस आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं तो वो चल जाएगा पर लॉस इंक्रीज करके आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते नहीं इसके लिए एक नया फॉर्म आया 139 यू uh, नो you know, इसके लिए एक नया फॉर्म आया आई टी आर यू इसके लिए एक नया फॉर्म आया क्या आई टी आर यू पर मैं आपको बताऊं यह प्रोविजन आप लर्न करने के बदले यह याद करो कि अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लिस्ट ज्यादा बड़ी है कि कब अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता तो मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे दो चीजें इस पूरे प्रोविजन में याद रखना अपडेटेड रिटर्न में रादर तीन पहला अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट जो आपको पूछा जा सकता है दूसरा अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं कर सकते और तीसरी चीज जो आप पढ़ के जाओगे अपडेटेड रिटर्न में एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ता चलो कमॉन वन सेकेंड तीन चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड में याद रखना देख अमेंडमेंट भी है पर तेरे को सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यस yes? राइट right? पहला तेरे को क्या पढ़ना है टाइम लिमिट दूसरा क्या पढ़ना है अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं करना है। और तीसरा एडिशनल टैक्स कितना पे करना है बस ये तीन कंसेप्ट देखो पूरे अपडेटेड में फोकस करना है क्लियर है अच्छा जी तो चलिए ध्यान से सुनिए एनी पर्सन कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न चाहे आपने उस ईयर के लिए रिटर्न भरा या नहीं भरा यस yes. दूसरा कब तक भर सकते हो विद इन ट्वेंटी फोर मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर यस तो अगर असेसमेंट ईयर है बाईस तेईस तो लास्ट डेट क्या हुई थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव सकते हैं तो यह पहला क्लियर है मालिक अच्छा जी कैन सबमिट अपडेटेड रिटर्न अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाई एनी पर्सन वेदर और नॉट हीन वेदर और नॉट ही रिटर्न अच्छा जी सर पर्सन हैज सस्टेन लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर एंड ही हैज ऑलरेडी सबमिटेड लॉस ये कैन फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न वेयर सच रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम तो अब इसको चेक कर लीजिए इंस्टीट्यूट मुझे लगता है यहां घुमा सकता है सोच समझ के बताना ठीक है आपने जो पहला रिटर्न भरा था यह लॉस का भरा था नया रिटर्न जो भरा वो अगेन लॉस रिटर्न भरा अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल नहीं है पहला रिटर्न जो भरा ये इनकम का भरा दूसरा भी भरा ये इनकम बढ़ा के भरा बताइए अब रिटर्न हो सकता है तीसरा रिटर्न जो था वो रिटर्न ऑफ इनकम था पर आपने अपडेटेड रिटर्न लॉस का भरा पॉसिबल नहीं है आपने लॉस रिटर्न सबमिट किया था अब आपने अपडेटेड इनकम रिटर्न सबमिट किया पॉसिबल है क्लियर है आइए सर अगर एक से ज्यादा साल के अपडेट करने हैं आपको तो हर ईयर का सेपरेट अपडेटेड रिटर्न लगेगा यह दूसरे काम की चीज अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं हो सकता अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं हो सकता पहला अपडेटेड अपडेटेड रिटर्न 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 इज अ ऑफ ऑफ लॉस लॉस अगर है सबमिट नहीं हो सकता दूसरा अपडेटेड रिटर्न हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा होगा तो आपका अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता तीसरा सर्च हैज इनिशिएटेड आपके घर पे सर्च या सर्वे हुआ है आपके घर पे रेड हुई है सर्च या सर्वे हुआ अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता नोटिस हैज बीन इशूड दैट मनी बुलियन ज्वेलरी एली आर्टिकल और थिंग अदर पर्सन बिलोंग्स टू है किसी दूसरे के घर पे रेड पड़ी एंड एओ श्योर है ये आपको बिलोंग करता है मतलब रेड किसी और के यहां पड़ी और एओ को लगता है कि आप वहां से होके गए हैं वो चीज आपको बिलोंग करती है वो चीज किसको बिलोंग करती है आपको गुड एडवाइस कहीं जाके आओ तो कुछ छोड़ के मत आना गुड एडवाइस कभी आप कहीं जाके आओ तो कुछ छोड़ के मत आना सारे सबूत मिटा के आना बराबर है सबूत मिटा देना नहीं तो अपडेटेड रिटर्न नहीं हो पाएगा सो so, वेयर अपडेटेड रिटर्न हैज बीन ऑलरेडी फर्निश्ड अगर किसी साल के लिए अपडेटेड रिटर्न आपने ऑलरेडी फर्निश किया है उस साल के लिए वापस अपडेटेड रिटर्न हो सकता नहीं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अपडेटेड रिटर्न कैन बी डन ओनली वंस क्लियर है नेक्स्ट वेयर असेसमेंट रीअसेसमेंट इज पेंडिंग मान लीजिए किसी साल के लिए आपके ऊपर ऑलरेडी असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग चल रहा होगा इन शॉर्ट अगर आपके ऊपर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक्शन ले रखा है सर्च सर्वे असेसमेंट सीजर आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते नहीं एओ हैज इन्फॉर्मेशन दैट दिस पर्सन इज कवर्ड इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ब्लैक मनी एक्ट बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट स्मगलर एंड फॉरन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट इन शॉर्ट आपके सारे धंधे ही काले है यस yes, राइट right? मान लीजिए आप वाओ एक्सपोर्ट में है कई में है आप वाओ एक्सपोर्ट और इसका जो ओनर है राइट right, इसका जो ओनर है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसा हुआ है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में फंसा हुआ है बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर में फंसा हुआ है या स्मगलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर के अंदर में है नॉट फाइल एन अपडेटेड रिटर्न समझ मारी बात यस इंफॉर्मेशन हैज रिसीव अंडर डी टी टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट फॉरन कंट्री से आपके खिलाफ एक रिपोर्ट कार्ड आई है कि भैया ये आदमी हमारे यहां से टैक्स चोरी करके गया है खत्म आप उस ईयर का अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते नहीं प्रोसिक्यूशन वहां प्रोसिक्यूशन लिखा है <laughs> प्रोसिक्यूशन, बीन क्या प्रोसिक्यूशन बीन इन आपके लिए जेल की प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है इनकम टैक्स ने आपके लिए क्या निकाल दिया वारंट निकाल चुका है अब आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते नहीं एंड द लास्ट पर्सन सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन ये नौ आइटम देने के बाद भी इनकम टैक्स बोलता है हम फ्यूचर में ये लिस्ट बढ़ा देंगे सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन चलिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं पॉइंट नंबर वन कैन एनी पर्सन फाइल अपडेटेड रिटर्न अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड विदिन ट्वेंटी फोर मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बताइए स्मगलर्स एक्ट के अंदर मैं कवर हूं अपडेटेड रिटर्न मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनकम टैक्स का असेसमेंट चल रहा है वो छोड़ो इनकम टैक्स का असेसमेंट चल रहा है नहीं सर अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकता हो क्या नहीं आ, सर मेरे खिलाफ फॉरेन इनकम टैक्स से नोटिस आया है नहीं कर सकते प्रोसिक्यूशन एक्टिविटी चल रही है मेरे अगेंस्ट में इन सब में आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं नहीं अब यहां पे आइए ये है बड़े काम की चीज अपडेटेड रिटर्न अगर आप सबमिट करना चाहते हैं डेटर रिटर्न अगर आपको सबमिट करना है आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा जितनी इनकम आप बढ़ा रहे हो उस पर टैक्स अलग एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा टैक्स तो आप देंगे ही एडिशनल टैक्स देना है मुफ्त 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 यस सीधे शब्दों में यह पेनल्टी है पर इसे पेनल्टी का नाम ना देके एडिशनल टैक्स का नाम दे दिया सीधे शब्दों में यह है क्या पेनल्टी पर इसको पेनल्टी नाम ना देकर के क्या दे दिया एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ेगा अगर आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ट्वेल्व मंथ के अंदर ही दे देते हैं तो इट विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज एंड सेस मतलब वापस से सुनिए जो भी आपका टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस आया इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर आप असेसमेंट ईयर के बारह महीने के अंदर ही डिक्लेयर कर देते तो यही आप चौबीस मंथ तक के जाते हैं तो फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं टैक्स इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस टैक्स इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस चलिए इसे कुछ इस तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल एक से समझते हैं ठीक है प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल और जवाब निकालिए विच यू हैज हाँ सबमिटेड द अपडेटेड रिटर्न फॉर दसेसमेंट इवेंटी टू ट्वेंटी थ्री वे आर द टैक्स पेएबल उन्होंने टैक्स पेएबल निकाल के दिया है टैक्स पेएबल अलोंग विद सरचार्ज एच इज वन लैख फोर्टी थाउजेंड ऑन द इनकम डिस्कलोज वट इज द एडिशनल टैक्स पेबल सपोज रिटर्न इज सबिटेड बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर असमेंट ईयर क्या था ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सपोज मैं अपडेटेड रिटर्न दो हजार चौबीस तक दे देता हूँ टैक्स पेबल इज़ वन लैख फोर्टी थाउजेंड क्या आप बता सकते हैं एडिशनल टैक्स कितना आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन लैख फोर्टी थाउजेंड एवरीबाडी ये सो नो यही रिटर्न अगर दो हजार पच्चीस में सबमिट करूँ तो फिफ्टी परसेंट अरे एवरीबडी यस yes, तो जो भी टैक्स आया टैक्स का ट्वेंटी फाइव परसेंट या टैक्स का फिफ्टी परसेंट प्लस टू थर्टी फोर बी और सी का इंटरेस्ट भी लगेगा टू थर्टी फोर बी एंड सी का इंटरेस्ट भी लगेगा पूछो ना क्यों कैसी बातें कर रहे हो साहब आपने अगर इनकम अब बढ़ा के दिखाई है मतलब उस साल का एडवांस टैक्स गलत कर दिया उस साल का एडवांस टैक्स गलत कर दिया तो आपको टू थर्टी फोर बी और सी तो आएगा ना जनाब यस एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड नॉट पेड का इंटरेस्ट क्लियर है सो एडिशनल टैक्स जल्दी से बताइए कितना एवरी चलो तीन पॉइंट रिकॉल करवा रहा हूं वन थर्टी चैप्टर ही खत्म होने आ रहा है पहला अपडेटेड रिटर्न कब तक सबमिट की जा सकती है <laughs> जितने ऑनलाइन है फटाफट कमेंट करो ट्वेंटी फोर मंथ के अंदर में हो सकती है मैंने उस साल का रिटर्न ही नहीं भरा अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड स yes, मैंने ऑलरेडी रिटर्न भरा था अपडेटेड रिटर्न कैन कैनमी सबमिटेड उस साल का रिटर्न इनकम रिटर्न था अब लॉस रिटर्न है उस साल का लॉस लॉस रिटर्न रिटर्न था अब ही है पर कम लॉस है उस साल का इनकम रिटर्न था अब लॉस रिटर्न है उस साल का लॉस रिटर्न था अब इनकम रिटर्न है यस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में कवर हो रहे हैं हम हमारे ऊपर असेसमेंट चल रही है हमारे ऊपर सर्च हो चुका है हमारे को फॉरेन इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया है क्लियर है अपडेटेड रिटर्न जब भी भरेंगे एडिशनल टैक्स भरना है अगर 12 महीने के अंदर भर दिया तो एडिशनल टैक्स परसेंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस अगर 12 महीने के बाद 24 महीने तक तो 50 परसेंट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस क्लियर है मालिक बहुत शानदार क्या टू बी और सी का इंटरेस्ट भी आएगा यस डिफरेंशियल अमाउंट पे बी और सी भी आएगा बहुत शानदार बेटे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं यस uh, yes. अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया मेजर दो कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको याद रखने हैं पहला 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा दूसरा फीस लग सकती है 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा दूसरी चीज जो लगेगी वो लगेगी फीस टू ए का इंटरेस्ट कितना है बेटा वन पर मंथ और पार्ट डेर ऑफ ट पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ जो भी आपका टैक्स पेबल है इसका वन परसेंट पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ कहां से कहां तक आफ्टर द ड्यू डेट से लेके जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते या जब तक के असेसमेंट नहीं हो जाती क्लियर है मालिक वन थर्टी फोर ए का इंटरेस्ट अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा बोलो इंटरेस्ट कितना 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ रिटर्न फाइल किया तो टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं किया तो जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक का इंटरेस्ट लगेगा क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ थेरी क्लियर है उसके भी चांसेस कम स्पेशली इस बार आर के टॉपिक में नेक्स्ट आता है फीस लगेगा टू एफ का फीस लगेगा टू एफ अमेंडमेंट 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 ध्यान से सुनिए अब मैक्सिमम फीस जो रिकवर हो सकती है वो कितनी है फाइव थाउजेंड द मैक्सिमम फीस अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरी फाइव थाउजेंड हालांकि आपकी टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम फाइव लाख से ऊपर नहीं है मैक्सिमम फीस कैन भी रूपीज वन थाउजेंड क्लियर है चलो बच्चों, रिकॉल करो टॉपिक ओवर वन थर्टी नाइन पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न फोकस वाला पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूं एवरीबडी मेरा बिजनेस का टर्न ओवर सेवनटी टू लैख डू आई नीड टू फाइल रिटर्न मेरा ग्रॉस रिसीट फिफ्टीन लैख टी जो मेरा कटा है थर्टी थाउजेंड yes. मैं सीनियर सिटीजन हूं अब मेरा टी डी एस कटाए सिक्सटी थाउजेंड यस अगर uh, मान लीजिए सेविंग अकाउंट में मेरे सेवेंटी लैख डिपॉजिट हुआ है डू आई नीड टू फाइल रिटर्न यस ये था अमेंडेड वाला पार्ट वन थर्टी नाइन वन किस बारे में बात कर रहा था ड्यू yes. डेट या तो जुलाई या तो अक्टूबर वन थर्टी नाइन थ्री तीन लॉस अगर मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है रिटर्न टाइम पे भरना है तीन लॉस कौन से पीजीबीपी कैपिटल गेन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस वन थर्टी नाइन फोर एंड वन थर्टी नाइन फाइव बी रिटर्न रिवाइज रिटर्न दोनों का टाइम लिमिट क्या सेम है वन थर्टी नाइन नाइन डिफेक्टिव रिटर्न कितने दिन में डिफेक्ट सुधारना है पंद्रह दिन सुधार दिया तो रिटर्न विल बी वैलिड नहीं सुधार रिटर्न विल एट ए चलो बताओ कब तक सबमिट करना है पहले ट्वेल्थ मंथ में एडिशनल टैक्स जो देना है वो और दूसरे में फिफ्टी परसेंट ऑफ इनकम और टैक्स पेबल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर हुआ अपडेटेड भर सकते लॉस का अपडेटेड भर सकते हैं जिसके ऊपर सर्च हुआ भर सकते फॉरेन असेसमेंट आई होंगी भर सकते है? नहीं क्लियर है इसके बाद हम लोग गए थे वन थर्टी नाइन ए पैन वन थर्टी नाइन डबल एन थर्टी नाइन बी टी आर पी वन थर्टी नाइन वन ए रिटर्न टाइम पे नहीं भरा फीस विल बी अगर ओवरऑल इनकम पांच लाख है तो फीस विल बी वन थर्टी नाइन हा टू थर्टी फोर ए इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ ड्यू डेट के बाद से अगर रिटर्न भरा तो रिटर्न तक रिटर्न नहीं भरा तो जब तक असेसमेंट हो जाता तब तक एवरीबॉडी यस सर ये था आपका रिटर्न का टॉपिक जो आप कभी नहीं पढ़ने वाले थे सॉटरडे मालिक चलो रिटर्न का टॉपिक बाजू करो अब बात निकली ही थी तो चलो एक छोटा सा टॉपिक करके आते हैं चलो एक छोटा सा टॉपिक करके आते हैं बात निकली ही थी तो एक छोटा सा टॉपिक करके आते हैं तो कर एडवांस टैक्स वो तो आपने बात निकाल दी इसलिए नहीं तो मैं नहीं पढ़ाने वाला था ये टॉपिक पर तुमने क्योंकि मेरे को आप फोर्स कर रहे हो तो मैं पढ़ा देता हूं एडवांस टैक्स क्या बोला बेटा एडवांस टैक्स सुन बेटे यस yes. अगर कोई पूछे गुड़ी पाड़वा को क्या किया जवाब देना वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ बाय माई सेल्फ बराबर है चलो लेट्स फोकस लेट अस फोकस देख आज का दिन है तेरे पास आज का दिन या तो मेरे साथ एक दिन इन्वेस्ट करके पूरा का पूरा डीटी कंप्लीट कर ले स्पेसिफिक सेक्शन रिवाइज कर ले या तो वही जो दूसरे कर रहे हैं आराम कर ले चॉइस तेरे हाथ में है या तो ईमानदारी से मेहनत कर आज मेहनत कर ले बाद में आराम कर या तो देखो दूसरा ऑप्शन तो पता ही ये एंड मेक श्योर इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे घर का नेम प्लेट तुम्हारे नाम पे होना चाहिए ये मेहनत जरूर करना ठीक है लेट्स फोकस एडवांस टैक्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मॉड्यूल में किसके साथ मिक्स करा हुआ है टीडीएस टीसीएस के साथ यस yes, पर हाँ छोटा सा टॉपिक है लॉजिकली इसके ऊपर क्वेश्चन में आएंगे पहले बता रहा का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्टेड स्टडी करके जाना क्वेश्चन आएगा टू बी के ऊपर क्वेश्चन आएगा टू सी के ऊपर क्वेश्चन आएगा बताइए क्या कैजुअल इनकम एंड कैपिटल गेन के ऊपर टी आता क्या सॉरी एडवांस टैक्स आता क्या एंड चौथा क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा जा सकता है लॉजिकली वो पूछा जा सकता है व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स लॉजिकली एग्जामिनर को पूछना है तो ये पूछेगा थोड़े ढंग के क्वेश्चन है बच्चा क्या करके जाता ये पढ़ के जाता हु इज लाइबल टू एडवांस टैक्स अरे क्वेश्चन तुमको लगता है एग्जामिनर तुमको पूछेगा कब नहीं कतई जहर कभी पूछने वाला नहीं हो तुमसे वो तुमसे पूछेगा भाई तू ये बता एडवांस टैक्स पे नहीं किया बच्चा टू थर्टी फोर बी और सी पढ़ के नहीं जाता वो बोलता है तो सेक्शन है क्या पढ़ना <laughs> अरे वो कहता कहता टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर सी सेक्शन है इनको क्या पढ़ना अरे यही यही एग्जामिनर बी सी पूछ लेता समझ में आ रही बात फोकस वहां करो सी इजी चीज पे फोकस ही मत करके जाओ मैं आपको अप्रंट बोल दू कोई लॉलीपॉप नहीं दिखा रहा डीटी का पेपर हार्ड ही आता है और लेंदी ही आएगा इसमें मैं डीटी की बात कर रहा हूं जीएसटी के नहीं बराबर है जीएसटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो द पॉइंट इज डीटी का पेपर लेंदी ही, ही होता है सर क्यों लेंदी होगा पूछो ना क्यों सैलरी <laughs> में बोलते तीन सेक्शन है, है कितने <laughs> मालूम है ना तुम्हारे को यस yes, सैलरी में बोलते तीन सेक्शन है कितने कैपिटल गेन में बोलते दस सेक्शन है चालीस सेक्शन है कैपिटल गेन के अंदर में तो डीटी का पेपर लेंदी ही रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है कोई मैं तुमको लॉलीपॉप नहीं दिखा रहा कि देखो बहुत इस, बहुत ग्लूमी है नहीं हार्ड ही रहेगा चलिए एडवांस टैक्स किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है मैं आपको बता दूं एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है हर पर्सन के ऊपर एवरी पर्सन हुज हुटीमेटेड टैक्स लाइबिलिटी टेन थाउजेंड और मोर यस तो एवरी पर्सन कैसा बेटा एवरी पर्सन चलिए ध्यान से सुनिए चैप्टर एप्लीकेबल कब होता है थोड़ा सा इधर देखिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स को कंप्यूट कैसे करते हैं सबसे पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं दिस इज द फर्स्ट थिंग रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद आप उस आदमी की टोटल इनकम निकालते हैं टोटल इनकम इनकम मतलब ऑफ ऑल फाइव हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शन क्या बनता टोटल इनकम टोटल इनकम में से आप क्या निकालते हो टैक्स या तो नॉर्मल तरीके से या तो अल्टरनेटिव टैक्स से अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जिससे भी टैक्स निकलेगा इसमें से आप माइनस करेंगे एडवांस टैक्स जो पे किया टीडीएस टीसीएस जो डिडक्ट हुआ यस और नो या मैट ई क्रेडिट जो माइनस हुआ एंड अल्टीमेटली फिर आपका फाइनल टैक्स आएगा जिसको आपको राउंड ऑफ करना होगा इस टैक्स पे आपको 234 ए बी और सी का इंटरेस्ट लगाना होगा तब जाके आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी आई यू गेटिंग द पॉइंट अब एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर वन हु इज लाइबल टू एडवांस टैक्स क्वेश्चन नंबर वन हु इज लाइबल टू एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है एवरी पर्सन जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज टेन थाउजेंड और मोर अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी टेन थाउजेंड और मोर से आती है तो आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है या फिर आप फोर्टी फोर AD, में कवर होते हैं प्रिजमटिव इनकम तो हर उस व्यक्ति को एडवांस टैक्स भरना है जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी टेन थाउजेंड या ज्यादा है या फिर वो प्रिजिव इनकम फोर्टी फोर एडी एडीए में कवर हो रहा ए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला इसमें नहीं है यानी उसको ये लिमिट क्रॉस करनी होगी तो ही वो एडवांस टैक्स में आएगा क्लियर है अच्छा जी सर क्वेश्चन नंबर टू हु इज नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स क्वेश्चन नंबर टू हु इज नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग जीबीपी अगर सीनियर सिटीजन है उसको पीजीबीपी इनकम है ही नहीं एडवांस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है या फिर एडवांस टैक्स केस में एस्टिमेटेडीज लेस देन बेटा टेन थाउजेंड सो उसको एडवांस टैक्स देना ही नहीं है जो सीनियर सिटीजन है पीजीबीपी इनकम नहीं है या फिर बोलो बेटा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी डॉट एक्सीड टेन थाउजेंड क्लियर है क्वेश्चन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स एनी बडी वट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स ये काम की चीज है डिपेंड अगर आप फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडीए में आ रहे हैं साल में सिर्फ एक दिन एवरी बाडे बेटा हंड्रेड परसेंट यही पे करना है ये yes, बहुत शानदार बेटा सो so, अगर आप फोर्टी फोर एडी एडीए के अंदर में आ रहे हैं साल में एक बार ही आपको एडवांस टैक्स देना है फिफ्टींथ मार्च को देके खत्म करना पूरा हंड्रेड परसेंट ऑफ दी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अगर आप अदर्स में आ रहे हैं तो आपको साल में चार बार देना है याद रखने का सिंपल तरीका क्वार्टर खत्म होने से पंद्रह दिन पहले यू नो क्वार्टर क्वार्टर खत्म होने से पंद्रह दिन पहले पहला क्वार्टर कितने का अस्सी रुपए अप्रैल मई, जून पहला बेटा फिफ्टीन जून कितना देना है एवरीबॉडी फिफ्टीन परसेंट दूसरा बोलो बेटा फिफ्टीन सितंबर कितना बेटा 45% परसेंट, तीसरा 15th दिसंबर बोलो बेटा 75% परसेंट एंड 15th ऑफ मार्च बोलो बेटा 100% परसेंट ऑफ द एस्टीमेटेड टैक्स लाइबिलिटी क्लियर है मालिक यस yes. सो so, आपकी चार ड्यू डेट है चार ड्यू डेट 15 जून 15 दिसंबर 15 सितंबर 15 मार्च आपको देना है लेकिन आप सोच के देखिए क्या एडवांस टैक्स हम एस्टीमेटेड बेसिस पे भर रहे हैं हां या ना हां या ना राइट right? अब आप मुझे बताओ मेरा तो फर्स्ट मार्च को हो रहा और आप मेरे से टैक्स मार्च को ही भरवा दे रहे हो मेरा एस्टिमेट तो गलत हो भाई सत्रह मार्च को अगर एक सेल आ गई बड़ी मैं क्या करूंगा करके मैं मैं को कुछ भी नहीं है राइट right? अब सत्रह मार्च को पहली बार विजय बैच चालू कर रहा उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि भैया बच्चे आएंगे नहीं आएंगे अब हजार बच्चे अब आप मुझे बताओ मेरा एस्टिमेट तो हंड्रेड परसेंट गलत हो गया सरकार ने कहा बेटे पंद्रह मार्च से लेकर के इकतीस मार्च के बीच में भी अगर आप पे करते हैं तो इसे क्या माना जाएगा एडवांस टैक्स अगर आप 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी पे कर देते हो तो इसे भी क्या माना जाएगा एडवांस टैक्स अच्छा मुझे बताइए एडवांस टैक्स हमें चार डेट में भरना पड़ता है पंद्रह पैंतालीस पचहत्तर सौ हाँ या ना बेटा धीरज मत खोना और एंतुजियाजम तो आज खोलना ही मत मैं तुम्हारे लिए मेरी सग्गी बीवी को छोड़ के आया हूं ठीक है बिल्कुल आजोज तुमने छोड़ना और मैंने छोड़ देने का बट तुमने अगर मेरा साथ दे दिया रात तक के ईमानदारी से बताता हूं ईमानदारी से बताता हूं जितने टॉपिक तुम्हारी जब तक के जाने तब तक के मैं और मैं तुम्हारे को बता रहा हूं तुमने सुबह से कुछ किया नहीं होगा भाई तेरा सात बजे से पढ़ा रहा है और जब तक तुम इधर बैठे हो तब तक के आज क्लास चलने देंगे तुम बोलोगे बारह बजे ओके मैं थैंक यू बारह बजे सुने इधर आओ आज तो साले को नया रिकॉर्ड बनाते आओ सुन

है तो आप कब भर सकते हो बेटा नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट वर्किंग डे पे भर सकते हो क्लियर है मालिक चलो जी तो तीन क्वेश्चन दे टू एडवांस टैक्स इनकम कि एडवांस टैक्स आता नहीं फोर्टी फोर एडी के केस में साल में सिर्फ एक बार बोलो पंद्रह मार्च हंड्रेड परसेंट अदरवाइज साल में चार बार पंद्रह पैतालीस पचहत्तर सौ क्लियर है अच्छा जी सर अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो एस को एड्स हो जाता सर कॉमर्स वाला एड्स एस एस सी विल बी ट्रीटेड एज एस एस सी इन डिफॉल्टो अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो आपको कॉमर्स वाला एड्स हो जाता है एड्स एस एस सी विल बी ट्रीटेड एज एस एस सी इन डिफॉल्ट सर अगर एड्स हो गया तो क्या हो जाएगा बी सी आई मीन टू थर्टी फोर बी थर्टी फोर सी अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो टू थर्टी फोर बी और सी आपके पीछे पड़ जाते यस टू थर्टी फोर बी और सी आपके पीछे पड़ जाते चलो टू थर्टी फोर बी और सी दोनों काम की चीज यस yes, सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं किस पे बेटा टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर बी कहता है आपके ऊपर क्या लगाएंगे इंटरेस्ट लगाएंगे इंटरेस्ट कब लगेगा वेन वेन एडवांस टैक्स इज एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया और एडवांस टैक्स इज पेड बट लेस देन नाइन्टी परसेंट ऑफ अड टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स निकाला है इसका भी नाइनटी परसेंट से कम आपने पे किया या तो आपने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे किया इट इज लेस देन नाइन्टी परसेंट ऑफ दैक्स इट इज लेस देन नाइनटी परसेंट ऑफ दैक्स तो भाई साहब नहीं भाई साहब आपको इंटरेस्ट लगा देंगे हम लोग आपको क्या लगा देंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ और पार्ट दियर ऑफ वन परसेंट पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ कब से कब तक फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ असेसमेंट यस ऑन ओ सो टू थर्टी फोर बी लगेगा कम ऑन एवरीबॉडी क्विक टू थर्टी फोर बी कब लगेगा एडवांस टैक्स नॉट पेड और पेड बट लेस देन नाइन्टी परसेंट ऑफ है वो ब्लू वाले शर्ट वाले भाई ने बोला नहीं वापस रिपीट करो सब हाँ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड और ये तुम इधर उधर देख के मत उसने नहीं बोला मैंने बोल दिया ना वापस रिपीट करो हाँ एडवांस नॉट पेड और टैक्स तो आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट कितना वन परसेंट पर मंथ और पर डे कब से कब तक फर्स्ट डे ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ असेसमेंट क्लियर है असेसमेंट ईयर के पहले दिन से लगाएंगे टिल द डेट ऑफ असेसमेंट इसके बाद आता है टू थर्टी फोर सी बराबर है टू थर्टी फोर सी अगेन क्या लगाएंगे बेटा इंटरेस्ट टू थर्टी फोर बी अगेन क्या लगाएंगे बेटा इंटरेस्ट ठीक है रुकने का नहीं थकने का नहीं येस तू रुका तेरे ड्रीम सुख जाएंगे सुन इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब लगेगा जब आपने एडवांस टैक्सी पे नहीं किया टू थर्टी फोर सी का इंटरेस्ट लग सकता है अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या एडवांस टैक्स के जो डिफरमेंट है ये डिफरमेंट नॉट डन एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या जो एडवांस टैक्स पे कर रहे हो इसके डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किए इसके क्या प्रॉपर नहीं किए डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किए तो आपको 234 सी का इंटरेस्ट लग सकता है अब आपके मन में एक सवाल उठा डिफरमेंट क्योंकि ये वर्ड आपको याद नहीं सुनिए डिफरमेंट का मतलब क्या होता है आपको चार पार्ट में एडवांस टैक्स पे करना था चार पार्टी आदमी आ रहे पंद्रह परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट आपको एटलीस्ट इतना पे करना था साल में चार चार बार थी साल में? पर आपने ये किया नहीं तो इसको बोलते हम डिफरमेंट आपने प्रॉपर नहीं किया अब अगर आपने डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किया मेरे बच्चे अगर तूने डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किया तो तेरे पे 234 सी लगाया जाता है यस अब जरा समझिए कुछ क्वेश्चन पहला कितना परसेंट पे करना था पंद्रह परसेंट पे करना था सर देर विल बी नो टू थर्टी फोर सी अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट लेस देन ट्वेल्व परसेंट सरकार देख एक टैक्स पेयर जरूर ये बात पूछेगा एक टैक्स पेयर जरूर यह बात पूछेगा पहले तो तुम मेरे से टैक्स भरा रहे हो वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पे एस्टिमेशन गलत हुआ तो इस इसमें इंटरेस्ट भी भरा रहे हो ये तो गलत है ये yes, पहले तो हमें बोलो तुम ही एस्टिमेट करो अरे साहब हम तो वो लोग हैं जिनने खुद का रिजल्ट भी एस्टिमेट नहीं किया था वो भी गलत किया था तो क्या हम टू थर्टी फोर सी लगा दें नहीं हमारे एस्टिमेशन हमेशा गलत हुए हमने उसको देखा देख के बहुत अच्छी लगी उसने मेरे को देखा मैंने उसको देखा दोनों ने स्माइल किया एक दिन क्लास में आजू बाजू भी बैठ गए पर फिर क्या हुआ एंड में उसने हाइलाइटर मांग के बोल दिया थैंक यू भाई यार <laughs> मेरा एस्टीमेट फिर गलत हो गया लाइफ में <laughs> मेरा एस्टीमेट फिर गलत हो गया लाइफ में ये सुनो राइट मेरा एस्टीमेट फिर गलत हो गया अब मेरा एस्टीमेट अगर गलत हो गया तो सब मेरे पे आप 234 सी लगा दोगे को कोई सेंस है इस बात का यस तो ऐसे केस में सरकार ने कहा ठीक है हम तरफ इंटरेस्ट नहीं लगाते अगर तेरा पहला इंस्टॉलमेंट 12 परसेंट से कम का नहीं है हम तेरे पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट लेस देन बोल बेटा 36 परसेंट तेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट 36 परसेंट से कम का नहीं होना चाहिए राइट तेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट 36 परसेंट से कम का नहीं होना चाहिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कितना करना था फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी की जगह तू फोर्टी कर ले नो इंटरेस्ट थर्टी कर ले नो इंटरेस्ट 36 कर ले नो इंटरेस्ट 36 के नीचे किया तो इंटरेस्ट आएगा यस yes, अच्छा जी यस yes, यानी हमें इंटरेस्ट तभी आएगा जब क्वार्टर वन में मेरा टैक्स पेएबल इज लेस देन ट्वेल्व परसेंट यस तो कितना इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट कितना इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट डायरेक्टली फॉर थ्री मंथ्स। टू थर्टी फोर सी डायरेक्टली तीन मंथ्स के लिए लगता है टू थर्टी फोर सी डायरेक्टली थ्री मंथ्स के लिए लगता है क्वार्टर टू में तभी आएगा जब तेरा टैक्स पेबल इज लेस देन थर्टी सिक्स परसेंट तो इंटरेस्ट आएगा एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ फॉर थ्री मंथ्स क्वार्टर थ्री तेरा टैक्स पेबल इज लेस देन सेवेंटी फाइव परसेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ फॉर थ्री मंथ्स एंड क्वार्टर फोर इफ तेरा टैक्स पेबल इज लेस देन हंड्रेड परसेंट इंटरेस्ट इज एट द रेट फॉर वन मंथ यस सो टू थर्टी फोर सी थ्री मंथ थ्री मंथ थ्री मंथस एंड लास्ट वन मंथ के लिए लगता है क्लियर है मालिक ये दो समझ में आए पर इन दो के बाद नॉर्मल रेट लगाया गया पूछो क्यों हाफ ईयर में अगर आपको समझ नहीं आया आपको टैक्स कितना पे करना है सरकार अब आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी दो क्वार्टर मिला लिया हाफ ईयर हो गया हाफ ईयर में आपको एस्टिमेट आना ही चाहिए कि आपको क्या होने वाला है क्लियर है मालिक चलो जी <laughs> अब यार हाफ ईयर में एटलीस्ट तुमको एस्टिमेट होना ही चाहिए क्या आने वाला है टैक्स लाइबिलिटी चलो रिपीट करो भाई रिपीट करो कम ऑन हु इज लाइबल टू एडवांस टैक्स पहला इसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी फोर एडी फोर्टी फोर ए डी ए हु इज नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स सीनियर नॉट है वालों को साल में सिर्फ एक बार अदर्स को साल में पहला पंद्रह परसेंट दूसरा पैंतालीस तीसरा पचहत्तर चौथा सौ क्लियर है एडवांस टैक्स एप्लीकेबल अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया कॉमर्स वाला अल्टीमेटली टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर सी टू थर्टी फोर बी रिपीट करो अगर एडवांस टैक्स पे या जो एडवांस टैक्स पे इज लेस देन 90 परसेंट ऑफ असेस टैक्स कितना इंटरेस्ट लगेगा वन परसेंट फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर जब तक के पे नहीं कर देते तब तक के असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक के टू थर्टी फोर सी एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया या एडवांस टैक्स का डिफरमेंट प्रॉपर नहीं किया इंटरेस्ट लगेगा हालांकि पहले दो क्वार्टर में अगर बारह या छत्तीस से नीचे नहीं है इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है या फिर अगर आपने इस तरह से पेमेंट नहीं किया थ्री परसेंट थ्री परसेंट थ्री परसेंट एंड लास्ट वन परसेंट थ्री परसेंट वन परसेंट फॉर थ्री मंथ इज थ्री परसेंट ओनली हेलो वन परसेंट पर मंथ है एवरीबॉडी यस अब आते हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर लास्ट कंसेप्ट इज एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैज़ुअल इनकम एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम बताइए क्या कैपिटल गेन एंड कैज़ुअल इनकम पे भी एडवांस टैक्स आता है आर दे लाइबल टू एडवांस टैक्स यस कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम हर तरीके की इनकम का मंटलोमी हर तरीके की इनकम पे एडवांस टैक्स आता है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम बट दीज इनकम कैसा बेटा दीज इनकम कांट बी एस्टिमेटेड यस ऐसा हो सकता क्या अंडरस्टैंड करना ऐसा हो सकता क्या कि मैं लॉटरी टिकट गया खरीदने के लिए राइट right? ऐसा एक करोड़ का लॉटरी था आई परचेज दैट पर्टिकुलर लॉटरी Yes, मैं ऐसा करूं क्या कि पांच करोड़ के ऊपर एक काम करता मैं टैक्स दे देता ये पांच करोड़ लगने वाले आप बताओ मेरे को आज, 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 आज देख क्या रहे रिप्लाई करो रो ऐसा मुख जैसा देख रहे अरे रिप्लाई करो रे बच्चों टेल मी यू टेल मी राइट यू टेल मी अगर मैंने ऐसा पांच करोड़ का टिकट खरीदा यू टेल मी ऐसा है क्या कि पांच करोड़ मेरे को लगने वाला है नहीं दीज इनकम बी एस्टिमेटेड कांडीमेटेड इनकम कांड बी एस्टिमेटेड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इनकम टैक्स बोलता है एडवांस टैक्स नीड टू बी पेड वेन दीज इनकम अराइज एडवांस टैक्स इज पेड वेन दीज इनकम दो हजार ग्यारह में पहले दो तो इंस्टॉलमेंट चले गए सपोज नवंबर दो हजार बाईस में, में क्या निकली लॉटरी निकली मेरे पास अब कौन सी ड्यूडेट है नेक्स्ट डिसंबर डिसंबर में पे कर दो या फिर मार्च एंड इफ नो ड्यू डेट इज पेंडिंग एंड इफ नो ड्यूडेट इज पेंडिंग क्या मैं कह सकता हूं बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च क्योंकि पंद्रह मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च के बीच में भी जो पे किया उसे क्या मानते हैं एडवांस टैक्स तो अगर कोई ड्यूडेट नहीं बची लेट से सत्रह मार्च को निकली मेरी लॉटरी कोई बात नहीं थर्टी फर्स्ट से पहले पे कर दो वैसे एक बात बताऊँ इस प्रोविजन का आपको कोई सेंस ही नहीं है पूछो क्यों अगर मेरे को लॉटरी इनकम आती है वन नाइन्टी फोर बी में TDS कट के आता है तो आपको इस प्रोविजन का कोई सेंस ही नहीं है पर थे में आज भी एग्जामिनर पूछ रहा है चार चीजें एडवांस में जरूरी थी टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर सी कैजुअल इनकम कैपिटल गेन चौथा चारों क्लियर है मालिक एडवांस टैक्स इज ओवर यस भाई साहब सवा एक घंटा हुआ है दो टॉपिक खत्म हो चुके अपने यस आते हैं आते हैं ब्रेक वेक की बात मत करना जब तक के मैं बोलूंगा नहीं बिल्कुल मतलब मुंह भी मत खोलना ब्रेक वेक के लिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं टीडीएस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं टीडीएस भाई जी ये वो टॉपिक है जिसको अगेन उठाने की हिम्मत आपसे होती नहीं भाई तेरा सबसे पहले करवाएगा चलो टीडीएस पे भिड़ेंगे आर यू यस जितने बच्चे ऑनलाइन है आर यू रेडी क्या हम टीडीएस पे जा सकते हैं बोलो हाँ यस yes. चलो जी सो so जाएंगे हम लोग टीडीएस टीसीएस के ऊपर राइट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज पानी लाए हो तो पानी पीते रहो ये आपका ऑक्सीजन बनाए रखेगा नहीं तो थोड़ी देर बाद यू विल बी ठंडी हवा के झोंके में आउट और टीडीएस इतना प्यारा टॉपिक है मैं तुमको क्या बताऊं हम्म चलो जी बीच बीच में पानी पीते रहिए और पानी पीने के कारण जो हो रहा है उसके लिए भी जाते रहिए टीडीएस चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड था टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स हम ठोक के आ गए पहले पढ़ेंगे टीसीएस फिर पढ़ेंगे टीडीएस ऐसा क्यों क्योंकि तुमने टीडीएस पढ़ना चालू किया तो तुम टीसीएस कभी पढ़ते ही नहीं बराबर है पहले टीसीएस पढ़ेंगे लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन टीसीएस के ऊपर आया और अपन आउट हो गए बराबर है पहले टीसीएस पढ़ेंगे फिर टीडीएस पे आएंगे बोलो हाँ यस चल आजा। बेटे आ बेटे चल बेटा आ जा पहले तुझे क्लियर कट बता दू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से सेक्शन मतलब बिल्कुल छोड़ के जा ही नहीं सकते ठीक है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड लाने बाकी है बराबर है बाकी डी से लेकर के इस तक के तो आ गए ये काम की चीज कन्वेंशनली सी एच आई जे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त सी एच आई जे आई ए एल ए आई ए एल ए आई बी आई बी टू जीरो सिक्स डबल ए टू जीरो सिक्स ए बी टू जीरो सिक्स सी सी टू जीरो सिक्स सी सी ए टू जीरो सिक्स सी इतनी चीजें आपके काम किए पढ़ के ही जाना है इतनी चीजें आपके काम किए पढ़ के ही जाना है और एक और सेक्शन है 194 नाइनटी एनआर से रिलेटेड आपको एक टी टीडीएस दिया गया है इंटर लेवल पे एनआर से रिलेटेड एक टीडीएस टी 194 ई e. यस yes. चलो जी आ जाओ इतनी चीजें आपको कंफर्म पढ़ के जानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ सबसे पहले ये थियोराटिकल प्रोविजंस को हम लोग खत्म करते हैं सबसे पहले इस सीरीज को खत्म करना होगा टू जीरो सिक्स डबल ए वाली सीरीज को हमें खत्म करना होगा सबसे पहले आपको क्या लेने की जरूरत है बेटा पैन देख देने वाला जब भी देता देता टी डी एस काट के यस yes, पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेई पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर को क्या प्रोवाइड करे पैन पेज नंबर एक मिनट एक काम करो लेट स्टार्ट विथ टी और टी के पहले 206 जीरो पे आ जाओ जीरो सिक्स पेज नंबर फोर्टीन ऑफ योर फास्ट ट्रैक पेज नंबर फोर्टीन ऑफ योर फास्ट ट्रैक क्लियर आ जाओ बेटा पहुंच गए चलो क्विक टू जीरो सिक्स जैसे पैन के अंदर में यू you नो know, जैसे टीडीएस के अंदर में पैन के लिए सेक्शन है टू जीरो सिक्स डबल ए उसका ही रेप्लिका सेक्शन टीसीएस के अंदर में टू जीरो सिक्स सेक्शन क्या कह रहा है सेक्शन कह रहा है कि जब भी आपको टीसीएस ढड़क करना है सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी बायर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या प्रोवाइड करे हिज पैन नंबर अगर बायर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता अगर बायर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता तो टीडीएस विल बी एट दॉरी टी सी एस विल बी एट अ हायर रेट द टी सी एस विल बी एट द रेट ऑफ ट्वाइस द रेट इन एक्ट और फाइव परसेंट सो टू जीरो सिक्स सी सी कहता है टू जीरो सिक्स सी सी कहता है बायर क्या प्रोवाइड करेगा बायर टू प्रोवाइड बोलो बेटा पैन अगर उसने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो जो टी सी एस है वो कटेगा हायर ऑफ बोलो बेटा हायर ऑफ बोलो ट्वाइस द रेट इन एक्ट और बोलो फाइव परसेंट क्लियर है इस ये रिप्लिका सेक्शन है टू जीरो सिक्स ए ए का ठीक है अब एक और सेक्शन लाया 206 जीरो सिक्स सी सी ए टी सी एस फॉर नॉन फाइलर ऑफ आई टी आर फॉर नॉन फाइलर ऑफ आई टी आर अगर मान लीजिए मैं जिसका TCS कट कर रहा हूं उस बायर ने पिछले साल का अमेंडमेंट पहले यहां दो साल लिखा होता था अब यहां पे एक साल है यस yes? अगर मैं जिसका टीसीएस काट रहा हूं उसने पिछले प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया तो मैं इस साल उसका जो टीसीएस डिडक्ट करूंगा ये हायर रेट पे होगा तो सपोज कर लो सपोज कर लो मैं क्या कर रहा हूं एक्स का टीसीएस डिडक्ट कर रहा हूं ऑन अ सर्टन गुड्स एक्स ने अगर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू असमेंट ईयर का रिटर्न सॉरी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर का रिटर्न नहीं भरा तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में जब मैं उसका रिटर्न भरते रहूंगा तो मुझे उसको क्या करना है टीसीएस कट करना है हायर रेट पे यस yes? अच्छा जी सो so, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर देन वाइल मेकिंग पेमेंट डिडक्ट टीसीएस एट हायर रेट What is higher rate? सेम तो याद रखे ये एक मिनट में अंडरस्टैंड करने वाली चीज है दोनों का रेट सेम है ठीक है सिर्फ ये काय के लिए सामने वाले ने पैन नहीं दिया तब ये काय के लिए सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा तब बाकी दोनों के रेट सेम है बट दिस थिंग इज नॉट सेम इन टीडीएस ंग इज नॉट रेट सेम इन टी डी एस दिस थिंगीसीयर है मालिक तो टू जीरो सिक्स द रेट और फाइव परसेंट अगेन मालिक अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए जो आपको पूछा जा सकता है सपोज मैं जिसका टीसीएस कट करने वाला हूं ना सामने वाले ने मेरे को पैन दिया ना सामने वाले ने रिटर्न भराया अब यह भी अप्लीकेबल हो गया यह भी अप्लीकेबल हो गया टू जीरो सिक्स सी सी भी आ गया एंड टू जीरो सिक्स सी सी ए भी आ गया सामने वाले ने रिटर्न भी नहीं भरा सामने वाले ने पैन भी नहीं दिया दोनों सेक्शन कंबाइंडली एप्लीकेबल अब आप बताइए टी सी एस विल बी टी सी एस विल बी हायर ऑफ टू जीरो सिक्स सी और टू जीरो सिक्स सी सी ए दोनों में से जो भी हायर रहेगा उस रेट पे कट कर देना आहो चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं टीसीएस रेट्स, टीसीएस रेट्स, राइट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो दो रेट दिए ना आपको ये पढ़ के नहीं जाने आपको एग्जाम में जो काम आएगा ना वो काम आएगा वन एफ से वन एफ से लेके वन एच तक के काम की चीज है 1F से लेके वन एच तक के काम की चीज है इस रेट को लर्न करने में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि एग्जामिनर इनको पूछ पूछ के थक चुका है मतलब इतना रिस्क तुम ले सकते हो मेरा बात समझना इतना रिस्क तुम आराम से ले सकते हो कि इसको छोड़ करके उस चीज पे फोकस करो बिकॉज दे आर रिलेटिवली न्यू फिर भी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कितना परसेंट यस तेंदुलेव फाइव परसेंट टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू पॉइंट फाइव परसेंट स्क्रैप वन परसेंट मिनरल एंड आइनन और वन परसेंट यस ये रेट्स को एज इट इज याद करना पड़ता है इसका कोई स्कीम मैकेनिज्म नहीं है हालांकि ये काम की चीज है अगर ऊपर के जो टी डी एस सी एस रेट है आपको टी सी एस कट ही नहीं करना अगर सामने वाला एक डिक्लेरेशन दे देता है बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन यस अगर ऊपर के दिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है ध्यान से सुनना ऊपर के दिए हुए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए यूज करने वाले हैं टीसीएस आता नहीं फिर से ऊपर के दिए हुए रेट्स अगर आप बोलो जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं या पावर जनरेशन के लिए तो आता नहीं फिर पार्किंग स्लो हो जाएंगे पहला अगर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं और मोटर व्हीकल जो परचेस कर रहे हैं इसका वैल्यू टेन लाख से ऊपर है कितने से तो वन परसेंट का टीसीएस आएगा वन परसेंट का आएगा Important सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या हैंड व्हीकल तो की, की भी बात करें हम बात कर रहे हैं दोनों की yes, so अगर भी है तो इसके ऊपर टीसीएस वन परसेंट आएगा सो एनी मोटर वहीकल पे परेशन एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा टेन लाख TCS will be at the rate of one percent. TCS will be at the rate of one percent. बताइए तो विजय ने सेकंड एंड रेंजरोवर ली। क्या तो भी TCS आएगा? Yes, ठीक है? Second 206C 1G इसके अंदर में दो एस्पेक्ट है। ध्यान से सुनना। 206C 1G इसके अंदर में दो एस्पेक्ट है। Confirm क्वेश्चन आता है। Last time इसी पे आया था। जो last attempt में आपको क्वेश्चन थे वो इसी पे थे। पहला overseas tour package क्या बेटा? अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहे हैं ओवरसीज मतलब फॉरेन अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपका टीसीएस आएगा कितने परसेंट से बेटा पांच परसेंट ये अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज ले लिया तो सपोज कर लीजिए मैंने नेपाल के लिए एक ओवरसीज टूर पैकेज ले लिया आपके मैराथन खत्म करने के बाद मैंने कहा भैया सब जिम्मेदारी पूरी फास्ट ट्रैक भी दे दिया मैराथन भी दे दिया अमेंडमेंट भी दे दिया ऑडियो रिविजन भी दे दिया अब क्या दू सब दे दिया अब बताओ ओवरसीज टूर पैकेज बता मेरे भाई कितना परसेंट टी सी पांच परसेंट क्लियर है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां सेवन लाख का लिमिट है गलत सेवन लाख का लिमिट रेमिटेंस के लिए है एक रुपए भी अगर ओवरसीज टूर पैकेज के लिए दिया टीसीएस एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट विषय खत्म अब आते हैं फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर किसके ऊपर आते हैं फॉरेन रेमिटेंस अगर फॉरेन रेमिटेंस सेवन लाख रुपीज के ऊपर है तो जितना सेवन लाख ,00 के ऊपर जा रहा है उसके ऊपर टीसीएस आएगा बोलो एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट टी विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट यस सो बताइए अगर आप रेमिट कर रहे हैं अगर आप रेमिट कर रहे हैं अंडर द लिबरल रेमिटेंस स्कीम एक्सीडिंग सेवन लाख टीसीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट स्टॉप मैंने टेन लाख रेमिट किया टी सी एस विल बी ऑन थ्री लैख इंटू फाइव परसेंट आई यू गेटिंग द पॉइंट यस दूसरा अगर ये रेमिटेंस आप एजुकेशनल लोन से कर रहे हैं अगर ये रेमिटेंस आप एजुकेशनल लोन से कर रहे हैं देन इट विल बी पॉइंट फाइव परसेंट ऑन अ सम एक्सीडिंग सेवन लाख अगर यही रेमिटेंस नॉर्मल रेमिटेंस होगा सेवन लाख के ऊपर फाइव परसेंट यही एजुकेशन लोन लेकर के कर रहे हो तो फाइव परसेंट का टीसीएस आएगा यस हालांकि एक कॉमन पॉइंट जो आपको पूरे टीसीएस में घूमते हुए मिल जाएगा यहां पे भी कॉमन है टीसीएस नहीं आएगा जहां बायर हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्बेसी हाई कमीशन लीगेशन कॉन्स्टिट्यूलेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सीधे शब्दों में इंडियन और फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी अगर आप इनको बेच रहे हो तो आपका टीसीएस आता नहीं पूछने भी नहीं वाला बराबर है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सेल ऑफ गुड्स इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसका रिवर्स सेक्शन है 194 नाइनटी फोर क्यू इसका रिवर्स सेक्शन है 194 नाइनटी फोर क्यू सुनो टू जीरो सिक्स सी वन एच वन क्यू दोनों तीनों चीजें मिक्स करके पढ़ा रहा हूं यह पार्ट बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना ध्यान से सुनना पहले आया था टीसीएस, फिर आया टीडीएस, दोनों भाई भाई सेक्शन है ये क्या कहता है अगर सेलर गुड्स सेल करता है वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 50 लाख, टू हुम बायर तो टीसीएस आएगा एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट ध्यान से सुनिएगा अगर सेलर गुड्स सेल कर रहा है गुड्स 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 सेल कर रहा है पहली बार भारत सरकार ने गुड्स पे टीडीएस लगाया है या टीसीएस लगाया है तो अगर कोई भी सेलर 50 लाख रुपए के ऊपर के गुड्स सेल कर रहा है राइट और 50 लाख के ऊपर के गुड्स सेल कर रहा है तो टीसीएस विल बी एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट सेलर एरा गा नहीं चाहिए सेलर कौन सा सेलर चाहिए ऐसा सेलर चाहिए जिसका प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर में टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो टेन करोड़ से मतलब सेलर टीसीएस तभी सेलर टीसीएस तभी करेगा जब सेलर का प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर मतलब आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर हुआ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में अगर सेलर का टर्न ओवर दस करोड़ के ऊपर है तो करंट ईयर में ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में मैं जितना भी सेल करूंगा किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को पचास लाख के ऊपर का सेल कर रहा हूं तो टीसीएस विल बी एट द रेट ऑफ पॉइंट वन इन शॉर्ट होलसेल सेलर्स वालों के लिए ये प्रोविजन है ज्यादा समझ में आ रही बात हाँ ना अब जब ये टीसीएस सी एस लेके आए भारत सरकार का कलेक्शन बढ़ गया भारत सरकार ने मेरे को तो पता ही नहीं था इतना गजब का सेक्शन है इसका रिवर्स करके रख दिया इधर टीडीएस के, के केस में बायर पे करता है सेलर को बायर पे करता है किसको बेटा सेलर को अगर बायर सेलर को पे कर रहा है फॉर गुड्स कंसिडरेशन गुड्स का कंसिडरेशन एक्सीड कर रहा है कितने से 50 लाख तो टी डी एस विल बी अंडर सेक्शन फोर क्यू एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट अरे एवरीबॉडी गेटिंग इट नॉट बिल्कुल इधर का इधर रिवर्स करके रख दिया अब इधर बायर पे कंडीशन डाल दी बायर का टर्न इन प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर मस्ट एक्सीड 10 करोड़ अरे एवरीबॉडी अगर आप देखो टी सी एस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी सेलर पे टी डी एस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी बायर पे क्लियर है तो अगर बायर एक बिग बायर है अगर बायर एक बिग बायर है तो टी डी एस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट अब मुझे एक बात बताइए सपोज कर लो टू ज़ीरो सिक्स सी वन एच भी एप्लीकेबल हो गया वन नाइनटी फोर क्यू भी एप्लीकेबल हो गया दोनों में से प्रिवेल क्या करेगा मतलब बायर का बायर का टर्नओवर भी दस पेटी के, दस करोड़ के ऊपर सेलर का टर्नओवर भी दस करोड़ के ऊपर टीडीएस भी लग गया टीसीएस भी लग गया चलो बताओ टीडीएस विल बी 194 क्यू यानी अगर टीडीएस टीसीएस दोनों मिल गए इस सेक्शन में टीडीएस विल विन ओवर टीसीएस यस ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है ये जो सेल है ये सेल तो ऑनलाइन सेल भी हो सकता है अरे एवरीबडी ऑनलाइन सेल के ऊपर 194 ओ एप्लीकेबल है ऑनलाइन सेल के ऊपर 194 ओ एप्लीकेबल है सपोज 194 ओ और 194 क्यू दोनों बढ़ गए क्या प्रिवेल करेगा 194 ओ विल प्रिवेल मतलब टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर 194 ओ तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है 206 सी 1 एच एप्लीकेबल हुआ एंड 194 क्यू हुआ ऑनलाइन सेल हुआ अब बोलो क्या प्रिवेल करेगा 194 ओ तो अगर टू जीरो सिक्स और क्यू दोनों भिड़ गए क्यू जीतेगा ओ और क्यू जीत गए o o जीतेगा एच एन क्यू दोनों भिड़ गए ओ जीतेगा समझ में आई बात सॉरी टू जीरो सिक्स और वन नाइनटी फोर ओ भिड़ गए तो वन नाइनटी फोर ओ जीतेगा आई यू गेटिंग द पॉइंट यस अच्छा जी सर सो एवरी पर्सन बींग अ सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एक्सीडिंग फिफ्टी लैख टीसी बी पॉइंट वन परसेंट ऑफ सेल कंसेड्रेशन एक्सीडिंग फिफ्टी लैखे टर्न ओवर हुआ फिफ्टी टू लैक्स का टी सी एस बोलो जल्दी से टू लैक्स का पॉइंट वन परसेंट क्लियर है मालिक टी सी एस का पॉइंट सॉरी टू लैक्स का पॉइंट वन परसेंट क्लियर है मालिक ओके इफ टी डी एस इज अट्रैक्टेड देर विल बी नो टी डी एस स्टॉप एक और पॉइंट अगर सामने वाले ने मुझे पैन नहीं दिया वापस सुनो सामने वाले ने मुझे पैन नहीं दिया टू जीरो सिक्स सी सी ट्वाइस द रेट इन दाइव परसेंट विच एवर इज हायर अगर सामने वाले ने मुझे पैन नहीं दिया टू जीरो सिक्स फाइव परसेंट और ट्वाइस विच एवर इज हायर अगर टू जीरो सिक्स सी वन एच लगता है तो हाइएस्ट रेट इज वन परसेंट एंड नॉट फाइव परसेंट हाइएस्ट रेट इज वन परसेंट एंड नॉट फाइव परसेंट तो अगर 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 टू जीरो सिक्स लगता है तो केस ऑफ टू जीरो सिक्स वन एच रेट कितना होगा वन परसेंट एंड नॉट फाइव परसेंट यस सुनो, नो द मैक्सिमम रेट इज वन परसेंट एंड नॉट फाइव परसेंट क्लियर है मालिक चलो बहुत बढ़िया आओ हम्म सर एक बार बस ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए तीन चीजें टीसीएस के अंदर में हमने मेजरली ध्यान देनी है सामने वाले ने पेन नहीं दिया टीसीएस विल बी ट्वाइस द रेट इन एक्ट फाइव परसेंट यही अगर टीसीएस सी एस वन एच का रहा तो वन परसेंट अगर सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा पहले यहां पे दो हुआ करता था अब यहां पे एक है पिछले साल का रिटर्न टी डी एस विल बी भी टू जीरो yes, अच्छा, के बाद में टीसीएस आया मोटर व्हीकल कितने से ऊपर होना चाहिए टेन लाख तो तेरे विल भी टीसीएस टूर पैकेज के लिए एक रुपए या सात लाख रुपए एक रुपए से भी टी सी एस आ जाएगा यही फॉरन रेमिटेंस के लिए सेवन लाख सात लाख से ऊपर है तो जितना एक्सेस है उस पर पांच परसेंट एजुकेशन लोन लेकर के किया तो पॉइंट फाइव परसेंट यस अगर सेल वैल्यू कितने से ऊपर जा रही है फिफ्टी लाख तो एक्सेस के ऊपर पॉइंट वन परसेंट कलेक्ट किया जाएगा यस और नो चलो बेटा टीसीएस के बाद अब भिड़ते हैं कहाँ टी पे ये देख यू हैव डन दिस यू हैव डन दिस यस और नो यू हैव डन दिस टू का सीरीज खत्म कर दिया अब हम आते हैं टीडीएस के अंदर में टू जीरो सिक्स डबल ए टू जीरो सिक्स ए बी ध्यान से सुनना। ना टू जीरो सिक्स डबल ए टू जीरो सिक्स ए बी बोलो पे डिड नॉट प्रोवाइड बोलो बेटा पैन अगर पे पैन प्रोवाइड नहीं करता चल बेटा अगर पे पैन प्रोवाइड नहीं करता टीडीएस कैसे रेट पे कटेगा टीडीएस विल बी हाइस्ट रेट पे कटेगा हाइएस्ट रेट रेट इन एक्ट रेट इन फोर्स याद रहेगा रेट इन एक्ट रेट इन फोर्स या फिर ट्वेंटी परसेंट एवरी बाडी यस सो नो सो अगर अगर सामने वाले पे पेई पे पेई पे ने अगर हमें क्या प्रोवाइड नहीं किया पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया टीडीएस विल बी एट द हाइस्ट रेट रेट इन एक्ट रेट इन फोर्स या ट्वेंटी परसेंट यस yes, हालांकि कुछ सेक्शन के लिए ट्वेंटी परसेंट नहीं है अगर आप लिख रहे हैं तो स्पेस छोड़ के रखिए रिटर्न होंगे टू जीरो सिक्स ए बी नॉन फाइलर ऑफ आई अगर पेई ने आई फाइल नहीं किया इन प्रीवियस प्रिसडिंग ईयर देन इन प्रीवियस ईयर टी डी एस विल बी एट द हाइएस्ट रेट ऑफ बोलो ट्वाइस द रेट इन एक्ट हा ट्वाइस द रेट इन फोर्स और फाइव परसेंट एवरीबाडी यस यही तो फर्क है टीडीएस और टीसीएस में टीसीएस के अंदर में क्या हो रहा था जो इधर था वो उधर था टीडीएस में ऐसा नहीं है टीडीएस के अंदर में ये दोनों कहा है बेटा अलग अलग आई वेडिंग पॉइंट यस अच्छा जी टू जीरो सिक्स ए बी कुछ सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है इसका भी लिस्ट हमें पढ़ना पड़ेगा इसका भी लिस्ट हमें क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा हाल फिलहाल मैं खाली छोड़ता हूं वापस आऊंगा क्लियर है चलो आओ, बेटे चलिए फटाफट कुछ छोटू छोटू पॉइंट अगर जीएसटी का कंपोनेंट है विल टीडीएस बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी विल टीडीएस बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिपेंड्स अगर आपने जीएसटी को कैसे शो किया है सेपरेटली शो किया है तो बताओ टीडीएस विल बी ऑन अमाउंट लेस जीएसटी याद आ रहा है ना यस yes, अगर आपने जीएसटी को सेपरेटली शो नहीं किया तो आपको ग्रॉस अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा टीडीएस यस सो अगर आपने जीएसटी सेपरेटली शो किया है तो ही आपको क्या मिल पाएगा यू नो अमाउंट विल बी ऑन टीडीएस एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्या हमें सरचार्ज और एचईसी लगाना पड़ता है टीडीएस रेट पे हाँ हाँ दो जवाब क्या टी डी एस रेट पे सरचार्ज और एच ई सी आएगा कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ये हमारा ही सिलेबस है अरे तेरा ही है? <laughs> ते रही है, रही नाला है ये सब्जेक्ट हमारा ही है तेरा ही है तो कुछ याद आ रहा क्या पुणे पेट सॉरी शुक्रवार पेट प्रेस्टीज, विजय डीटी, कुछ तो भी याद आ रहा है क्या देखो जीवन में हाँ बोल तो बता सरचार्ज और एच रेट लगाते हैं क्या हम लोग सुन डिपेंड करता है किसको पेमेंट कर रहे हो अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो भैया डिपेंड करता है सैलरी है तो ऐसे केस में सरचार्ज भी एप्लीकेबल है एच भी एप्लीकेबल है अदर देन सैलरी है कैसा बेटा अदर देन सैलरी है देर विल बी नो सरचार्ज और एच ई सी सो अगर आप रेसिडेंट को पे कर रहे हो अगर आप किसको पे कर रहे हो रेसिडेंट को पे कर रहे हो सिर्फ सैलरी ही ऐसा पेमेंट है जिसमें सरचार्ज और एच ई सी आता है बाकी कहीं भी सरचार्ज और एच ईसी नहीं आता यही अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आपके केस में सरचार्ज एंड एच ई सी क्या हो जाता है बेटा मैंडेटरी यही पेमेंट अगर एनआर को किया जा रहा है सरचार और एच क्या हो जाएगा मैंडेटरी क्लियर है मालिक यस क्लियर है मालिक चलो बहुत बढ़िया यह था जीएसटी एंड सरचार्ज एंड एचईसी का कंसेप्ट इन टीडीएस आइए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं आइए किस कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट सबसे पहले आते हैं हम सबसे पहले आते हैं हम लोग वन नाइनटी फोर वन नाइन्टी फोर बी डबल बी पेज नंबर चार वन नाइन्टी फोर बी डबल बी कुछ छोटे टी से चालू करते हैं वन नाइन्टी फोर बी डबल बी क्या कह रहा है सेक्शन सेक्शन कहता है अगर आपका लॉटरी विनिंग या हॉर्स रेस विनिंग डैश अमाउंट से एक्सीड करता है टी विल बी डैश रिकॉल विनिंग कितने से ऊपर जा रही है टेन थाउजेंड टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट बराबो बेटा वेरी गुड अगर आपका दस हजार से ऊपर गया थी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट बहुत बढ़िया थर्टी परसेंट सुनो ना मेरे साथ साथ इसी के साथ साथ अगर पॉसिबल है तो एक चार्ट बनाते जाओ जितनी चीजें याद आएंगी उतनी चीजें अपन लिखते जाएंगे ठीक है एक चार्ट बनाते जाओ लिखते जाएंगे वन नाइन्टी फोर बी डबल बी वन फोर बी में क्या है कैजुअल इनकम वन नाइनटी फोर डबल बी में क्या है बेटा हॉर्स रेसेस एक्सीड कितने से करना चाहिए बोलो टेन थाउजेंड तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट आहो ठीक है अब चलिए और भी दो तो जोड़ देता हूं भाई भाई सेक्शन है 194 डी 194 जी ये बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की ये बात करता है लॉटरी सेलिंग कमीशन की किसकी बात करता है लॉटरी सेलिंग कमीशन की अगर ये एक्सीड होते हैं फिफ्टीन थाउजेंड पर एनम टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट सो चाहे ये लॉटरी सेलिंग कमीशन हो चाहे ये यू नो इंश्योरेंस बेचने पे कमीशन हो अगर ये कमीशन साल भर का पंद्रह हजार से ऊपर चला गया टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट ओ या वन नाइनटी फोर ई अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट कौन स्पोर्ट्समैन या एथलीट या एनआर स्पोर्ट्समैन एनआर एथलीट या फिर एनआर एंटरटेनर एनी अमाउंट ट्वेंटी पॉइंट एट्टी परसेंट डू यू अग्री ट्वेंटी पॉइंट एट्टी कैसे ट्वेंटी परसेंट इज टी डी एस रेट चार परसेंट इज एच ई सी तो इफेक्टिव रेट इज ट्वेंटी पॉइंट एट्टी परसेंट यस तो बताइए लसित मलिंगा को पेमेंट किया कौन बेटा लसित मलिंगा को अगर पेमेंट किया यस वो किंग फिशर वाली उला ला ला ले, ले ओ, तो टू योर गुड टाइम्स अगर हमने पे किया टू योर गुड टाइम्स अगर हमने पे किया बताइए क्या टी डी एस होगा ट्वेंटी पॉइंट एटी परसेंट आहो बहुत बढ़िया बेटा बेटे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं किसके ऊपर बेटा अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट कंसेप्ट इज वन हाँ 194 194 के ये बात करता है डिविडेंट बाय कंपनी ये बात करता है डिविडेंट बाय एमएफ एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड 5000 पर एनम के ऊपर एक्सीड किया 10 परसेंट दोनों भाई भाई सेक्शन है वन नाइनटी फोर बोलता है कंपनी के द्वारा डिविडेंड पांच हजार के ऊपर म्यूचुअल फंड के द्वारा डिविडेंड पांच हजार के ऊपर टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट जो चीज को आप शॉर्ट कर सकते हो प्लीज उसको शॉर्ट करो जरूरी नहीं हर चीज के अंदर में आपको बहुत डिटेल में जाना है यस yes? राइट <laughs> right? बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है जिधर शॉर्ट में काम हो सकता है शॉर्ट में काम करके आगे बढ़ो यस सो वन नाइनटी फोर वन नाइनटी फोर के क्लियर है मालिक चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन भाई जी नेक्स्ट सेक्शन वन सुनिए नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है मैं चार सेक्शन का एक मस्त कंसेप्ट पढ़ाता हूं सी एच आई जे तो चीज बड़ी है मस्त सुनो चारों सेक्शन में पेयर कॉमन है चारों सेक्शन में कौन कॉमन है पेयर 194c नाइनटी फोर सी सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वन फोर एच कमीशन याद है वन फोर आई रेंट वन फोर जे प्रोफेशनल पेमेंट वन फोर ए इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज इन सभी में पेयर कॉमन है इस सीरीज में एक और प्रोविजन ऐड हुआ है एनीवन इस सीरीज में एक और सेक्शन ऐड हुआ है 194 आर इस सीरीज में एक और पर्सन ऐड हुआ है 194 नाइन्टी आर इनमें पेयर कॉमन है अब जरा ध्यान से सुनना बराबर है ये हुआ है परक्विजिट एंड बेनिफिट्स पे ध्यान से सुनिए इन सब में पेयर कॉमन है एक जगह पढ़ लो पांच जगह का प्रोविजन एक साथ रिकॉल होता पेयर मतलब जो पैसे दे रहा है टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा दो मिनट पेन रोक लेना लिखना मत से पहले समझ लेना इन पांचों छो सेक्शन में पेयर कॉमन है क्या कॉमन है पेयर वो कहते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रसीडिंग ईयर में इनका बिजनेस से आने वाला टर्नओवर शुड एक्सीड वन करोड़ या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट शुड एक्सीड फिफ्टी लाख इन प्रीवियस प्रसीडिंग ईयर मतलब अगर प्रीवियस प्रसीडिंग ईयर अगर प्रीवियस प्रसीडिंग ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है या प्रोफेशनल का ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है सिर्फ यही कंडीशन नहीं एक और कंडीशन है एंड इन प्रीवियस ईयर द पेमेंट मस्ट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट और इन्हीं केस में पेमेंट मस्ट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट क्लियर है वापस से एक बार रिविजन छ सेक्शन का कॉमन पॉइंट पढ़ रहे है. वापस स्पीड स्लो लेके आइए टीडीएस तभी डिडक्ट होगा इंडिविजुअल या एच द्वारा दुआ डीएस तभी डिडक्ट होगा जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर आपके केस में ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रीवियस प्रिडिंग ईयर में बिजनेस से टर्न ओवर एक करोड़ के ऊपर हो या ग्रॉस रिसीट फिफ्टी लैख रुपीज से ऊपर हो एंड एंड इन करंट ईयर पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट इंडिविजुअल एच एफ को छोड़ के अदर पर्सन को टीडीएस तब डिडक्ट करना है जब उनका पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट चलो वापस है 194c, 194h, 194i, 194j, 194a, 194r। चिगार सिगार चिगार c h i j a r। चिगार सिगार नहीं याद आप ऐसी रखिए सिगार पर याद करते वक्त याद करिए चिगार चिगार सी एच आई जे ए आर इन सब में पेयर कॉमन है वापस से रिविजन नंबर थ्री रिवाइज कीजिए टी डी एस तभी डिडक्ट होगा जब इंडिविजुअल एच यू एफ बिजनेस से टर्न ओवर एक्सीड या फिर प्रोफेशन से क्रॉस एक्सीड फिफ्टी लैक्स अदर्स के केस में एंड प्रीवियस ईयर में पेमेंट मस्ट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट अदर्स के केस में ओनली इफ पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट उनको टीडीएस करना है का आइए अब एक एक प्रोविजन याद करते हैं 194 नाइनटी फोर सी सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट बताइए कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सब कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा सब कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा यस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट बताओ मेरे बच्चा सिंगल पेमेंट मस्ट एक्सीड थर्टी थाउजेंड एग्रीगेट पेमेंट मस्ट एक्सीड वन लैख तो टीडीएस आएगा इंडिविजुअल या एच को दे रहे हो तो वन परसेंट अदर्स को दे रहे हो तो टू परसेंट पेयर समझ में आ रहा है सभी को चलो वापस से वन नाइन सी सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था सेक्शन सेक्शन कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहा है अगर ये सिंगल पेमेंट थर्टी थाउजेंड से ऊपर गया या फिर एग्रीगेट पेमेंट एक लाख के ऊपर चले गया तो देखो टीडीएस डिडक्ट करना है पेई पेई पे, पे, पे पे अगर तेरा इंडिविजुअल एच एफ है तो वन परसेंट का टीडीएस डिडक्ट कर अदरवाइज टू परसेंट का टीडीएस डिडक्ट कर दे आहो यस दैट्स वन नाइनटी फोर सी वन नाइनटी फोर एच कमीशन हा मैं कमीशन लेता हूं कमीशन अदर देन वन नाइनटी फोर डी और वन नाइनटी फोर जी कुछ याद नहीं आ रहा 194 194D इंश्योरेंस कमीशन 194G लॉटरी सेलिंग कमीशन 194D और G को छोड़कर के किसी भी तरह का कमीशन किसी भी तरह का ब्रोकरेज एक्सक्लूडिंग ऑन सिक्योरिटीज अगर ये कमीशन एक्सीड कर जाए कितने से 15000 पर एनम टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5% देख एक बात दिमाग में सेट कर ले कमीशन कोई भी हो 15000 5% कमीशन कोई भी हो 15000 परसेंट सिर्फ यहां पे पेयर बदल जाता है नहीं तो ऊपर साथ में ही लिख देता सिर्फ यहां पे पेयर बदल जाता है नहीं तो एक साथ ही लिख देता क्लियर है मालिक CH. अब तीसरी चीज क्या आएगी आए वन नाइनटी फोर किस बारे में बात करता है रेंट अगर आपका रेंट एक्सीड कर जाता है टू पॉइंट फोर लैख पर एनम प्लांट एंड मशीनरी का रेंट हुआ तो टू परसेंट असेट का रेंट हुआ तो टेन परसेंट एवरीबॉडी शॉर्टकट चार्ट बाकी पेयर कॉमन सी एच आई जे एर पेयर कॉमन लिमिट्स याद रखो टीडीएस का चैप्टर बस इसी तरीके से शॉर्ट किया जा सकता है अदरवाइज टीडीएस पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओगे टीडीएस का चैप्टर शॉर्ट करने का यही एक तरीका है कि बॉस कॉमन पॉइंट बाजू में रख दो और उसके बाद लिमिट्स याद रखो सी एच आई बोलो बेटा जे जे भाई साहब जे के अंदर में बहुत सारे है याद आ रहा है क्या पहला है प्रोफेशनल पेमेंट अरे एवरीबडी दूसरा दूसरा डायरेक्टर सिटिंग फीस तीसरा रॉयल्टी तीसरा क्या है रॉयल्टी चौथा क्या है एफ टी एस क्या है डायरेक्टर शिटिंग फीस एक मिनट एफ के बाद में एक और चीज है रॉयल्टी ऑन फिल्म रॉयल्टी ऑन फिल्म फिर है कॉल सेंटर और फिर है डायरेक्टर शिटिंग फीस बराबर है इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट कवर होते हैं चलो प्रोफेशनल पेमेंट या रॉयल्टी पेमेंट शुड एक्सीड थर्टी थाउजेंड पर एन एम ईच तो आपका टीडीएस कितना परसेंट बेटा टेन परसेंट एफ टी एस एंड रॉयल्टी पेमेंट टी एक्सीड थर्टी थाउजेंड पर एन एम ईच तो टीडीएस वुड बी एट द रेट ऑफ टू परसेंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी जो फिल्म्स पे आ रही है इस पे टू परसेंट कॉल सेंटर पेमेंट मत एक्सीड थर्टी थाउजेंड पर एन एम ईच कितना परसेंट टू परसेंट डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट टेन परसेंट पेयर कॉमन चिगार का पेयर कॉमन प्रोफेशनल so, पर्सन को पेमेंट किया या yeah, रॉयल्टी के लिए पेमेंट किया नॉर्मल रॉयल्टी टेन परसेंट रॉयल्टी ऑन फिल्म टू परसेंट यस रॉयल्टी ऑन फिल्म कितना परसेंट बेटा टू परसेंट डन है चलिए प्रोफेशनल पेमेंट रॉयल्टी एफ टी एस रॉयल्टी ऑन फिल्म कॉल सेंटर या डायरेक्टर सेटिंग फीस ये सब पे टी कुछ इस तरीके से आएगा क्लियर है सी एच आई जे बोलो बेटा ए 194 ए इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज एनी बड़ी कोई लिमिट याद है कंपनी के केस में 5000 थाउजेंड बैंक के केस में फोर्टी थाउजेंड बैंक ही अगर सीनियर सिटीजन को दे फिफ्टी थाउजेंड कुछ याद आ रहा है यस वन नाइन्टी फोर ए इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज को छोड़ करके आपने अगर कोई भी इंटरेस्ट दे दिया यस yes. कंपनी दे रही है पांच हजार के ऊपर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है चालीस हजार के ऊपर बैंक सीनियर सिटीजन को दे रहा है पचास हजार से ऊपर टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ ना बेटा टेन परसेंट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे इसके अंदर के बेसिक डिटेल आपने रेगुलर लेक्चर फास्ट ट्रैक दोनों में पढ़े होंगे यस yes, ये शॉर्टेस्ट वे है इसको एंड पॉइंट पे रिवाइज करने का नहीं तो टॉपिक ही इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन में रिविजन पॉसिबल ही नहीं है हा अब 194 फोर आर कंफर्म आएगा मैं फिर से अपनी स्पीड स्लो कर रहा हूं 194 नाइनटी फोर आर कॉन्सेप्ट सुनिएगा आप आगे चल के इसको लिख भी सकते हैं 194 फोर आर देखिए मल्टीपल अमेंडमेंट्स एक साथ बताऊंगा सभी लोग बेटा ये कितने ध्यान से सुन <laughs> कोई भी बिजनेस जब किसी भी पर्सन को परक्विजिट प्रोवाइड करता है या बेनिफिट प्रोवाइड करता है मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुए हैं ध्यान रख ध्यान से सुन कोई भी बिजनेस जब किसी भी व्यक्ति को परक्विजिट या बेनिफिट प्रोवाइड करता है लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मान लीजिए कत्वम अकेडमी ने अपने इंडिया भर में जितने 134 सेंटर्स है इनको टारगेट दिया टारगेट क्या दिया आप हमारे 1000 प्रोडक्ट्स बेचो गूगल ड्राइव बेच के दिखाओ हम आपको क्या करेंगे बॉस एक रशिया का थाईलैंड ट्रिप देंगे आप समझ गए रशिया का थाईलैंड सुना आपने रशिया या थाईलैंड ट्रिप देंगे समझ में रही बात बाकी जो आपने समझा वो भी ठीक है अब बिजनेस वालों ने क्या किया तो जितने हमारे सेंटर्स हैं हमने सारे सेंटर्स को कहा कि भैया आप अगर ये टारगेट पूरा कर देते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे एक रशिया का ट्रिप प्रोवाइड करेंगे जिसका फेयर मार्केट वैल्यू टू लाख रुपीज है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू टू लाख रुपीज है है ना ऐसा तो नहीं ना पांच सात हजार में खत्म हो जाए नहीं रहना खाना ट्रैवलिंग सब कवर होता है ना उसमें यस और नो सो आइए समझते हैं बिजनेस के लिए डोंट यू थिंक दिस इज एन एक्सपेंडिचर दिस इज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज इट अलाउड यस जब पीजीबीपी कंप्यूट करते रहेंगे यह अलाउड होगा थर्टी सेवन में यह अलाउड होगा कहां बेटा थर्टी सेवन तो बिजनेस के लिए यह बिजनेस एक्सपेंडिचर है पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त पी एन एल को डेबिट किया है अलाउड एज डिडक्शन लेकिन अगर एस एससी को मिलता है सबसे पहली चीज आती है सेक्शन ट्वेंटी एट दिस इज टैक्सेबल इन पी जी बी पी बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का परक्विजिट मिलता है टैक्सेबल है किस बेसिस पे इसके फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे टैक्सेबल है ये किसके बेसिस पे टैक्सेबल है इसके फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे टैक्सेबल है दूसरी चीज दूसरी चीज इनको ये अलाउड तो है पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी टी डी एस अंडर सेक्शन फोर आर इनको कहा गया कि अगर तेरा बेनिफिट का वैल्यू कितने उप से ऊपर जा रहा है ट्वेंटी अगर तेरे बेनिफिट का वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड पर एनम के ऊपर जा रहा है देयर विल बी टी डी एस एट द रेट ऑफ यस और नो सो अगर मान लीजिए हमने किसी को कहा का ट्रिप प्रोवाइड किया रशिया फेयर मार्केट वैल्यू इज टू लैख विल द रेट ऑफ टेन परसेंट सामने वाले के हाथ में पूरे टू लाख रुपीज क्या हो जाएंगे टैक्सेबल एंड ऑफ पी जी बी पी क्लियर है मालिक अब वन नाइनटी फोर आर कहता है अच्छा ये बिजनेस भी कौन सा बिजनेस होना चाहिए आप सोच के बताओ ये बिजनेस भी कौन सा बिजनेस होना चाहिए जिसका टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर करंट इयर दिट मक्सीड ट्वेंटी थाउजेंड तो आपको क्या करना है टी डी एस डिडक्ट करना है अच्छा आप सोचिए एक और अमेंडमेंट एक और अमेंडमेंट एक और अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन थ्री एड हुआ है क्या एड हुआ है एक्सप्लेनेशन थ्री जो कहता है जनरली कंपनी जो भी खर्चा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा कर रही है इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा बट माई फ्रेंड्स अगर रिसीवर के हाथ में ये अलाउड नहीं है एज पर हिज कोड ऑफ एथिक्स तो फिर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है एक और अमेंडमेंट हुआ है इस साल मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए इस सेंटर में एक बंदा है सीए जो प्रैक्टिस में है और साथ साथ में अपने लेक्चर भी सेल कर देता है अब एज पर दी चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स दे आर नॉट अलाउड टू हैव एनी बेनिफिट और या ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के मेडिकल प्रैक्टिशनर कोड के हिसाब से ये लेना अलाउड नहीं है अब अगर सामने वाले के हाथ में ये लेना ही अलाउड नहीं है तो फिर 37 का डिडक्शन मिलता नहीं तो एक और अमेंडमेंट आया है इसी कॉन्सेप्ट में मतलब ये कॉन्सेप्ट हंड्रेड आपको पूछेगा पीजीबीपी का एंगल भी मिक्स करेगा टीडीएस का एंगल भी मिक्स करेगा डिसअलाउड का एंगल भी मिक्स करेगा कंफर्म ये कॉन्सेप्ट पूछेगा ठीक है तो क्या बोल रहा है वो इफ रिसीवर इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट एज पर द रूल्स रेगुलेशन या कोड तो फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी सेवन अलाउड नहीं चलो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार मेरे को रिवाइज करो रिविजन नंबर टू बिजनेस किसी भी व्यक्ति को क्या करता है अगर देता है एकत्वम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकत्वम तो खर्चा क्लेम कर लेगा उसके लिए तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट है यस yes, सेंटर को प्रमोट कर रहा है भाई तू सेल करके दिखा मेरे से पर बेनिफिट ले सिंपल है राइट right? उसको जनरली थर्टी सेवन में अलाउड है पर थर्टी सेवन में अमेंडमेंट हुआ है काय में अमेंडमेंट हुआ है थर्टी सेवन कि अगर रिसीवर एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन या कोड के हिसाब से ले ही सकता तो फिर डिडक्शन अलाउड नहीं क्योंकि प्रोहिबिटेड बाय लॉ याद आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन थ्री एड किया थर्टी में अमेंडमेंट हुआ है दूसरी चीज अगर ये दे रहे एकत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी इस साल से नया सेक्शन वन आर कहा 194 आ, एक जुलाई दो से सेक्शन आया है कब से आया है बोलो जुलाई से सेक्शन सेक्शन आया है कहता है कि अगर तुमने बीस हजार रुपए के ऊपर प्रोवाइड किया आपको टीडीएस डिडक्ट करना है कितने परसेंट से टेन परसेंट लो जी भाई साहब लो जी भाई साहब इसके हाथ में क्या ये इनकम टैक्सेबल है यस पीजीबी पेमेंट टैक्सेबल है अब क्या करेंगे जरा समझिए अब क्या करेंगे जरा समझिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में अदर एक्सपेंसेस बताएंगे नीचे नोट्स पे जाएंगे नोट्स के अंदर में लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है एक व्यक्ति मिस्टर एक्स इसको हम लोगों ने टारगेट अचीव करने पे फोर्टी थाउजेंड के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए बताइए ये अलाउड है क्या फर्दर मिस्टर वाई हु प्रोफेशनल इनको भी बेनिफिट हमने प्रोवाइड किए बताइए ये अलाउड है क्या और नीचे लिख देंगे एज पर देअर कोड दे आर नॉट अलाउड अब देख तेरे से एक ही कंसेप्ट में दो चीजें पूछ ली एक पहला वाला क्या अलाउड होगा यस yes. और नीचे पूछेंगे व्हाट आर द अदर इम्प्लीकेशन दे विल नॉट हिंट टी डी एस ढूंढ दे व्हाट आर द अदर इम्प्लीकेशन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे को याद रखना होगा टीडीएस दूसरा दूसरा अलाउड रहेगा क्या नहीं दूसरा तुझे पीजीबीपी में क्या करना होगा एड बैक समझ में आ रही बात बनाने की इच्छा है नहीं ओके वन बेटा फोर आर पहुंचो बेटा कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन सीजार का अगर किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है कितने से ऊपर बेटा 20,000 पर एनम तो भैया टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10 परसेंट टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ 10 परसेंट क्लियर है मालिक वेदर दिस पेमेंट इज कन्वर्टेबल इन मनी और नॉट चाहे ये पेमेंट आप मनी में कन्वर्ट कर सके या ना कर सके इनरेलीवेंट फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे क्या कर देंगे टैक्स आहो अच्छा जी सर चलो बोलो 194 नाइन्टी फोर आर वन आर क्या है परक्विजिट या बेनिफिट्स कायम में बेटा इन बिजनेस जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितने से ऊपर जा रहा होगा बेटा ट्वेंटी थाउजेंड पर एन एम टी डी एस इज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट यस मेरी बात समझ बेटा बहुत मन करेगा ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत मन करेगा अभी छोड़ना यार पढ़ लेंगे छोड़ना यार कर लेंगे बहुत दिन से तुमने करके देख लिया होता क्या ईमानदारी से मेरे को एक बात बता दो एक बजे से लेके सवा तीन बजे तक कंसिस्टेंटली भी तुम नहीं बैठ सकते थे चुपचाप फेस टू फेस में आए तो तुम्हारे तीन टॉपिक खत्म होने आ रहे समझ में आ रही बात तुम्हारा मन पचास बार बोलेगा छोड़ चलते इसमें सिर्फ तेरा घाटा किसी का कुछ नहीं जाता यहाँ बैठा तो नौ बजे तक के तू समझ के चल स्पीड क्या चल रही फटाफट फट्ट फटाफट फट्ट रिवाइज हो सकता है जो तेरा घर पे कभी नहीं होने वाला ईमानदारी से मन को समझाना बेटा तेरे को आज बैठना इधर ही है पचास बार मैसेज आएंगे मेरे बाबू ने था, आना था आया। उसको मैसेज कर लेना जब तू नहीं थी तब भी तेरा बाबू खाता ही था बराबर है राइट तो बिल्कुल आज के दिन किसी भी तेरग का कोई डिस्क सी, मैं आपको बता रहा सर मैंने खुद ने अभी तक के जब से मैराथन चालू किया सीधा फोन एयरप्लेन मोड़ के डाल आउट मैंने बोला आज के दिन डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं बच्चा मेरा और मैं बच्चे का विषय खत्म तीन ही लोग खूब जमेगा रंग जब में बैठेंगे तीन यार आप मैं और डीटी समझ में आई बात तो बिल्कुल आज के दिन मन बहकाने की कोशिश करेगा बुलाती है मगर बिल्कुल नहीं हाँ चल नेक्स्ट सेक्शन यो ब्रो नेक्स्ट सेक्शन ध्यान से सुन आय हाय 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 अमेंडमेंट 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 194 नाइनटी फोर आई ए इम्पॉर्टेंट वन आई ए क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा वन नाइन्टी फोर आई ए बोलो इम्पोर्टेंट बोलो बेटा अबे इंपॉर्टेंट तो है ही है क्या ये बता याद है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करते बेटा परचेस इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने क्या किए बेटा परचेस तो अगर आपका सेक्शन कहता था कंसिडरेशन कंसिडरेशन एक्सीड 50 लाख तो टीडीएस करने की जरूरत होती थी अमेंडमेंट 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 ये कहते हैं अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के, के केस में कंसीडरेशन और कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड एक्सीड 50 लाख तो सेक्शन में हुआ है अमेंडमेंट अब इस सेक्शन में आपको सिर्फ कंसिडरेशन ही नहीं देखना कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों भी कितने से ऊपर जाना चाहिए 50 लाख तो टी डी एस विल बी वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन वर्ड हुआ करता था अब वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर अमेंडमेंट समझ में आ रहा है सभी को बाकी सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ यहां अमेंडमेंट हुआ है यानी अब इस सेक्शन में टीडीएस करने से पहले आपको कंसिडरेशन भी देखना है एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी देखना है कल का यस एग्जांपल ऑफ यू इंपॉर्टेंट बहुत शानदार बेटा 194 नाइनटी फोर आई ए डन नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन 194 नाइनटी फोर एम वन नाइनटी फोर एम इंपॉर्टेंट यस yes. क्या कवर होते बेटा पेमेंट्स जो कहाँ कवर नहीं हो सकते थे 194 C में आते, 194 J में आते, 194 में नहीं 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 आते, आते, आते। ऐसे पेमेंट जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दिए गए पर्सनल सर्जरी के लिए दिए गए yes. या पर्सनल कमीशन है आपके जो सी में नहीं आते जे में नहीं आते एच में नहीं आते एंड जिनमें कितने से ऊपर चले गए 50 लाख पर एनएम 50 लाख पर एन एम टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट वन एम याद रखने का तरीका मेरे पर्सनल पेमेंट्स अगर आपके पर्सनल पेमेंट्स जो सी में नहीं आते मान लीजिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने yes, बहन की शादी 194 सी में नहीं आता बिकॉज इट्स अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पर अब 194 एम में जरूर आएगा क्लियर एम इसके बाद में भाई साहब 194 N 194 एन एन नकदी कैश पेमेंट हाँ 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 याद कर याद कर याद कर बोल इंपॉर्टेंट है बोल 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 क्या याद आ रहा बोल अगर आपका कैश विड्रॉल एक्सीड करता है वन करोड़ टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ टू परसेंट Oh yeah. Yeah. पर अगर सामने वाले ने रिटर्न भरे नहीं है कितने साल के yeah. तीन साल के रिटर्न भरे नहीं है तो ऐसे केस में ट्वेंटी लाख से ऊपर टू परसेंट एक करोड़ से ऊपर फाइव परसेंट याद है कैश विड्रॉ अगर कैश विड्रॉ एक्सीड कर रहा है वन करोड़ से टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टू परसेंट इफ इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर थ्री प्रीवियस ईयर इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड फॉर थ्री प्रीवियस ईयर जहां कैश विद्रॉ एक्सीड कर रहा है ट्वेंटी लैख टू परसेंट कैश विद्रॉ एक्सीड कर रहा है वन करोड़ बोल बेटा फाइव परसेंट साहब यहां हुआ है अमेंडमेंट वन फोर ए नॉट एप्लीकेबल इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है 194n में नॉट एप्लीकेबल सीरीज के अंदर में हुआ है मतलब 194n कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है एनी वन हाँ बोलते जाओ पहला वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हा फॉरेक्स डीलर याद आ रहेगा क्या ए पी एम सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी और एजेंट ऑफ एजेंट ऑफ पोलो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर एम और 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 कोऑपरेटिव एंड बैंक्स गवर्नमेंट एजेंट नोटिफाइड बाय आरबीआई, वो फुल फ्लेज मनी चेंजर एफ एफ एम सी फुल फ्लेज मनी चेंजर वैसे फॉरेक्स में ये आ गए बट फिर भी अलग से लिख दो देख बेटा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में था एम एन अभी बाकी है हमारा आर भी हो गया ओ बाकी है वन नाइनटी फोर ओ वन फोर ओ ओ से ऑनलाइन अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी वाले टीचर इसको ईसीओ बोलते होंगे बराबर है अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको पे कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर रहा है कितना अमाउंट एनी अमाउंट एक्सेप्शन अलग से लिखेंगे वो इंडिविजुअल पांच लाख वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर रहा होगा कैसा बेटा एनी अमाउंट टीडीएस विल बी एट ऑफ टीडीएस विल बी एट ऑफ वन परसेंट हालांकि वन नाइनटी फोर ओ नॉट एप्लीकेबल है कब अगर ये पे किया जा रहा है किसको इंडिविजुअल या एच को जिसका सेल्स कितने तक के है अप टू फाइव लैक्स एंड वो अपना क्या प्रोवाइड कर देता है पैन या आधार। सो अगर कोई भी ईसीओ ईसीपी को पेमेंट करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है एनी अमाउंट टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ वन परसेंट टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ वन परसेंट हालांकि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है अगर इंडिविजुअल को दिया जा रहा है एच को दिया जा रहा है उनका सेल्स पांच लाख रुपए तक के ही है एंड वो लोग पैन या आधार प्रोवाइड कर देते हैं क्लियर है रिक्वेस्टिंग दो मिनट का साइलेंट ब्रेक सिर्फ ऊपर से नीचे तक की लिस्ट वापस पढ़ो ये लिस्ट आज ही पढ़ लो घर पे तुम नहीं पढ़ोगे जो लिस्ट हमने बनाई अब भी ही पढ़ लो डन है बेटा येस और नो डन करो बेटा फटाफट एम एन ओ डन पी को हाल फिलहाल में बाजू रख रहा हूँ क्यू 194 क्यू अगेन इंपॉर्टेंट पर ये आप मेरे को बताएंगे अब 194 क्यू क्या ये टीडीएस ऑन परचे है जब परचेस कितने से एक्सीड कर रही है बेटा फिफ्टी लैख टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट इसका रिप्लिका सेक्शन टू जीरो सिक्स सी वन एच खत्म बात ये yes सोनो no? अच्छा जी सर वन नाइनटी फोर क्यू आर आर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया एस आपको फाइनल्स में कवर किया गया इंटर लेवल पे नहीं ऐसा आपको कहाँ कवर किया गया है फाइनल्स में कवर किया गया है इंटर लेवल पे कवर नहीं किया गया है अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 194 नाइन्टी थोड़े से नॉन इंपॉर्टेंट पे फिर से आते हैं 194 नाइन्टी रेंट अदर देन अंडर सेक्शन 194 नाइन्टी यानी आई हम यहाँ पे किस रेंट की बात कर रहे हैं बेटा पर्सनल रेंट पर्सनल रेंट अगर कितने से ऊपर जा रहा है फिफ्टी पर एंड पर मंथ टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ 5% एवरी बॉडी नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर वन नाइंटी फोर आई सी रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट कितने से ऊपर जा रहा होगा बोलो एनी अमाउंट टी डी एस एट द रेट ऑफ टेन परसेंट नॉट इंपॉर्टेंट है बट फिर भी चलो कर दो फिर आता था वन टू सैलरी फिर आता था कौन सा बेटा वन नाइनटी टू सैलरी अगर सैलरी कितने से ऊपर है बेटा बेसिक एग्जाम्शन लिमिट टीडीएस आता था बेटा एवरेज रेट ऑफ टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते थे टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इंटू हंड्रेड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इंटू हंड्रेड एवरेज रेट ऑफ टैक्स यस एक सेक्शन और बचता है 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोलो बेटा कितने से ऊपर होना चाहिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितने से ऊपर होना चाहिए 5000 इंटरेस्ट में सेक्सीड 5000 टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10 परसेंट टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट जितना बोला उतना इम्पोर्टेंट है उतना तेरे को कन्फर्म पढ़ के जाने का सी एच आई जे ए आर एम एन ओ पी क्यू रेस टू जीरो सी सी टू जीरो सिक्स सी सी ए इतना तेरे को कन्फर्म पढ़ के जाने का टी डी एस के अंदर में बात खत्म बाकी प्रोविजन याद रख मत रख एक जैसा ये कन्फर्म तेरे को आएगा अच्छा बाकी दो तीन जो नॉन इंपॉर्टेंट है मैं उसको छेड़ भी नहीं रहा जैसे ये ई पी एफ यस इनको छेड़ के भी मतलब नहीं है वन नाइन्टी फोर एफ यस अगर सारे खत्म हो गए तो लास्ट सेक्शन ऑफ टी डी एस पे आता हूं वन नाइन्टी फोर पी वन नाइनटी फोर पी समझदार बच्चा मुझे बताए लास्ट सेक्शन ऑफ टीडीएस समझदार बच्चा मुझे बताया सॉरी सेकेंड लास्ट क्योंकि एक अमेंडमेंट और बताना है आपको सेकेंड लास्ट सेक्शन वन नाइनटी फोर पी कोई प्लीज मुझे बताए क्या यह सेक्शन टी डी एस से रिलेटेड है नहीं याद है अगर कौन है अगर कौन सिटीजन सीनियर सिटीजन जिसकी एज याद आ रहा है यहां सीनियर सिटीजन की एज बढ़ा दी गई है इनको कौन सी इनकम आ रही है दो तरह की इनकम पहला पेंशन इनकम दूसरा इंटरेस्ट इनकम अगर आ रही है यस तो इनको किसको इंटीमेट करना है इनको इंटीमेट करना है बैंक को बैंक क्या करेगी कंप्यूट करेगी इनकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन एंड रिबेट इफ़ एनी क्या निकालेगी टैक्स पेबल और ये टैक्स पेबल का वो क्या कर देंगे टीडीएस डिडक्ट तो ऐसे केस में ऐसे सीनियर सिटीज़न को रिटर्न ऑफ इनकम भरने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन 194 पी एग्जम्पन देता है रिटर्न भरने से किसको को देता है सीनियर सिटीज़न को तो अगर कोई ऐसा सीनियर सिटीज़न है जिसको जिसकी एज 75 फाइव और अबाउ ईयर्स है जिसको सिर्फ दो तरीके की इनकम आ रही जिसको सिर्फ दो तरीके की इनकम आ रही पेंशन और इंटरेस्ट तो ऐसे केस में बैंक को वो इंटीमेट कर देंगे बैंक उनकी सारी इनकम को जोड़ करके इसमें से डिडक्शन माइनस करेगा टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा आफ्टर रिबेट टैक्स अगर बैंक डिडक्ट कर लेता है तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है खत्म मालिक अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे टू जीरोमेंट टू जीरो सिक्स ए बी द लास्ट सेक्शन पेज नंबर फोर्टीन ऑफ नोट्स टू जीरो सिक्स ए बी टू जीरो सिक्स ए बी याद करके देखो ट्वाइस द रेट इन एक्ट ट्वाइस द रेट इन फोर्स फाइव परसेंट अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा तो इसमें कुछ सेक्शन ऐड हो गए जिनपे टू जीरो सिक्स ए बी एप्लीकेबल नहीं है टू जीरो सिक्स ए बी एप्लीकेबल नहीं है पहला सैलरी अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन पी ई पी एफ कैजुअल विनिंग्स इस साल से एडिशन 194 IA, रेंटल पेमेंट्स 194 IB, 194 LBC बी ट्रस्ट इस साल के दो एडिशन 194 M, 194 एम एन इन पे 206 AB ए भी एप्लीकेबल नहीं है इन शॉर्ट इन पे जो टीडीएस रेट होंगे इन पे जो टीडीएस रेट होंगे एज पर द रेलेवेंट सेक्शंस ही होंगे ट्वाइस रेट नहीं लगाया जाएगा सोच लॉटरी विनिंग पे टीडीएस ट्वाइस कर दिया सिक्सटी परसेंट आदमी बोलेंगे काम करो ना चालीस भी मेरे को क्यों दे रहे वो भी तुम ही रखो इतने तो मिनिमम लगते में पास होने के लिए तुम ही रख लो वो भी <laughs> इतना भी काय को दे रहे हैं हमको यस yes? अच्छा जी खत्म दैट वॉज योर टी डी एस थिंक्स डनब्रो नाउ यू टेक अ ब्रेक ब्रेक के बाद आकर के विल स्टार्टअप विथ अ हेड वो मत पूछो क्या मैं बताऊंगा ही नहीं यस चलिए सो यहां ले रहा हूं मैं एक ब्रेक देर का ब्रेक चाहिए पांच मिनट बहुत हो गए <laughs> दस मिनट दस मिनट एक चाय पी के आ जाओ यार यस एग्जैक्टली थ्री फोर्टी फाइव विल सी यू हियर ओनली यस yes. चलो आओ फटाफट नहीं नहीं आज रुकना पड़ेगा गर्मी नहीं पांच बजे पांच सौ पांच चलो अस स्टार्ट यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले हम लोगों ने अब तक के तीन टॉपिक खत्म कर दिए यस ब्रेक के पहले हम लोगों ने आर एक मिड टॉपिक लिया एक छोटा टॉपिक एडवांस टैक्स लिया एक फिर बड़ा टॉपिक उठा लिया टी टॉपिक उठा रहा हूँ और फिर इसके बाद एक हेड उठा लूंगा सबसे पहला काम की कौन सी चीज है ले दे के क्लबिंग के अंदर में तीन चीजें काम की है सिक्सटी सिक्सटी फोर वन एस ट्रांसफर डोंट यू थिंक सो लॉजिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्लबिंग के अंदर में सिर्फ तीन चीजें काम किए क्लबिंग के अंदर में सिर्फ तीन चीज किए सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट सेक्शन सिक्सटी फोर वन ए माइनर्स इनकम एंड तीसरा क्रॉस ट्रांसफर इन तीन चीजों के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इसके अलावा गिफ्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है दैट इज बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी इस बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है यस yes, शुरुआत करेंगे मोटिवेशन के साथ इफ यू आर नॉट डूइंग वॉट यू लव टेक्निकली यू आर वेस्टिंग योर टाइम अब जैसे यही बात समझ लीजिए हमारे केस में ही समझ लीजिए पढ़ाना अच्छा लगता है दिल से लगता है कि यार पढ़ाना चाहिए अब इसके लिए पैसा मिले नहीं मिले आप पैशन फॉलो करते रहो एक चीज मैं आपको बताता हूं अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हैं ना एक चीज की गारंटी है सक्सेस जरूर मिलेगा एक चीज की गारंटी नहीं है कब मिलेगा पैशन के साथ एक बहुत बड़ा तकलीफ है पैशन के साथ तकलीफ ही यही है कंफर्म सक्सेस मिलता बस कई बार डिले हो जाता कई बार टाइम पे मिलता यस yes? तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लबिंग की सबसे पहले क्लबिंग के बारे में कुछ बेसिक चीजें इट इज द नेट इनकम व्हिच नीड्स टू बी क्लबड इट इज द नेट इनकम व्हिच नीड्स टू बी क्लबड यस क्लबिंग उसी हेड में होगी जिस हेड में इनकम कमाई गई है क्लबिंग उसी हेड में होगी जिस हेड में इनकम

बैंक मैनेजर को इंस्ट्रक्ट किया FD पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो स्वास्तिक के बैंक अकाउंट में डाल दे काम की चीज सिक्सटी फोर वन ए इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन कंबाइंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कंबाइंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा चला ध्यान से सुनिएगा माइनर्स इनकम तीन तरह की माइनर इनकम क्लब नहीं होती एवरीबॉडी तीन तरह की माइनर इनकम पहला इनकम आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट स्किल एंड टैलेंट से जो इनकम आया क्लब नहीं होता दूसरा इनकम आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन एवरीबडी आवाज निकालो पहला इनकम आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट दूसरा इनकम आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन एंड तीसरा इफ माइनर इज हैंडीकैप इफ माइनर इज हैंडीकैप तो तीन तरीके की इनकम क्लब नहीं होती जो स्किल एंड टैलेंट से आ रही है जो मैनुअल वर्क करके आ रही है या तीसरा इफ माइनर इज हैंडी क्लब नहीं होती का मतलब यह है क्या कि यह इनकम एग्जमट है नहीं इट विल बी टैक्स इन द देंड्स ऑफ माइनर ओनली इसके अलावा हर इनकम क्लब होगी डिपेंड करता है पेरेंट मैरिज सबसिस्ट पेरेंट मैरिज डू नॉट सब्सिस्ट डिपेंड करता है पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट पेरेंट मैरिज डू नॉट सबसिस्ट अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट करता है मतलब माँ बाप साथ रहते हैं तो क्लबिंग उसके हाथ में होगी जिस पेरेंट की इनकम हायर है क्लबिंग उसके हाथ में होगी जिस पेरेंट की इनकम हायर है अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती अगर पेरेंट मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती तो क्लबिंग उसके हाथ में होगी जो उस माइनर को मेंटेन कर रहा है तो चलिए दो पार्ट यस माइनर की तीन इनकम क्लब नहीं होती मैनुअल वर्क डन एंड हैंडीकैप इस केस में इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है बाकी सारे केस में माइनर की इनकम क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम हायर रहे उसके हाथ में अगर माइनर इनकम क्लब हुई है तो आपको एग्जामेशन मिलता है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर माइनर चाइल्ड जो भी माइनर चाइल्ड है उसका वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको एग्जम्शन मिलता है इनकम कितनी भी क्लब हो इिलिवेंट बेनिफिट आपको कितना मिलेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड इंक्लूड होता है यस yes. माइनर मैरिड डॉटर भी इंक्लूड होती है येस क्लियर है मालिक तो पहला सेक्शन था जो काम का था वो था 60 दूसरा सेक्शन जो काम का था 64 1 ए माइनर्स इनकम तीसरा आता है गिफ्ट बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड सम बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी पेज नंबर 9.3 ऑफ फास्ट ट्रैक बुक बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी सपोज मुकेश भाई ने गिफ्ट दिया नीता को और नीता ने चालू किया नीता बसेस कुछ याद आ रहा है राइट नाउ बिजनेस इज आउट ऑफ अ गिफ्टेड मनी ऐसे केस में मुकेश भाई के हाथ में कुछ क्लब होगा हो हाँ। मुकेश भाई के हाथ में कुछ क्लब होगा हो हाँ। मुकेश भाई के हाथ में कितना क्लब होगा फॉर्मूला दिया है प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वापस से बोलो प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी सम निकलेगा दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मुकेश बराबर है so, सो प्रॉफिट इंटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉय क्लियर है मालिक यस, एंड लास्ट आता है बेटा क्रॉस ट्रांसफर जो इंपॉर्टेंट है क्लबिंग में सारे इंपॉर्टेंट एक तरफ कर दिए जो नॉन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पांच मिनट में खत्म हो जाएंगे ध्यान से सुनना नेक्स्ट आता है क्रॉस ट्रांसफर क्रॉस ट्रांसफर का कोई सेक्शन नहीं है यह केस लॉ की वजह से होता है केस लॉ था केशव जी मोरारजी केस लॉ केस लॉ क्या था बेटा केशव जी, जी केस लॉ केशव जी मोरारी मोरार कर लीजिए मैंने और भाई ने मिलकर के टैक्स टैक्स प्लानिंग करी, टैक्स प्लानिंग करी कुछ ऐसी थी अगर मेरा भाई विवेक अपनी वाइफ को अगर कोई गिफ्ट देता था या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करता था क्लबिंग प्रोविजनल अट्रैक्ट हो जाती थी स्वास्तिक माइनर को कोई इनकम आती थी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाती थी हमने क्या किया क्रॉस ट्रांसफर किया विवेक भैया विल गिव द गिफ्ट टू स्वास्तिक एंड आई विल गिफ्ट दिमिलर अमाउंट टू भाभी अब क्या क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकती है इट वॉज हेल्ड इन केशव जी मोरारजी केस अगर आपने कुछ इस तरीके का ट्रांजेक्शन किया है जहां पर ये श्योर हुआ जा सकता है दैट सर्कीस मेथड इज फॉलोड टू अवॉइड टैक्स कौन सी मेथड सर्कीटियस मेथड इज फॉलोड टू अवॉइड टैक्स क्लबिंग प्रोविजन कैन बी अट्रैक्टेड अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि आपने ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके का किया है इंटरकनेक्टेड एन अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेड दैट सर्किटियस मेथड इज फॉलोड क्या किया जा सकता है बोलो क्लबिंग अप्लाई किया जा सकता है क्लियर है रिवाइज सेक्शन सिक्सटी क्या बोल रहा था ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट सेट सिक्सटी फोर वन क्या बोल रहा था माइनर इनकम माइनर इनकम क्लब हुई तो एक्जन कितना मिलता एज पर सेक्शन टेन थर्टी टू फिर हमने बात करी गिफ्ट की गिफ्ट के केस में फॉर्मूला कितना क्लबिंग होगा डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉइड क्रॉस ट्रांसफर क्या टैक्सेबल हो सकता है का नाम है है बराबर क्लियर जा सकता है अब इसके अलावा आपको कुछ सेक्शन याद दिलाता हूं के प्रोविजन अगर आपने किसको ट्रांसफर किया स्पाउस इसी का एक और था अगर आपने ट्रांसफर किया तो सन्स वाइफ और इसी केस में तीसरा प्रोविजन था अगर आपने ट्रांसफर किया किसको बेटा थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्सवाइफ यस तो अगर आपने अपनी धर्म पत्नी को कोई असट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन इन एडिकुएटिडरेशन यात्रू बस को बऊ अगर आपने बहु को ट्रांसफर किया या थर्ड पर्सन को किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ इससे आने वाली इनकम को क्या किया जाएगा क्लब ये तीन छोटे छोटे सेक्शन थे जो पूछे भी नहीं जाते यस और नो और तीन छोटे छोटे सेक्शन थे जो पूछे भी नहीं जाते लास्ट सेक्शन अंडर द होल चैप्टर सिक्सटी वन रिवोकेबल ट्रांसफर कैसा बेटा रिवोकेबल ट्रांसफर अगर आप कोई भी असेट क्या कर देते हैं बेटा ट्रांसफर करते हैं जिसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं रिवोक रिवोक मतलब क्या ले सकते हैं वापस ले सकते हैं तो इससे आने वाली जितनी भी इनकम होगी ये सारी की सारी क्या की जाएगी क्लब लो जी चैप्टर खत्म फर्स्ट कैटेगरी विच इज इंपॉर्टेंट सेकेंड कैटेगरी विच इज नॉट इंपॉर्टेंट थर्ड प्योरली नॉट इंपॉर्टेंट ए बी सी ये काम की चीज जिसको पढ़े बिना जाने का नहीं, इन दोनों को टाइम रहे तो हाथ लगाने का नहीं तो हाथ भी नहीं लगाने का कल का, यस yes? चलिए बहुत बढ़िया सो दैट वॉज योर क्लबिंग अच्छा इसके अलावा एक और प्रोविजन है उसको भी क्या को छोड़ दे चलो उसको भी कर लो याद करके देखो 64 फोर वन का एक और प्रोविजन है अगर मान लीजिए मेरा कहीं पे भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यह ऑर्गेनाइजेशन मेरी पाउस मेरी पाउस को क्या देता है बेटा रेमूनरेशन या कमीशन विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज तो क्या ये रेवेनोरेशन कमीशन विजय के हाथ में टैक्स हो जाएगा यस yes. आपको एग्जाम्पल भी बताया था बुक्स के अंदर में याद आ रहा है पर मेरे पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है सो एकत्वम ने अगर पेमेंट किया पल्लवी को यस yes. क्लबिंग विजय के हाथ में आती नहीं बिकॉज शी इज़ प्रोफेशनल हेलो तो ऐसा कई लोग करते हैं अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया कुल मिलाकर के क्लबिंग खत्म चलो रिवीजन नंबर थ्री फटाफट क्लबिंग का रिवीजन नंबर रिविजन 60 बोल रहा था ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट क्लब हो जाएगा 64, 1 बोल रहा था तीन माइनर की इनकम क्लब नहीं होती स्किल एंड टैलेंट मैनुअल वर्क डन कैप क्लियर है बाकी सारी इनकम क्लब होती पेरेंट्स साथ में है जिसकी इनकम ज्यादा नहीं तो जो मेंटेन कर रहा जब भी क्लबिंग होगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का एग्जामिशन आहो ट्रांसफर टू स्पाउस सन्स वाइफ या थर्ड पर्सन फॉर देयर बेनिफिट क्लब यस रिवोकेबल ट्रांसफर अगर आपने ट्रांसफर ऐसा किया जिसका आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं क्लब एंड लास्ट में अगर आपका कहीं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है येस yes. और वहां से क्या मिलता है स्पाउस को रेम्यूनरेशन या कमीशन मिलता है विदाउट एनी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिस इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर क्लियर है मालिक ये है आपकी टोटल कैटेगरी पढ़ना ये वाला क्वेश्चन इस पे आएंगे क्लियर है मालिक एक और टॉपिक खत्म हुआ आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे पीजीबीपी पी। आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे किस पे बेटा पीजीबीपी यस आ जाओ हाँ तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी अब आ गई है पीजीपीपी के बाद फिर एक छोटा लेंगे फिर घुस जाएंगे सैलरी में फिर एक छोटा लेंगे फिर घुस जाएंगे कैपिटल गेन में ये है आगे की सीरीज पूरी सर छोटा मतलब सेट ऑफ एएमटी एटीआई इस इन टॉपिक्स के अंदर में चले जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पबजी के साथ किसके साथ बेटा पबजी वाह बेटे बेटे ध्यान से सुनो सुन बेटा पी जी बी पी हाँ। पी जी बी पी देख बेटा P की अगर मैं तेरे को बात करूं मात्र 28 से लेकर के 44 तक के सेक्शन है मात्र 16 सेक्शन मात्र कितने सेक्शन सोलह सेक्शन क्लियर है बहुत इजी, बड़े सिंपल बराबर है इसमें से तेरे को पहली काम की चीज़ बता दू तेरे इसमें से ऐसी चीज़ जिसको तू छोड़ के नहीं जा सकता इसमें से ऐसी चीज़ जिसको तू छोड़ के नहीं जा सकता जस्ट दीज सेक्शंस और बीच में कुछ याद आए तो ऐड कर देंगे यस yes. और बीच में कुछ याद आए तो ऐड कर देंगे पर इतने तो मतलब ऐसे हैं जो तेरे को पढ़ के ही जाने हैं अरे भाई साहब नहीं वो नहीं ठीक है सेक्शन फिफ्टी फोर्टी ए स्मॉल ए फोर्टी स्मॉल ए डन ये वो सेक्शन है जिसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकता राइट right? चला ध्यान सुन। से सुन सबसे पहले पीजीबीपी निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुन पीजीबीपी निकालने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल वे दूसरा है प्रिजमटिव इनकम वे पीजीबीपी निकालने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल वे दूसरा है प्रिजम्पटिव इनकम वे यस प्रिजम्प्टिव इनकम में आता है फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए कैटेगरी में डिफरेंस yes, क्या है निकालने का प्रिजमटिव इनकम में हम टर्न या गाड़ी का क्राइटेरिया लेते हैं पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए जबकि नॉर्मल वे में हमें पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहता जहां पे हम लोग क्या करते अपना कंप्यूटेशन करते हैं पूरा का पूरा फोर ए या एडीए में कंप्यूटेशन बड़ा सिंपल है टर्न का एक परसेंटेज आपका क्या मान लिया जाता है पीजीबीपी कंप्यूटेशन इज रिलेटिवली इजी हार्ड कंप्यूटेशन नॉर्मल प्रोविजन का है हार्ड कंप्यूटेशन किसका है नॉर्मल प्रोविजन का है क्लियर आ रही है बात ओके okay, मालिक तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते फोर्टी फोर ए डी ए के साथ मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन को पहले खींच देते हैं येस yes, सबसे पहला सेक्शन है फोर्टी फोर ए डी पहला सेक्शन कौन सा है फोर्टी फोर ए डी किस बारे में बात कर रहे हैं प्रिजमटिव इनकम ठीक है प्रिजमटिव इनकम एस कौन होना चाहिए बोलो बेटा एस कौन होना चाहिए इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी आता नहीं इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी आता नहीं सर कौन सा बिजनेस होना चाहिए एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप कोई भी बिजनेस चलेगा मतलब एस कोई भी बिजनेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट right? उसको सी गैस बिजनेस बस नहीं होना चाहिए सी मतलब कमीशन वो कमीशन बिजनेस में नहीं होना चाहिए जी मतलब जी टी ए मतलब एजेंसी पी मतलब प्रोफेशन यस इनमें नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी बिजनेस में रहे चलेगा तीसरी चीज कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड बोलो बेटा टू करोड़ टर्नओवर कितने से ऊपर नहीं जाना चाहिए दो करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए तो प्रिजमटिव इनकम कितना माना जाएगा प्रिजमटिव इनकम इज इक्वल टू हायर ऑफ ए प्रॉफिट डिक्लेयर्ड हायर ऑफ ए प्रॉफिट डिक्लेयर्ड जितना प्रॉफिट आपने पीजीबीपी के अंदर में डिक्लेयर किया होगा वो इन शॉर्ट नेट प्रॉफिट इन पीएनएल और बी मैक्सिमम लिमिट सो so, कौन होना चाहिए इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी चलता नहीं कोई भी बिजनेस चलेगा एक्सेप्ट सी गैप कमीशन नहीं चलेगा जी टी ए नहीं चलेगा एजेंसी नहीं चलेगा प्रोफेशन नहीं चलेगा यस टर्न ओवर कितने से ऊपर जाना चाहिए शुड टर्न ओवर दो करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए तो प्रिजमटिव इनकम कितना हायर ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर्ड और मैक्सिमम लिमिट अब आप ये पूछेंगे मैक्सिमम लिमिट कितना है सर मैक्सिमम लिमिट कितना है जनरली एट परसेंट सो एट परसेंट जनरल एट परसेंट ऑफ व्हाट? एट परसेंट ऑफ टर्न या फिर सिक्स परसेंट अगर आपको पेमेंट रिसीव हुआ होगा बोलो कैसे आपको पेमेंट रिसीव हुआ होगा अकाउंट पे चेक या फिर ड्राफ्ट या फिर ई e या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड बेटा अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब रूल सिक्स ए बी बी ए, यस yes, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखा है रूल सिक्स ए बी बी ए में बताइए डेबिट कार्ड चलेगा क्या बताइए क्रेडिट कार्ड चलेगा क्या बताइए भीम पे चलेगा क्या बताइए यू पी आई चलेगा क्या आर टी जी एस आई एम पी एस एन ई एफ टी चलेगा क्या सुबह साहब ध्यान से सुनिए यहां आपका जो पीजीबीपी है ये डिटरमाइन होगा टर्नओवर का एक परसेंटेज टर्नओवर का परसेंटेज कितना टर्नओवर का आठ परसेंट जनरल रूल बट टर्नओवर का छः परसेंट भी हो सकता है अगर पेमेंट इन प्रिस्क्राइब मोड में लिखा होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरा बच्चा मुझे बताएगा मान ले अगर तेरे को मिक्स मिला है मतलब चेक में भी मिला है एंड कैश भी मिला है सिक्स परसेंट एट परसेंट या सेपरेट कैलकुलेशन अगर तेरे को दोनों मिला है तो यू हैव टू डू इट सेपरेट कैलकुलेशन एवरीबॉडी यस और नो अगर तेरे को मिला है तो यू हैव टू डू इट सेपरेट कैलकुलेशन अच्छा जी सर सो मैक्सिमम लिमिट क्लियर हो गई ये सो प्रमटिव इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट डिक्लेयर्ड और मैक्सिमम लिमिट प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है आठ परसेंट ले लो मिक्स दिया है सेपरेट कैलकुलेशन ऑनलाइन दिया है छह परसेंट क्लियर है अच्छा जी कुछ अदर पॉइंट्स कुछ अदर पॉइंट्स सोच मेरे बच्चे क्या तेरे को एडवांस टैक्स मैंडेटरी है yes. अभी अभी हम पढ़ के आए हैं एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी आपको भरना ही पड़ेगा कितने तारीख तक भरना पड़ेगा फिफ्टींथ मार्च कितना परसेंट भरना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट एवरीबाडी ये सो नो अच्छा जी दूसरी बात देर विल बी नो डिडक्शन देर विल बी नो डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बुलुबडा पी जी बी पी पी जी बी पी कंप्यूट करते वक्त कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है यस यानी ऑल डिडक्शंस आर बोलो बेटा डीम टू बी अलाउड ऑल डिडक्शंस आर डीम टू बी अलाउड अज्यूम किया जाता है सारे डिडक्शन मिल गए तो बताइए चैप्टर 6 ए के डिडक्शन मिलेंगे क्या चैप्टर 6 ए जीएसटीआई कंप्यूट करते वक्त जो डिडक्शन है ये मिलेंगे आपको पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त जो डिडक्शन है ये नहीं मिलेंगे यस yes? अच्छा आप मुझे बताइए सर अगर इस सेक्शन में आए तो कितने साल मैंडेटरीली सेक्शन की इनकम शो करना पड़ता फाइव ईयर्स यानी आपको फाइव ईयर्स कंपल्सरीली फोर्टी फोर में आना ही पड़ता है यस yes? अगर पांच साल से कम कभी भी आ गए अगले पांच साल इस सेक्शन में आ सकते नहीं तो अगर आपने पांच साल कंटिन्यूसली शो नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से क्या हुआ ब्रीच हुआ तो नेक्स्ट फाइव ईयर फोर्टी अलाउड नहीं है नेक्स्ट फाइव ईयर फोर्टी अलाउड नहीं है यस yes? अच्छा जी सर सर बताइए क्या इस प्रॉफिट से सेट ऑफ अलाउड है क्या इस प्रॉफिट से सेट ऑफ अलाउड है यस ये नॉर्मल पीजीबीपी निकल रहा है इस पीजीबीपी से आप अपना किसी दूसरे लॉसेस का सेट ऑफ कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे पांच साल तक के कंटिन्यूसली फोर्टी फोर एडी शो करना है पाँच साल के पहले कभी भी किसी रीजन की वजह से ब्रीच हुआ अगले पाँच साल इस सेक्शन में आने का नहीं ए बी सी डी ई चलिए एक और पॉइंट बताइए पार्टनर्स रेमोनेशन अलाउड है या नहीं है पार्टनर्स रेमोनेशन जो कौन से सेक्शन में लिखा है बेटा फोर्टी बी ये अलाउड नहीं है खत्म सेक्शन इज ओवर चलो सेक्शन रिकॉल करो इंपॉर्टेंट था वापस से आसी कौन होना चाहिए टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड एनी बिजनेस एक्सेप्ट है एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप चौथा तो कितना माना जाएगा में मिला तो प्रिजमटिश मेंसेंट दोनों सेपरेट दिया तो सेपरेट कैलकुलेशन यस एडवांस इज पीजीबीपी में से कोई डिडक्शन मिलने वाला पार्टनर जेमेशन का भी मिलता चैप्टर सिक्स का डिडक्शन आए हो तो कितने साल टिकना है सेक्शन में पांच साल से पहले कभी भी इस सेक्शन से बाहर चले गए अगले पांच साल इस सेक्शन में आने का नहीं क्या इस जो ए डी निकलेगा टू द नेक्स्ट सेक्शन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्टी फोर किसके ऊपर एप्लीकेबल बेटा गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जी टी ए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर असेसी कौन होना चाहिए ए नी अस कैसा बेटा ए नी एस कोई भी असेसी चलेगा यस yes. में एंगेज होना चाहिए एंगेज इन बोलो बेटा गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैविंग नॉट मोर देन बोलो टेन गुड्स कैरेज हैविंग नॉट मोर देन टेन गुड्स कैरेज अच्छा जी सर बताइए प्रिजमटिव इनकम कितना पकड़ा जाएगा प्रिजमटिव इनकम इज इक्वल टू अगेन हायर ऑफ हायर ऑफ वॉट बोल बेटा प्रॉफिट और मैक्सिमम लिमिट बोल बेटा मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करती है, है गुड्स व्हीकल अदर गुड्स वहीकल अरे सो है वहीकल, अदर वहीकल, कौन चाहिए एनी यस क्या होना चाहिए नॉट मोर देन टेन गुड्स कैरेज कैसा होना चाहिए नॉट मोर देन टेन गुड्स कैरेज इनकम इज इक्वल्स टू हायर ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट कितनी है डिपेंड करती है हायर ऑफ मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करती है हैवी गुड्स व्हीकल अदर गुड्स व्हीकल एवरीबडी किसी को याद है हैवी गुड्स व्हीकल के लिए कितना वन थाउजेंड पर टन पर मंथ क्या पार्ट देयर ऑफ भी कवर्ड है और पार्ट देयर ऑफ पर वहीकल सो वन थाउजेंड पर टन पर मंथ पर व्हीकल यस अगर अदर गुड्स वहीकल है तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर वहीकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच बोलो बेटा assets is owned during the period for which asset is owned. Clear eh malik? Other hai malik चलिए, अदर points देख लेते हैं. Advance tax याद होगा तो not mandatory. Mandatory सा नहीं है, हाँ. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी ले लो बताइए चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं। मिलेंगे सर शट शटॉप अलाउड यस शट शटॉप अलाउड फाइव ईयर कंडीशन है या नहीं है नहीं है मतलब इस सेक्शन को कंटिन्यूस पांच साल एप्लीकेबिलिटी में आता नहीं आप हर साल डिसाइड कर सकते हैं लेना या नहीं लेना क्लियर है फाइव पार्टनर्स रेमुनरेशन पार्टनर्स रेमुनरेशन अलाउड पार्टनर्स रेमुनरेशन अलाउड तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिलेंगे बट पीजीबीपी के डिडक्शन पीजीबीपी के डिडक्शन नहीं मिलेंगे डीम टू बी अलाउड पीजीबीपी से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सीधा पीजीबीपी बाहर आएगा चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिल जाएंगे जो आपको मिलते आए हैं इज दिस डन बहुत बढ़िया बेटा चलो रिवाइज रिवाइज रिवाइस अस सी कौन चाहिए एनी अस एससी में एंगेज होना चाहिए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी नॉट हैविंग मोर देन टेन गुड्स कैरेज बैठे मतरे आओ आज निकाल रिविजन तेरा घर पे नहीं होने वाला तभी तू इधर है ना yes, इतने भी जोर से नहीं yes, है ना आराम से सर बता प्रिजिव इनकम इज इक्वल टू हायर ऑफ हायर ऑफ वॉट मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है टाइप ऑफ वहीकल पे ये अच्छा एक मिनट हम किसी भी वहीकल को हैवी गुड्स वहीकल करेंगे अगर उसका वेट 12 टन से ऊपर हो एवरीबाडी यस और नो राइट अच्छा जी आ जाओ तीसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं 44 फोर बोला ए डी असेसी कौन होना चाहिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल और फर्म यहां पे भी एलएलपी अलाउड नहीं है काई में एंगेज होना चाहिए एंगेज इन प्रोफेशन तो प्रिजमटिव इनकम इज इक्वल टू हायर ऑफ ए प्रॉफिट डिक्लेयर्ड और बी फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रॉस रिसीट यस फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रॉस रिसीट भाई साहब अदर पॉइंट्स पे फोकस करिए क्या एडवांस टैक्स मैंडेटरी है एडवांस टैक्स मैंडेटरी सेकेंड क्या पीजीबीपी के डिडक्शन मिलेंगे yes. बोलते जाओ पीजीबीपी के डिडक्शन मिलेंगे yes. नहीं चैप्टर सिक्स ए वाले जो एट्टी सी टू एट्टी यू वाले हैं वो डिडक्शन मिलेंगे यस yes. क्या सेट ऑफ कर सकते हो यस सेट ऑफ अलाउड है यहाँ पे भी पार्टनर्स रेमोनिशन अलाउड नहीं है यहाँ पे भी पार्टनर्स रेमोनिशन अलाउड नहीं है यस yes? ओके okay. क्लियर है मालिक बहुत बढ़िया दैट वॉज फोर्टी फोर ए डी ए ठीक है अब हाथ को थोड़ा सा रेस्ट दे दो अगर आप लिख रहे होंगे थोड़ा सा रेस्ट दे देना हम नेक्स्ट सेक्शंस पे चल रहे हैं पीजीबीपी कंप्यूट करने के दो तरीके हैं एक या तो प्रिजम्पटिव इनकम के थ्रू आप अपनी इनकम कंप्यूट करो या फिर नॉर्मल में आप शिफ्ट हो जाओ किस में शिफ्ट हो जाओ नॉर्मल यानी प्रिजमटिव वाले पार्ट हमने ऑलरेडी खत्म कर लिए अब हम जा रहे हैं किधर बेटा नॉर्मल लेकिन इनकम कंप्यूट करने से पहले इनकम कंप्यूट करने से पहले नॉर्मल में इनकम कंप्यूट करने से पहले दो ऐसे सेक्शन बताना चाहूंगा जहां पीजीबीपी कंप्यूटेशन से कोई लेन ही नहीं है दो ऐसे सेक्शन जिसका पीजीबीपी कंप्यूटेशन से कोई लेन नहीं है एनी वन फोर्टी फोर डबल ए ए फॉर अकाउंट्स ए फॉर अकाउंट्स पीजीबीपी कंप्यूटेशन से इस सेक्शन के कोई लेन नहीं है इंडिपेंडेंट सेक्शन है आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है कब अगर आप बिजनेस में हैं, आप प्रोफेशन में हैं, आप अदर्स में हैं। बिजनेस में है प्रोफेशन में अदर में है बिजनेस में, 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 में है ध्यान से सुनिए आप इंडिविजुअल है एच यू एफ है अदर्स right? है राइट आप इंडिविजुअल है एच यू एफ है अदर्स है प्लीज ध्यान से सुनिएगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है लाला ओ मेरे लाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन अमेंड हुई है इतना जबरदस्त अमेंडमेंट है प्लीज कोई धक्का खा के गिर मत जाना बहुत डेंजर अमेंडमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिफिनेशन में अमेंडमेंट क्या है पहले होता था बुक्स मतलब ओनली इन रिटर्न फॉर्म अब उनने कह दिया रिटर्न और डिजिटल फॉर्म बहुत बड़ा अमेंडमेंट है प्लीज ठीक है एग्जाम में आने के हद घटिया बिल्कुल चांसेस नहीं है ठीक अमेंडमेंट है चांसेस जीरो है आई होप यू कैन अंडरस्टैंड उसको पूरी दुनिया छोड़ के ये नहीं मिला से पूछने के लिए He will ask a rather good thing. फिर भी अगर किस्मत खराब उसने पूछ लिया ना मतलब उसको वहां पे पेपर में लिख के आना आंसर नहीं पता पर भाई तेरे को फुल रिस्पेक्ट <laughs> 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 क्या मतलब यार ऐसे ऐसे अमेंडमेंट लाते अच्छा चलो बिजनेस में है ब्रो बिजनेस में है या तो तेरी इनकम कितने एक्सीड करना चाहिए 2.5 लाख या फिर तेरा टर्नओवर कितने से एक्सीड करना चाहिए ट्वेंटी फाइव लैख इन एनी थ्री प्रीवियस ईयर इन एनी थ्री प्रीवियस ईयर एवरीबॉडी अदर्स में है तेरी इनकम मस्ट एक्सीड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और टर्नओवर मस्ट एक्सीड टेन लैक्स इन एनी थ्री प्रीवियस ईयर यस तो तुझे मैंडेटरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुझे कब मेंटेन करनी है अगर तेरा बिजनेस है इंडिविजुअल एचूए है इनकम मस्ट एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैक और टर्न ओवर मस्ट एक्सीड ट्वेंटी अगर तू इंडिविजुअल एचूएफ नहीं है तेरी इनकम मस्ट एक्सीड वन पॉइंट टू लैख और टर्न ओवर मस्ट एक्सीड टेन लैक्स तो तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है अगर तीनों में से किसी एक साल में भी अगर ऐसा हो जाता है तो यस अगर तू प्रोफेशनल है अगर तू प्रोफेशनल है तेरी ग्रॉस रिसीट मस्ट एक्सीड इन ऑल प्रीवियस ईयर अगर तेरा ग्रॉस रिसीट इन ऑल थ्री प्रीवियस ईयर एक्सीड कर रहा है से तो यस 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 तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी है मेनटेन करनी है क्लियर है अदर्स के केस में अगर तू प्रिजमटिव इनकम शो कर रहा है अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए एंड तू क्या करता है बेटा लोअर प्रॉफिट क्या कर देता है डिक्लेयर अगर तू प्रमटिव इनकम में है फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए या फोर्टी फोर ए में और अगर तू लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है oh yeah? चलो वापस से एवरीबॉडी इसका पीजीपीपी कंप्यूटेशन से कोई लेन देन नहीं, नहीं है पर थ्योरी में ये सेक्शन पूछा जाता है इनकम मस्ट एक्सीड इंडिविजुअल के केस में इनकम मस्ट एक्सड टर्न ओवर मस्टीड इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर भाई साहब एक बात और याद रखिए इफ ये जो लिमिट है ये लिमिट क्या हो गई क्रॉस इन द ईयर ऑफ सेटअप तो आपको मेंटेन करना है कब से फर्स्ट ईयर से अगर ये इसी साल से जिस साल से बिजनेस लगाया उसी साल से ये लिमिट क्रॉस कर गई खत्म आपको पहले साल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है काम खत्म दूसरी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन किया जाता है सिक्स असेसमेंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन करना है सर पेनाल्टी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया पेनाल्टी इज बोलो बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेंटेन कोई भी फॉर्म में कर सकते हो कोई तकलीफ नहीं है एक सवाल है मेरा आपको मॉड्यूल में तो दिया है आप याद रखते नहीं रखते आई डोंट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है बैलेंस शीट पी एन एल वो समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ में आ रही है बात खैर वो कभी पूछने नहीं वाले ये चीज ये लिमिट्स याद रखने हैं अब आते एक और सेक्शन के ऊपर ये सेक्शन सबको समझ में आया मालिक अनादर सेक्शन फोर्टी फोर ए बी किस बारे में बात कर रहा है बेटा टैक्स ऑडिट अगेन थ्योरी का सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी में पूछा जा सकता है टैक्स ऑडिट की लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है पीजीपीपी कंप्यूटेशन से इसका कोई लेन देन नहीं है अगेन तीन बातें हो जाएगी अगर आप बिजनेस में हैं अगर आप प्रोफेशन में, में yes? चलो आओ अगर आप बिजनेस में हैं आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा वन करोड़ अगर आप प्रोफेशन में हैं आपका ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रहा है पचास लाख रुपए से यस yes, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी है मेंटेन अदर्स में है आप ऑडिट अकाउंट्स में मेंटेन करना है ऑडिट भी आएगा ही अदर्स के अंदर में है आप फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एंड इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट अगर आप फोर्टी फोर एडी एडीए केस में हैं अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ऊपर है लेकिन आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एक मिनट लोअर प्रॉफिट का मतलब क्या तीनों प्रेजमटिव इनकम में आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं मतलब लेस देन एट परसेंट सिक्स परसेंट आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं आपको दो काम करवाने होते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट दो काम मैंडेटरीली कराने होते हैं अगर आप प्रिजमटिव इनकम से कम इनकम शो कर रहे हैं तो अकाउंट्स मेंटेन करना है और ऑडिट करवाना है लेकिन ध्यान से सुनिएगा फोर्टी फोर एडी एडीए केस में आपको याद रखना होगा देर इज नो टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन फोर्टी फोर एडी अन एक्सीड बोलो बेटा, टू करोड़ दो तक दो करोड़ तक के जनरली फोर्टी फोर एडी केस यस yes, दो करोड़ तक के अगर आपका टर्न है टैक्स ऑडिट कराना ही नहीं पड़ता जबकि जनरल रूल क्या है अगर आपका बिजनेस का एक करोड़ के ऊपर चला गया तो आपको ऑडिट कराना है पर फोर्टी फोर केस में दो करोड़ तक ऑडिट नहीं होता हाँ अगर आप आठ परसेंट छह परसेंट से कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं आठ परसेंट छह परसेंट से कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं एंड आपकी इनकम बेसिक एक्सम्शन लिमिट से ऊपर है तो आपको फिर ऑडिट कराना मैंडेटरी है फोर्टी फोर ए केस में फोर्टी फोर ए केस में अगर आप लोअर प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है फोर्टी फोर ए केस में बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्राइटेरिया नहीं है फोर्टी फोर ए केस में क्राइटेरिया नहीं है चार्ट अच्छे से बनाना प्लीज ध्यान से सुनना इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा अगर बिजनेस का टर्नओवर कितने से ऊपर जा रहा है वन करोड़ प्रोफेशन का टर्नओवर That is gross receipt, 50 ,00 से दो करोड़ तक के टैक्स AD, में भी टैक्स ऑडिट आ सकता है अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं आपकी इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ऊपर है या नहीं है इट इज इन रेलिवेंट कल का बिजनेस के केस में नो टैक्स ऑडिट अप टू बोलो टर्नओवर ऑफ टेन सी इसके लिए दो कंडीशन है आपकी कैश रिसीट डज नॉट एक्सीड बोलो फाइव परसेंट ऑफ टोटल रिसीट सिर्फ एक और है या एंड है एंड कैश पेमेंट

ओनली यस विल कंडक्ट टैक्स ऑडिट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक के वो दे देगा बोलो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसको कब तक के देना है वन मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग बोलो आर ओ आई रिटर्न भरने से एटलीस्ट एक महीने पहले उसने अपनी रिपोर्ट दे देना है सीए ने अपनी रिपोर्ट एटलीस्ट एक महीने पहले दे देना है सर पेनल्टी कितनी लगेगी नॉन कंप्लायंस के लिए सर टी ए आर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सर पेनल्टी कितनी लगेगी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और ग्रॉस रिसीट विच एवर इज लोअर पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टर्न ओवर और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगेगी यस yes ऑनो no? हमने अब तक पी में पांच सेक्शन पढ़े फोर्टी फोर फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए फोर्टी फोर डबल ए फोर्टी फोर ए बी पाँच सेक्शन और ये पांचों वो पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे पांचों वो पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे पीजीबीपी कंप्यूटेशन ध्यान से सुन पीजीबीपी कंप्यूटेशन दो तरीके से किया जा सकता है या तो तू प्रमटिव इनकम से शो कर दे या फिर नॉर्मल से शो कर पहले प्रिजमटिव किया फिर एक ऐसी दीवार खड़ी करी जो ना इस साइड है ना इस साइड है फोर्टी फोर ए ए फोर्टी फोर ए बी वो किसी भी कंप्यूटेशन से लेन देन नहीं है अब शिफ्ट हो रहे हैं यहां यस नॉर्मल पीजीबीपी, नॉर्मल पीजीबीपी। सबसे पहले तुझे याद दिलाता हूं सेक्शन ट्वेंटी नाइन सबसे पहले तुझे याद दिलाता हूं कैसा बेटा सेक्शन ट्वेंटी नाइन सेक्शन ट्वेंटी नाइन बताता है हाउ टू कंप्यूट बोलना बेटा पीजीबीपी ध्यान से सुन हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी बराबर है देख लॉजिकली स्पीकिंग लॉजिकली स्पीकिंग देर आर टू मेथड डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड 99% इनडायरेक्ट मेथड चलता है 99% इनडायरेक्ट मेथड चलता है इनडायरेक्ट में क्या करते हो आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाते हो क्या करते हो नेट प्रॉफिट उठाते हो ऐड कर देते हो ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या है बेटा डिसअलाउड ऐसे एक्सपेंसेस जो पीजीबीपी के हिसाब से अलाउड नहीं है उसको एडबैक करो लेस इनकम टैक्सेबल एंड डिफ्रेंडेड इनकम टैक्सेबल इन डिफरेंट हेड डिफरेंट हेड के साथ जो इनकम टैक्सेबल है उसको आप माइनस कर दो यस इसमें से आप माइनस कर दो एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट क्लेम्ड क्या आ जाएगा बेटा पी बीपी तो सेक्शन 29 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन क्योंकि ये सिर्फ बताता है पीजीबीपी कंप्यूट कैसे करना है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आप क्या पकड़ो डायरेक्ट मेथड के अंदर में आप ग्रॉस रिसीट पकड़ते हो और ग्रॉस रिसीट में से सिर्फ वही खर्चे माइनस करते हो एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ये आ जाता है आपका पीजीबीपी। बेटा चलो वापस बताओ अरे इधर उधर क्या रहे <laughs> चलो जल्दी से बोलो हम लोगों ने क्या किया दो मेथड है बेटा कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर में और इनडायरेक्ट के अंदर में आपको 100% परसेंट क्या फॉलो करना है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कब कर फॉलो करते हो जब जनरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिले डायरेक्ट कब कर फॉलो करते हो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिले सो so, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिला डायरेक्ट फॉलो करने का अदरवाइज इनडायरेक्ट फॉलो करने का एवरीबाडी नेक्स्ट चीज पे आतेशन ट्वेंटी ट्वेंटी चार्जिंग सेक्शन ध्यान से सुनना चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन बोलता है कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है बहुत बड़ी लिस्ट मिलती 11-12 आइटम की लिस्ट मिलती जो बताती है कौन सी इनकम पीजीपीपी के अंदर में टैक्सेबल है यस yes. इधर देखो ये है ग्यारह बारह आइटम की लिस्ट कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है प्लीज डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग दिस आता कैसा वाटते हैं बराबर है बरे बरे। इसके अंदर के चार आइटम बता रहा हूं चार आइटम पढ़ लेना इसके अलावा पढ़ने का भी नहीं बिल्कुल लिस्ट को बाजू कर देने का टाइम वेस्ट करना नहीं पीजीबीपी पी में इसको रीड करके मैक्सिमम बच्चा टाइम वेस्ट करता है इसको रीड कर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का बाजू करो कुछ भी नहीं पूछते इसमें से चार आइटम बता रहा हूं उत्तर याद रखो गेम ओवर हां जी सेक्शन ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन पहला पहला एनी बिजनेस और प्रोफेशन किसी भी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम पीजीबीपी सेकंड सेकंड सांपसिडी कौन सी बेटा सांपसिडी अगर ये सब्सिडी अगेंस्ट दी एसेट मिली है अगेंस्ट एसेट मिली है आप इसे रिड्यूस करेंगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट अगर ये अगेंस्ट कैसे मिली है बेटा बिजनेस तो आप इसे टैक्स करेंगे कहां पे इन पीजीबीपी। बीपी तो बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम पीजीबीपी में जाएगी सब्सिडी इसको आप अलग शब्दों में ड्यूटी ड्रॉबैक भी कहते हैं इसको आप अलग शब्दों में कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट भी कहते हैं क्या कहते हो कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट यस नेक्स्ट रिसीव्ड टू पार्टनर थर्ड पॉइंट जो याद रखना है सेक्शन ट्वेंटी एट में रिसीव टू पार्टनर बेटे ध्यान से सुन फर्म किसको देता है पार्टनर को चार चीजें एक दो तीन चार पहला देता है शेयर ऑफ प्रॉफिट याद रख शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है बेटा एग्जाम पार्टनर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है एग्जाम अंडर सेक्शन टेन टू ए अंडर सेक्शन टेन टू ए दूसरा देता है देखो रेम्यूनरेशन तीसरा ते को तेरे को देता है इंटरेस्ट और चौथा तेरे को देता है कमीशन ये जितना भी कुछ दिया ये सब तेरे हाथ में टैक्सेबल है बट कितना दिया है इस पर एक लिमिट लिमिट अंडर सेक्शन 40 बी सो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एक्सम अदरवाइज जितना कुछ मिला टैक्सेबल यस yes, मन करेगा मन बोलेगा भाई बस कर यार अब और नहीं हो रहा कुछ सुनने का नहीं यस yes, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना आपका एग्जाम भी ध्यान से सुन आपका एग्जाम भी टेक्निकली टेक्निकली एक फेस्टिवल जैसा ही है आप साल भर फेस्टिवल का वेट करते हो आज फेस्टिवल है एग्जाम भी एक फेस्टिवल है सारे लोग साथ में आते फेस्टिवल में एग्जाम हॉल में भी सारे लोग साथ में आते आपका फेस्टिवल में खर्चा होता है खर्चा आपका एग्जाम में भी होता है यस फेस्टिवल के बाद मजा आया नहीं आया रिजल्ट आपका यही चीज बता रहा है यस ब्रो एक बात याद रख कुछ जगह पे तेरे को आउट परफॉर्म करना पड़ता है हर रोज हर दिन एक जैसा नहीं होता पर अगर आज तेरे को कप... सी, अगर तू देखे ना तेरे पास कितना टाइम बाकी है चल एक बार टाइम लिमिट समझ लेते हैं। <laughs> नहीं 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 भाई तेरा टाइम लिमिट जरूर बताएगा यस मार्च के नौ दिन अप्रैल के तीस दिन थर्टी नाइन डेज चल एक दिन ग्रेस पकड़ चालीस दिन बचे हैं तेरे एग्जाम को अब चालीस दिन में भी अगर तेरे को मेहनत करना आज के दिन नहीं सूझ रहा तो तेरे से नहीं होने वाला एक काम कर चाय बेच ले उसमें भी बहुत स्कोप है चाहे बेच ले उसमें भी बहुत स्कोप है पर तू ये सोच के देख जीवन भर तू यही सोचते बैठेगा कि अगर किसी दिन मेहनत कर ली होती तो जिंदगी कुछ और होती ये और हर एक के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब उसको मेहनत करना चाहिए ये तुम्हारे लिए जितने अभी चालीस दिन है सबके सब आज सिर्फ मैराथन की बात नहीं कर रहा हूं अगले चालीस दिन अगर तुम खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो किसी और को कभी जिंदगी भर ब्लेम मत करना तुम्हारे फेलियर के लिए अगर 40 दिन तुम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो अगले 40 दिन किसी और को बिल्कुल ब्लेम मत करना अगले 40 साल किसी और को ब्लेम मत करना कि टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था इसलिए हुआ इस अकेडमी में एडमिशन लिया उसलिए हुआ कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता अकेडमी या टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फर्क पड़ता है तेरे एंतुजाजम से और तेरी हिम्मत से क्या चालीस दिन तू अपने लिए रगड़ के मेहनत कर सकता है तो तू लॉजिकली अपनी सक्सेस को डिजर्व करता है और अपने फेलियर को भी डिजर्व करता है पर 40 दिन बाद तू इस बात पर रिग्रेट करे कि यार 40 दिन पढ़ लेता ये सेंसिबल ही नहीं है अगले 40 दिन अपने आप को बख्शना ही मत मैं तुमको अपफ्रंट बोल रहा हूं और फेलियर होने के बाद बोल रहा हूं मान लो मैंने कुछ रैंक अचीव किए होते तो बहुत अलग बात होती मुझे पता है बॉस एक्स के छोड़ के जाने से ज्यादा गम अटेम्प्ट का होता है क्योंकि तुम्हारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी यही बुक्स जिसको तुम ऑलरेडी हाईलाइटर लगा चुके हो ये बुक्स उठा के वापस हाईलाइटर लगाना केपेबिलिटी के बाहर है समझ आ रही है बात केपेबिलिटी के बाहर है ये नहीं होता बार बार तुमको हिम्मत लगानी है अब लगाओ रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा रिजल्ट के बाद सिर्फ पछतावा होगा और रिजल्ट के दिन फिर झूठा रोना अरे यार रिजल्ट भी आ गया कोई सेंस नहीं है प्राउड इवन एन द फेल रिजल्ट वेन यू हैव डन योर राइट यू नो योर हार्डवर्क अदरवाइज यू हैव नो राइट टू क्राई और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है कोई और नहीं उठाता यस yes, कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती है जिनमें से अपनी मेहनत भी एक है <laughs> कुछ चीजें बहुत आपको खुद करनी पड़ेगी नहीं तो फिर क्या एंड में एक ही आवाज आएगी बुआ मामा क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई गधा उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रहा है ब्रो ये बात समझ अगर तू मेहनत नहीं कर रहा तो एंड में यू विल एंड अप इन मामा और बुआ ओनली इन सम केसेस मासी तुम नहीं करोगे तुम्हारी दोस्त मेहनत कर रही है उसकी शादी हो जानी है मासी मामा चाचू ऐसी आवाज अगर सुननी है तो आप समझ लीजिए साहब यस हाँ ये भी हो सकता है ब्रो एक बात मैं तुमको बताऊं चालीस दिन सी ये चालीस दिन ना ये डिसाइड करेंगे कि तू इसी क्लास में फाइनल की क्लास कर रहा होगा या वापस से इंटर का फास्ट ट्रैक देख रहा होगा एंड बिलीव मी आपको अगर इसके पहले एक दो अटैम्प्ट लग चुके हैं अगर अगर आपको इसके पहले एक दो अटैम्प्ट लग चुके हैं तो शायद आपको पता हो चुका होगा कि शायद ये आपका आखिरी अटैम्प्ट है और आपके ऊपर तो बेटा बहुत तुम तो ऐसा बैच हो जिसके ऊपर भयानक तलवार लटक रही है कब इंस्टीट्यूट नया सिलेबस लाए और तुम ओल्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओ कोई गारंटी नहीं है इस बात का तुम्हारे ऊपर जो तलवार लटक रही है ये सबसे डेंजर तलवार है चुपचाप पास होकर के आगे निकल जाओ आर्टिकल शिप में एंटर कर लो और न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करा लो नहीं तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के जो झमेले में फंसोगे ना आज तक के मैंने खुद मेरे सामने दोस्त चेंज होते हुए देख लिए बहुत फंसता है बच्चा बहुत फंसता है क्योंकि फिर तुम कोई आउटपुट वाले व्यक्ति नहीं रहे फिर बात समझ लेना सर मेहनत करनी पड़ेगी पचास बार मन करेगा अरे यार छोड़ना आप लिख रहे थे लिखना छोड़ दोगे छोड़ना यार हाथ दुख रहे मत करिए सब यस नो डाउट लेक्चर इज फ्री योर टाइम इज नॉट फ्री ये बात याद रख लेक्चर इज फ्री योर टाइम इज नॉट फ्री यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ और अगर तू अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता ना तो ठीक है तेरा बाप तो तेरे लिए मेहनत कर ही रहा है क्योंकि उसने तो तेरे को पैदा किया ही है वो तो करेगा ही वे जब तूने कुछ मेहनत नहीं भी किया तो वो मरते दम तक तेरे को खिलाने की ताकत रखता पर तू सोच तेरे को उसको खिलाना है या उसका दिया हुआ खाना है यस yes, उसने नाम दे दिया जन्म दे दिया उसकी जिम्मेदारी खत्म अब तो अपने लिए मेहनत कर ले लेट्स फोकस अगेन सेक्शन ट्वेंटी एट चार चीज टैक्सेबल करता है पहला किसी भी तरह का बिजनेस प्रोफेशन दूसरा सब्सिडी तीसरा पार्टनर्स इनकम चौथा फोर्थ पार्ट एनी क्विजिट और बेनिफिट याद आ रहा है अराइजिंग आउट ऑफ बोलना बिजनेस इस बार ये काम की चीज है बेटा क्योंकि इसी के साथ क्या आ गया है 194 नाइनटी फोर आर इसका कॉन्सेप्ट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम येस ये चार चीजें इस बार 28 में याद रख इसके अलावा कुछ 28 का याद नहीं रखना यस तो सेक्शन ट्वेंटी एट हाउ टू कंप्यूट पी जी बी पी सेक्शन ट्वेंट सॉरी सेक्शन ट्वेंटी एट कौन सी इनकम पी जी बी पी में टैक्सेबल है ट्वेंटी नाइन हाउ टू कंप्यूट पी जी बी पी कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन थर्टी सेक्शन थर्टी वन सेक्शन थर्टी टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेज ऑन बिल्डिंग सेक्शन थर्टी वन टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये कहते हैं दोनों सेक्शन कुछ कॉमन बात करता है दोनों सेक्शन कुछ कॉमन बात करता है अगर आप रेंट पे कर रहे हैं दिस रेंट पेड इज़ अलाउड अगर आप रिपेयर्स कर रहे हैं तो भाई साहब कैपिटल रिपेयर्स कर रहे हैं कैपिटल रिपेयर्स अलाउड नहीं है रेवेन्यू रिपेयर्स कर रहे हैं रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड है अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं टैक्सेस पे किया वो क्या है अलाउड अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहे हो तो क्या होना चाहिए अलाउड तो पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त दोनों सेक्शन कॉमन है भाई भाई सेक्शन है थर्टी थर्टी वन थर्टी बात कर रहा है बिल्डिंग पे थर्टी बात कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे कहते हैं बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा कॉरिडोर हम लोगों ने रेंट पे ले लिया लेफ्ट साइड पूरा रेंट पे ले लिया अब बताइए इसका जो रेंट हम दूसरी अकेडमी या किसी पर्सन को पे कर रहे होंगे इज इट अलाउड एज डिडक्शन वेल कंप्यूटिंग पीजीबीपी ये रिपेयर टैक्सेस अलाउड सिर्फ कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं है यस कैपिटल रिपेयर्स अलाउड नहीं है दैट सेक्शन थर्टी एंड थर्टी वन एक्सपेंसिजन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यस और नो यस ए सेक्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन सेक्शन थर्टी टू क्या बेटा डेप्रीसिएशन आ जाओ पहले डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कुछ याद है क्या तुम्हें पहले डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ याद है क्या तुम्हें बोलो जल्दी से क्या याद आ रहा है यस हाँ जी भैया बोलो आ कौन होना चाहिए ओनर ओनर इंक्लूड्स डीम yeah. नो फेक के मारूंगा एचपी पढ़ रहे क्या ये 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 ये, ये, ये। सी ए फाइनल फर्स्ट अटेम्प ओनर इंक्लूड्स डीम नो अबे एचपी पढ़ रहे क्या बेनिफिशियल ओनर ओनर इन्क्लूड बेनिफिशल जात काय बाबा माझा लग्न ऐसकतो नाही मॅरेथॉन बोलोगे दिवसभर केला, ना केला। <laughs> दिन भर मेहनत करी और कुठ नाही ऐसा भी मत करो सुनो सेक्शन थर्टी टू सेक्शन थर्टी टू कहसी कोण होणार बोल बेटा अस ओनर डेप्रीसिएशन उसी को मिलेगा जो क्या रहेगा ओनर ओनर इंक्लूड्स बोल बेटा बेनिफिशियल ओनर ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर चल बता एचपी के के केस में किसको मिलेगा हायर परचेसर लीज के केस में बोल बेटा लेसोर लीज के केस में हमेशा किसको मिलेगा लेसोर क्लियर है यस yes? अस एसी बींग ओनर ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर हाँ याद कर अ सेट मस्ट बी बोलना मेरा बच्चा पुट टू यूज पुट टू यूज इन दर ऑफ एक्विजिशन बता अगर यूज मोर देन वन एटी डेज बोल फुल्ड एप्रीसीएशन एवरीबाडी यूज लेस देन वन एटी डेज बोल बेटा हाफ डेप्रीसिएशन एवरीबाडे सो असेट सेट मस्ट भी पुट टू यूज पुट टू यूज इंक्लूड रेडी टू यूज जिस साल एक्वायर किया का मंडलमी जिस साल एक्वायर किया उस साल एक सौ अस्सी दिन से ज्यादा फुल डेप्रीसिएशन एक सौ अस्सी दिन से कम हाफ डेप्रीसिएशन असेट सेट मस्ट भी यूज इन बिजनेस इट मस्ट बी यूज इन बिजनेस तो आपको मिलेगा डेप्रीसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट लल्ला चलो आए हो तो डीप में चलते हैं स्पेसिफाइड रेट बोल मेरे बच्चा बिल्डिंग पे कितना टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी पे फिफ्टीन परसेंट याद है हाँ प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुक्स फर्नीचुर इंटेंजिबल जिबल ट्वेंटी फाइव परसेंट गुडविल पे डेप्रीसिए मेजरली टेन परसेंट देख भाई नो इफ नो बट ओनली कट टू कट अब मेरे पास टाइम नहीं है रेगुलर होता एक घंटे तक समझाता रहता क्या चल रहा है ये yes. अभी पांच मिनट में तेरे को समझाना है काम की चीज क्या है बिल्डिंग टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी 15 परसेंट प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर एंड बुक्स भी आता है कितना परसेंट बेटा 40 परसेंट फर्नीचर 10 परसेंट इंटेंजिबल ट्वेंटी फाइव इंटेंजिबल में गुडविल आता सो गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता कलल का बहुत बढ़िया बेटा आगे बढ़ो अच्छा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन विल बी ऑन डब्ल्यू डी डेप्रिसिएशन विल बी ऑन डब्ल्यू ब्लू लिखा हुआ है 43 थ्री सेक्शन सिक्स के अंदर में डब्ल्यू लिखा हुआ है फोर्टी थ्री के अंदर में कैसे निकालते बेटा सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू इसमें क्या किया जाएगा एड एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कहाँ लिखा है बेटा 43 थ्री वन इसमें से लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एडिशन सेल क्या बन जाएगा बेटा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी में से क्या करेंगे बेटा डेप्रीसिएशन तब जाके क्या मिलेगा बेटा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी ये सोनो चलो बेटा बहुत बढ़िया राहत की सांस सेक्शन फोर्टी थ्री वन किस बारे में बात करता है एक्चुअल कॉस्ट बिल्कुल पढ़ना नहीं इसके तेरा एक्सप्लेनेशन है जब आप रेगुलर बुक में जाओगे फोर्टी थ्री वन के तेरा एक्सप्लेनेशन है आज तक कभी भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया इसके सिर्फ एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है और वो है सेक्शन फोर्टी थ्री का एक कंसेप्ट कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ पर्सनल एसेट्स इनटू बिजनेस इसके एक ही कंसेप्ट आज तक आपको क्वेश्चन आया है तो एक्चुअल कॉस्ट का बिल्कुल पढ़ने का नहीं इसका सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ने का और ये कंसेप्ट है फोर्टी थ्री फाइव में ये कंसेप्ट कहाँ लिखा हुआ है फोर्टी थ्री फाइव बस एक कंसेप्ट पढ़ के जाना बाकी फोर्टी थ्री वन को बिल्कुल ऑप्शन में रख के पी स्मॉल कर सकते हो यस yes? अच्छा मेरा पर्सनल एसेट था मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया यस yes? मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया बिजनेस अब तक ये फ़ोन पर्सनल यूज के लिए यूज़ कर रहा था फिर बाद में मैंने क्या किया मैंने एम्प्लॉय को दे दिया बोला आज से ही कॉल लगाना इसके ही कॉल उठाना नाउ अंडरस्टैंड अगर यह बिल्डिंग है ये अदर देन बिल्डिंग है अगर यह बिल्डिंग है तो आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन अगर यह अदर एसेट है तो आपको चुपचाप क्या लेना है एक्चुअल कॉस्ट एवरीबॉडी अगर आप एक्चुअल कॉस्ट उठा करके देखोगे तेरह एक्सप्लेनेशन दिए हुए इस केस में क्या उस केस में क्या आपको प्रॉब्लम में हमेशा दिया होता है एक्चुअल कॉस्ट ये समझने के लिए है कि किस केस में क्या करोगे पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेवेंट नहीं है एक्सेप्ट फोर्टी थ्री फाइव फोर्टी थ्री फाइव फोर्टी थ्री वन एक्सप्लेनेशन फाइव मैं ये गलत कर दूंगा अगर इसे फोर्टी थ्री फाइव लिखूंगा फोर्टी थ्री वन एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव यस क्योंकि फोर्टी थ्री फाइव प्लाटेड मशीनरी डिफाइन करता है

सबसे पहले सेक्शन थर्टी टू पढ़ा सेक्शन थर्टी टू रिकॉल भी ओनर ओनर इंक्लूड्स इनक्लूड्स अट मो अस्सी दिन से ज्यादा फुल एक सौ अस्सी कम हाफ ये सिर्फ इन द ऑफ़ एक्विजिशन बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए एंड डिप्रीसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट ऑन द डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स ठीक है इसी के साथ तीसरा सेक्शन आता है एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी नहीं पढ़ना एक्सप्लेनेशन फाइव के अलावा क्लियर है अच्छा जी सर आ जाओ अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर सेक्शन थर्टी टू वन टू इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मत पढ़ना डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट ऐसे यूनिट्स के पास क्या है बेटा ऑप्शन या तो तुम क्या ले लो एस एल एम या तो क्या ले लो डब्ल्यू डीवी एस एल एम का ऑप्शन भी सिर्फ किस एसेट के, yes. के लिए है टैंजिबल एसेट्स यस डब्ल्यू डीवी किसके लिए है सॉरी एस एल एम का ऑप्शन किसके लिए है यस डब्ल्यू डी वी का ऑप्शन डब्ल्यू डीवी का ऑप्शन सिर्फ किसके लिए है बोलो इन टैंजिबल एसेट्स के लिए एस एल एम का ऑप्शन सिर्फ किसके लिए है टैंजिबल एसेट्स टेंजिबल स्टिल का जाएगा डब्ल्यू डीवी तो इनके पास एक ऑप्शन है ऑप्शन क्या है एस एल एम ले सकते हैं डब्ल्यू डीवी ले सकते है, w, ले सकते है? Yes or no. मान ये मान लीजिए क्लेम हुआ है ये एसेट्स को क्या किया सेल ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट राइट सपोज एक एसेट था इस एसेट पे आपने डेप्रीसिएशन लिया है एस एल एम बेसिस पे ये एसेट क्या किया जाता है सेल सेल किया तो या तो लॉस आएगा या तो क्या आ सकता है प्रॉफिट अरे एवरीबॉडी अगर एस एल एम बेसिस क्लेम किया था ऐसा असेट क्या किया जाता है सेल किया जाता है जो लॉस आया दिस लॉस इज अलाउड एज डिडक्शन आप पी एन एल में डेबिट कर दो अलाउड एज डिडक्शन इसको एक भलता नाम दिया गया है टर्मिनल डेप्रिसिएशन इसे क्या कहा जाता है बोलो टर्मिनल डेप्रिसिएशन सो ऐसा एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया ये असेट कभी भी फ्यूचर में सेल कर दिया इस पे अगर लॉस आया इस लॉस को नया नाम दिया गया टर्मिनल डेप्रिसिएशन टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन पी एन एल में अगर डेबिट है अलाउड एज डिडक्शन यही अगर प्रॉफिट आ जाता है यही अगर क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है एनी वन यस yes. इस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है बैलेंसिंग चार्ज एक नया नाम दे दिया बैलेंसिंग चार्ज दिस इज टैक्सेबल इन पी जी बी पी टैक्सेशन ऑफ पावर जनरेटिंग कंपनी ओवर सुध्यान से सुनिएगा कई लोगों को अब ऐसा लग रहा होगा काय को रेगुलर क्लास लगाई मैराथन से समझ में आ रहा यह आपको अब समझ में आ रहा जब आपने यह पहले पढ़ा है ठीक है कोई इसको पहली बार आके पढ़ रहा होगा ना उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है और ये आदमी टू एक्स की स्पीड में क्यों है <laughs> मतलब वो यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहा होगा उसकी इच्छा भी हो जाए मेरा टू एक्स का स्पीड में चलाने की यस वो बोलेंगे ये फोर एक्स हो गया राइट right? ध्यान दसून अगर डेप्रिसिएशन इन पावर जनरेटिंग यूनिट आपके पास क्या है बेटा ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा ऑप्शन अरे बोलना तेरे पास क्या है बेटा ऑप्शन ऑप्शन है या तो तू एस एल एम बेसिसम डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ये असेट को तूने क्या किया सेल किया सेल करके क्या आया लॉस या सेल करके क्या आया प्रॉफिट लॉस आया तो तू लॉस को क्या करेगा अलाउड प्रॉफिट आया टैक्सेबल इन पी जी बी पी खत्म चल आगे बढ़ सेक्शन थर्टी टू वन टू ए एडिशनल डेप्रीसिएशन आए हाय किस बारे में बात कर रहा है बेटा एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना यस yes. चल एडिशनल डेप्रीसिएशन एस एसी कौन होना चाहिए कैसे सी एस ए कौन होना चाहिए एस एस सी मस्ट भी एंगेज एंगेज विथ होम एंगेज बोल बेटा मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन शिबिडिटी कहता है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन बहुत बढ़िया बेटा सो अस एस मस्ट बी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन क्या करना है बेटा एक्वायर करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेकिन न्यू प्लांट एंड मशीनरी से क्या होता है बेटा एक्सक्लूड कुछ चीजें न्यू प्लांट एंड मशीनरी में काउंट नहीं होती कुछ चीजें न्यू प्लांट एंड मशीनरी में काउंट नहीं होती कुछ चीजें न्यू प्लांट एंड मशीनरी में काउंट नहीं होती पहला सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यस दूसरा प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन बोलना ऑफिस और गेस्ट हाउस यस तीसरा हाँ प्लांट एंड मशीनरी बींग ट्रांसपोर्ट वहीकल शिप एयरक्राफ्ट चौथा होल कॉस्ट होल कॉस्ट इज

सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी किसी और के लिए सेकेंड हैंड होगी हो सकता है किसी के लिए फर्स्ट हैंड हो उसको यूज किया डेप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन <laughs> yeah. मिल सकता है एडिशनल नहीं मिलेगा ना बराबर है कि नहीं थर्ड बात करो अगर एक्वायर किया प्लांट एंड मशीनरी बोलो ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2005 तो आपको बोलो ना बेटा बोलो एडिशनल डिप्रीसीशन अर्थ ऑफ 20 परसेंट यही अगर यूज किया लेस देन 180 डेज बोलो 10 परसेंट एंड बैलेंस 10 परसेंट इन नेक्स्ट ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट एक सौ अस्सी दिन से कम यूज किया टेन परसेंट बैलेंस टेन परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर येस चलिए दिस वॉज एडिशनल डेप्रिसिएशन अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ओवर एंड अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन मतलब नॉर्मल तो मिलेगा एडिशनल भी मिलेगा मुफ्त 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 ओके चलो नेक्स्ट कंसेप्ट डेप्रिसिएशन इनकेस ऑफ अमला गमेशन डी मर्गर बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन याद है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन गमेशन डी मर्जर बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन ऐसे केस में हम डेप्रिसिएशन दो स्टेप में निकालते हैं एनी वन स्टेप नंबर वन कैलकुलेट नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप सबसे पहले नॉर्मल डेप्रीसी निकाले एज इफ नो अमल गमेशन एज टेकन प्लेस जैसे आप डेप्रीसी निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालो स्टेप नंबर टू आपको क्या करना है बेटा डिवाइड आपको क्या करना है बेटा डिवाइड द टोटल डेप्रीसी इन बोलो बेटा डेज

सेल ऑफ डेप्रीसीएबल एसेट्स सेक्शन फिफ्टी सेल ऑफ डेप्रीसीएबल एसेट्स सेक्शन फिफ्टी डेप्रीसीएबल एसेट आपने कभी भी सेल किया कभी भी सेल किया सो so, जो गेन या आएगा या जो लॉस आएगा दैट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो भैया अगर आपने डेप्रिसिएबल असेट कभी भी सेल किया तो जो गेन आएगा या जो लॉस आएगा इसको हम हमेशा शॉर्ट टर्म मानेंगे सर शॉर्ट टर्म मानेंगे आपको अगर याद हो डेप्रिसिएबल असेट पे इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है ये मिलता नहीं डेप्रिसिएबल असेट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता क्यों क्योंकि कंप्यूटेशन सेक्शन फिफ्टी के हिसाब से होता है मान लीजिए अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स सेल करने के बाद ब्लॉक में एसेट्स भी है और ब्लॉक में वैल्यू भी है क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं यस yes. अगर डेप्रिसिएबल असेट पार्ट में सेल किया इसके सेल करने के बाद ब्लॉक में एसेट भी है और ब्लॉक में वैल्यू भी है क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं यस yes, बिल्कुल कर लो सो तीन पॉइंट सेक्शन फिफ्टी में याद रखने के आहो तीन पॉइंट सेक्शन फिफ्टी में याद रखने के अगर कभी भी कोई डेप्रिसिएबल असेट है इसको सेल किया तो जो गेन आएगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं डेप्रिसिएबल असेट अगर आपने सेल कर दिया या ब्लॉक में असेट भी है ब्लॉक में वैल्यू भी है सेल करने के बावजूद ब्लॉक में असेट भी है ब्लॉक में वैल्यू भी है बैलेंस पे आप क्या कर लो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो आहो बहुत बढ़िया और चलिए अब तक कितने सेक्शन पढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं अब तक कितने सेक्शन पढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं मी सेक्शन ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन ट्वेंटी नाइन टू कंप्यूट पीजीबीपी थर्टी एक्सपेंसिज ऑन बिल्डिंग थर्टी वन थर्टी टू थर्टी टू वन वन पावर जनरेटिंग यूनिट थर्टी टू वन टू एडिशनल डेप्रीसी फोर्टी थ्री सिक्स डब्ल्यू डीवी फोर्टी थ्री वन एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन फिफ्टी डेप्रिसिएशन केस ऑफ डेप्रीसी सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स क्लियर है फोर्टी फोर डबल ए फोर्टी फोर ए बी फोर्टी फोर ए डी सिक्स परसेंट एट परसेंट फोर्टी फोर ए जी टी ए फोर्टी फोर ए डी एडे मालिक आइए और पढ़ते हैं सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 सेक्शन थर्टी फाइव सी सी डी सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 किसके ऊपर है ए नीएसए सी कैसा बेटा ए नी एस ए सी जबकि थर्टी फाइव सी सी डी सिर्फ किसके ऊपर है कंपनी क्या बोलते कंपनी थर्टी फाइव सी 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 है तो थर्टी फाइव सी 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 बीच में जो भी लोग चिल्ला रहे प्लीज मत चिल्लाओ फाइव सी 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 कैसा है बेटा ए नी एस सी जबकि थर्टी फाइव सी सी डीज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनी ये करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ये बारे में बात करता है स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यस थर्टी फाइव सीसी थर्टी फाइव सीसी डी आस पास के भाई भाई सेक्शन है राइट right? ये कहता है कोई भी एस एस सी पे एप्लीकेबल ये कहता है कंपनी पे एप्लीकेबल ये कहता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अगर कोई भी खर्चा किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर तो बोलो ना डिडक्शन कितना मिलेगा हंड्रेड परसेंट और ये भी यही बात करता है कि अगर किसी कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया है जितना खर्चा किया इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन लेकिन याद रखना होगा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर किया गया एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है तो लैंड एंड बिल्डिंग पे ऊपर किया गया खर्चा अलाउड नहीं है बाकी कोई भी खर्चा अलाउड है टन टना गेम ओवर दोनों सेक्शन खत्म सो असेसी कहता है थर्टी फाइव सी सी डी कहता है बोलो बेटा कंपनी क्या कहता है बेटा कंपनी अगर किसी भी तरीके का खर्चा किया हंड्रेड परसेंट इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन गेम ओवर वेट एक और भाई भाई सेक्शन है थर्टी फाइव डी सेक्शन सेक्शन थर्टी फाइव डी डी ए थर्टी फाइव डी डी बोलो एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन ये बात करता है एक्सपेंसेस ऑन वी आर एस ये मिलता है सिर्फ इंडियन कंपनी को ये मिलता है एनी असेसी को यस yes? तो भैया थर्टी फाइव दीदी दीदी के शादी के खर्चे एक्सपेंसेस ऑन अमल गमेशन पांच साल तक के चुकाते रहते लाइफ में दीदी के शादी के खर्चे पांच साल तक चलते रहेंगे लाइफ में यस yes? दद्दा क्या ले ले वी आर एस दद्दा क्या ले ले वी आर एस अब तुझसे ना हो पाएगा क्या ले, ले? वी आर एस दोनों के केस में भाई साहब दोनों के केस में डिडक्शन किस बेसिस में मिलता है बेटा वन फिफ्थ बेसिस दोनों के केस में डिडक्शन किस बेसिस में मिलता है बेसिस ओवर इयर्स यस अगर पीएनएल को पांच लाख डेबिटेड है तो बोल लो क्या करेंगे फोर लाख डिसअलाउ करेंगे फोर लाख क्या करेंगे डिसअलाउ करेंगे आई यू गेटिंग द पॉइंट यस थर्टी फाइव डी डी थर्टी फाइव डी डी ए बहुत बढ़िया बेटा यस चलो नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन थर्टी फाइव सी सी ए अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा डोनेशन डोनेशन किस पर्पज के लिए रूरल डेवलपमेंट या नेशनल अर्बन पावर्टी इराडिकेसन फंड डिडक्शन कितना मिलेगा बोलो बेटा हंड्रेड परसेंट डिडक्शन कितना मिलेगा बोलो बेटा हंड्रेड परसेंट डन है चलो बेटा नेक्स्ट सेक्शन थर्टी फाइव किस बारे में बात करता है साइंटिफिक रिसर्च याद है क्या तुम्हें याद है चलो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में क्या ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है यस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में दो तरीके की बातें थी कितने तरीके की दो पहला पहला इन हाउस एक्सपेंसेस बोलो ना बेटा पहला इन हाउस एक्सपेंसेस दूसरा डोनेशन टू अदर्स डोनेशन टू अदर याद आ रहा है वो नेशनल लेबोरेटरी आई आई टी डोनेशन टू अदर सीधा हंड्रेड परसेंट खत्म विषय डोनेशन टू अदर सीधा हंड्रेड परसेंट नेशनल लेबोरेटरी आई आई टी ऐसी कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट रिसर्च करना हो किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड कॉलेज ऐसा ऐसा कुछ भी दिया है 100% परसेंट इन हाउस एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं राइट कैपिटल एक्सपेंसेस में क्या नहीं आता नॉट ऑन लैंड लैंड को छोड़ करके बाकी सारे खर्चे चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो हंड्रेड परसेंट अलाउड तो सेक्शन थर्टी फाइव डोनेशन टू अदर हंड्रेड परसेंट अलाउड बस ये अनअप्रूव्ड नहीं होना चाहिए क्या बोल रहा हूं बेटा मैं अनअप्रूव्ड नहीं होना चाहिए बाकी सीधा हंड्रेड परसेंट अलाउड इन हाउस एक्सपेंसेस बोलो बेटा इन हाउस एक्सपेंसेस कैपिटल अलाउड रेवेन्यू ऑल्सो अलाउड कैपिटल में सिर्फ एक खर्चा नहीं मिलता बोलो क्या लैंड राइट right? अच्छा मुझे बताइए करंट ईयर के एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा क्या ये प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के खर्चों का भी डिडक्शन मिलेगा क्या यस टू थ्री प्रीवियस ईयर बिजनेस चालू होने के तीन साल पहले तक के सारे खर्चे आप क्या कर दो कैपिटलाइज अलाउड एज डिडक्शन यस ब्रो अच्छा सुनो बेटे अगर आपने सेक्शन थर्टी फाइव में साइंटिफिक रिसर्च का खर्चे का डिडक्शन लिया है ऐसे एसेट पे डेप्रीसिएशन मिलता नहीं ऐसे एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलता नहीं और सर ये तो कह रहा था सेक्शन थर्टी टू दूसरा ऐसे असेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है नील ऐसा कह रहा था सेक्शन फोर्टी थ्री वन ऐसे असेट को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता ऐसे असेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है नील क्योंकि आपने होल कॉस्ट क्या ले लिया है डिडक्शन क्लियर है होल कॉस्ट आपने डिडक्शन ले लिया तो आपको कोई अदर बेनिफिट मिलता नहीं तीसरी चीज तीसरी चीज अगर आपका अमला गमेशन हुआ या आपका डी मर्गर हुआ तो क्या अदर कंपनी को यह बेनिफिट मिलेगा yes. बिल्कुल अगर ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए आपका अमल गमेशन या डी मर्जर भी हुआ होगा अदर कंपनी कैन टेक दिस बेनिफिट आल्सो। कल का ब्रो सेल ऑफ एसेट्स काम की चीज अगर असेट सेल कर दिया जो किसके लिए था साइंटिफिक रिसर्च अगर असेट सेल कर दिया जो किसके लिए यूज हो रहा था साइंटिफिक रिसर्च या मैं फिर स्लो हो रहा हूं ध्यान से सुन अगर असेट सेल कर दिया जो काई के लिए यूज हो रहा था साइंटिफिक रिसर्च तो ऐसे केस में विदाउट बींग यूज इन अदर बिजनेस आफ्टर बींग यूज इन अदर बिजनेस एनी वन अगर विदाउट बींग यूज इन अदर बिजनेस तो आपको नहीं लगता ऐसे केस में डीम्ड पीजीबीपी आ जाएगा कितना लोअर ऑफ बोलो बी सेल वैल्यू और डिडक्शन क्लेम्ड मान लो इस असेट को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया यह असेट आप फ्यूचर में क्या कर देते हो सेल विदाउट बीइंग यूज्ड इन अदर बिजनेस आप इस असेट को कोई और बिजनेस में यूज नहीं कर रहे सपोज आपके दो बिजनेस है आप इसे अदर बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे कोई बात नहीं आपको डीम्ड पीजीबीपी मान लिया जाएगा कितना मान लिया जाएगा लोअर ऑफ क्या मान लिया जाएगा लोअर ऑफ सेल वैल्यू या फिर जितना डिडक्शन क्लेम किया दोनों में से जो कम रहे उसको पीजीपी पे मान लो टैक्स कर लो अदर बींग यूज इन अदर बिजनेस अगर आप इसे अदर बिजनेस में डाल देते हैं मतलब अब आप इसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम करना चाहेंगे आप इसे अदर बिजनेस में डाल देते हो मतलब आप अब इसे क्या करना चाहोगे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहोगे येस yes, डेप्रिसिएशन अगर क्लेम कर रहे हो तो डोंट यू थिंक सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा इसको बेचने पे जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्योंकि द मूवमेंट आपने इसे अदर बिजनेस में लेके गए मतलब आप बोलोगे अब मेरे को डिप्रीसिएशन क्लेम करना है इसका कैलकुलेशन फिफ्टी के हिसाब से होगा कौन से हिसाब से होगा फिफ्टी आहो बेटे चल फिर तेरी हिम्मत को चेक करते हैं ट्वेंटी एट 29 30 expenses on building 31 32, 32, 1, 1. 32 1, a additional depreciation, additional depreciation? Uh, section 50 three six. डब्ल्यू डी वी फोर्टी थ्री वन एक्चुअल कॉस्ट थर्टी फाइव सी 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थर्टी फाइव स्किल डेवलपमेंट ना बराबर साइंटिफिक रिसर्च थर्टी फाइव सी सी डी थर्टी फाइव सी सी ए रूरल डेवलपमेंट एक बात आपको ये समझ रही है जो आपको पहले पढ़ाए हुए वो सब दनादन याद आ रहे हैं थर्टी फोर्टी फोर डबल ए थर्टी फाइव डी डी अमल थर्टी फाइव डी डी ए फोर्टी फोर ए बी टैक्स ऑडिट फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए ई 44 ADA ए में अब तक पांच दस पंद्रह बीस बीस सेक्शन कंप्लीट हो गए पीजीपीपी के अंदर में आयुष्य में में बेटा आयुष्य में ट्वेंटी खत्म ट्वेंटी वन रादर ये सो नो पर अभी भी खत्म नहीं हुआ है आजा बेटा यस बेटा चलो बेटा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर में चलते हैं रुकने का नहीं ताकने का नहीं ओ नापो चला जल्दी आ बेटा थर्टी फाइव एडी चला हाँ, ये सुनो yes no? चला लवकर लवकर थर्टी फाइव एडी थर्टी फाइव एडी बोलना बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस राइट अस ऐसी स्पेसिफाइड बिजनेस में बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपको लिस्ट पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी ये वो हॉस्पिटल विथ हंड्रेड सिंगल बेड हॉस्पिटल विथ हंड्रेड सिंगल बेड वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये सो नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको क्या मिलेगा बेटा डिडक्शन मिलेगा याद दिला दू मैं याद दिला दूँ इस बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है कौन से सेक्शन में अंडर सेक्शन 37 इससे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा बेटा एक्सक्लूड तीन खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आते बोलो लैंड दूसरा गुडविल तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या तुम्हें याद है बराबर है इन कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कैसे मिलेगा बेटा हंड्रेड परसेंट ओ ये यस थर्टी फाइव ए डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं करता सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तीन खर्चे अलाउड नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी तीन खर्चे अलाउड नहीं है लैंड अलाउड नहीं है गुडविल अलाउड नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं है चलो कुछ बातें कुछ बातें याद कर ले बेटा याद होगा तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बोलना बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस ये लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है कैसा बेटा अनलिमिटेड अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है वो ये ऐसे असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाता है बेटा नील ऐसा कहने वाले फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री वन कह रहे थे ऐसे असेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ो नील ऐसे असेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन देंगे नहीं ऐसा कौन कह रहे थे माननीय श्री सेक्शन थर्टी टू माननीय श्री सेक्शन थर्टी टू कह रहे थे आपण या असेटला डेप्रिसिएशन देणार नाही ना सांगून ठेवतो ना। कलल का एक मिनिट एक मिनिट जर तुम्हाला <laughs> जर तुम्हाला याद असेल को क्या बोलते रे आठवण असेल हा ठीक आहे थोडासा मेरा मराठी थोडा समजले ना कई बार ये बहुत अलग हो जाता है थोड़ा उतना समझ के ले लेना यस सर ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो भाई जी अगर ऐसा असेट्स आप कभी भी क्या कर देते हैं सेल तो क्या होगा अगर ऐसा असेट आप कभी भी क्या कर देते हैं सेल तो क्या होगा याद है तो एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल इज इक्वल टू पीजीपीपी हाँ तो कैसा याद कर याद कर याद कर ऐसा असट जिसप थर्टी फाइव एडी क्लेम किया ये कभी भी तू सेल करता है क्या होगा कितना एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं एक हाथ थर्टी फाइव एडी हाँ, हाँ। माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन हम यहां पे एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेते हम यहां पे क्या लेते बेटा डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी लेस क्या कर देते बेटा नोशनल डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा बेटा जो मिलेगा इसे क्या मान लिया जाता है पीजीबीपी असेट आए हो तो कितने साल होल्ड करना एटलीस्ट एट ईयर याद आ रहा है मालिक थर्टी फाइव एडी सो थर्टी फाइव एडी से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है थर्टी सेवन के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में तीन खर्चे आते है? नहीं पहला दूसरा तीसरा क्लियर है इस बिजनेस से आने वाला लॉस सिर्फ इसी बिजनेस के इनकम से क्या कर सकते हो सेट ऑफ यस ओके ठीक 35 फाइव नेक्स्ट सेक्शन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सेक्शन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं एनी वन सेक्शन थर्टी फाइव डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन क्लेम कर सकता है एनी असेसी हु इज रेसिडेंट एनी असेसी हु इज रेसिडेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कितना मिलता प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है इज इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ लोअर ऑफ ए एक्चुअल एक्सपेंसेस बी मैक्सिमम लिमिट याद है लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस और मैक्सिमम लिमिट अब आप ये पूछेंगे सर मैक्सिमम लिमिट कितना है मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है कंपनी के लिए या अदर्स के लिए कंपनी के लिए बोलो बेटा फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर अदर्स के केस में फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट याद आ रहा है मालिक आपको चलो आ जाओ फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर यहाँ फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कल का प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर थर्टी फाइव डी चलो बेटा बहुत बढ़िया बढ़ते हैं आगे यस बढ़ते हैं आगे सेक्शन थर्टी सेवन याद है जनरल डिडक्शन अभी तो मेजर सेक्शन बाकी है बेटा पीजीबीपी में कहा तक रहे हो फोर्टी ए टू फोर्टी ए थ्री फोर्टी थ्री बी फोर्टी फोर्टी वन सर कितना पीजीबीपी हुआ आधा और पूरा होने से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं समझ में ही बात जनरल डिडक्शन जनरल डिडक्शन हा मेरी जान तेरे को क्या लगा खत्म नहीं हुआ आधा हुआ है आधा और फिर से एक बार याद दिला तू ये सब तो सिर्फ एक वर्किंग नोट है ऐसा सारा सब कुछ करके बनेगा बेटा पीजीबीपी पीजीबीपी के बाद पांच हेड मिलाओगे तो क्या बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम इसमें क्लबिंग ऐड करना सेट ऑफ लेस करना डिडक्शन लेस करना तो क्या बनेगा टोटल इनकम टोटल इनकम पे क्या निकालना टैक्स या तो नॉर्मल तरीके से या एम से या अल्टरनेटिव टैक्स से जो टैक्स निकला इसमें से एडवांस टैक्स माइनस टीडीएस टीसीएस माइनस मैट एम क्रेडिट माइनस जो बचेगा वो होगा टैक्स अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो मेथड ऑफ एग्रीगेशन भी चेक कर लेना एंड रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स निकालना और ये सब 60 मार्क्स के लिए है जीएसटी <laughs> अलग और ये सब ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट है इसमें लॉ क्वास्टिंग इसमें लॉ कॉस्टिंग अकाउंट जब सब मिल जाए तो बनेगा ग्रुप वन एंड यू आपने फॉर्म भरा है दो ग्रुप के <laughs> मैं ये नहीं बोल रहा आप एग्जाम दे रहे मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं आपने फॉर्म भरा है दो ग्रुप के इसमें अभी बेटा ई आई एस ऑडिट तुम जब तक के जब तक के तुम ग्रुप वन पढ़ते थे तुमको ऐसा लगता था सबसे थर्ड क्लास सब्जेक्ट या तो डीटी या तो कॉस्टिंग फिर तुम मिले ऑडिट से एंड <laughs> तुम्हारी लाइफ बदल गई <laughs> फिर तुम्हारी लाइफ बदल गई तुमको ऐसा लगा ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है <laughs> yes, मैंने तुम लोगों को मैंने तुम लोग ऐसा लेक्चर में थे मैं ऑडिट करते हुए कुछ बच्चे ऑडिट के लेक्चर में <laughs> ऊपर मुंह ही नहीं उठाते दूसरा तीसरा चौथा बराबर पांचवा कुछ बच्चे लेक्चर कैसे कर रहे हैं और लेक्चर चालू होते पंद्रह मिनट में सर सोड़ा ना सर मस्त तुम लोग तुम लो ऐसा ई आई एस हाँ ई आई एस पढ़ते हो रहे रॉफ्टर लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या पढ़ रहे फ्लो चार्ट एंड सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट पढ़ते हो, थम सब। को पढ़ पडते पड आउटपुट क्या है इसका? <laughs> फिर तुमको समझ में आता गार्बेज इन गार्बेज आउट यस और नो चैप्टर नंबर थ्री ऑफ या कौन बोल सकता कितना छोटा चैप्टर है सही है कि नहीं यस yes, अकाउंट्स में जाकर के समझ में आता है ये वही अकाउंट्स है जिसमें हमने इलेवेंथ में नाइनटी लाया था <laughs> आज मैच ही नहीं होता कुछ बरबा <laughs> कॉस्टिंग को देख करके कॉस्टिंग को देख करके हाँ एक बड़ा क्वेश्चन आ गया यू आर लाइक पहला सवाल ये कौन से टॉपिक से है ये मटेरियल है लेबर है मार्जिनल है स्टैंडर्ड है अंत में ये है ओर रेडी बराबर है कि नहीं है यस बट बात सुन मेरे भाई अगर ये इतना ही आसान होता तो सब हो जाते अगर ये इतना ही आसान होता तो सब हो जाते ना फिर तेरी जरूरत क्यों थी ये yes सुनो no? तेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि ना सब्जेक्ट इजी है ना तेरे को इजी चीजें पसंद है यस yes, क्योंकि जो इजी था वो तूने दो घंटे पहले पढ़ के ही एग्जाम दे दी कुछ ने तो पेपर से जाने से पहले दोस्त को पूछा काय का पेपर है आज अबे वो तो ये बोल रहा था रात में बुक उठाई रे पेपर कितना सप्लीमेंट लगा के कैसा सप्लीमेंट वहां भर भर के लिख के है कॉस्टिंग क्या है यस एक बात याद रख बेटा आसान होता तो सब कर लेते बहुतों के पास डिग्री होती है डिग्री का वैल्यू ही तभी है जब तुम सारी चीजें याद रखो आप देखो सुबह से सी अंडरस्टैंड वर्थ कैसे बनता है आप सुबह से जब से मेरे को देख रहे हैं देर इज नो बुक देर इज नो बुक मैं दना दन दना दन एक के बाद एक पढ़ाया जा रहा वैल्यू ही तुम्हारी इसलिए बन रही है क्योंकि यू हैव दैट कैपेसिटी टू रिटेन एवरीथिंग ये जो आज तुम्हारे से मेहनत करवाई जा रही है ये मेहनत इस दिन की नहीं है ये मेहनत उस दिन की है जब कोई पार्टी में तुमको अचानक से मिलेगा और पार्टी में मिलकर के एक प्रोविजन पूछेगा और प्रोविजन पूछ करके इफ यू आर एबल टू आंसर दैट विद इन द सेकेंड्स देन वो आपके नॉलेज से इंप्रेस होगा बराबर है आप देखो ना अपन अब अप कोई बुक नहीं है जब से अपन धनादन एक के बाद एक के बाद एक पढ़ाए जा रहे हैं वॉट इज दैट दैट इज द कैपेसिटी टू रिटेन जिसके लिए तुम्हारी इतनी वैल्यू है समझ में आ रही बात करोड़ों के ट्रांजेक्शन इफ यू कैन रिमेंबर इट इजीली देन एंड ओनली देन तुम्हारी वैल्यू है नहीं तो क्या वैल्यू है यार तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू ही इसलिए है क्योंकि तुम सब चीज एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस याद रख सकते हो यस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्कर इफ यू डोंट नो बेस्ट मूवी को खिताब मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस यस तो ये ठीक है हो सकता है अभी तुम्हारे को ऐसा क्या जीवन यार जब से पढ़े ही जा रहे कोई तकलीफ़ नहीं है येस yes, जब तेरी हिस्ट्री बनेगी तब इस बात का मेंशन होगा कि तूने 16 घंटे भी पढ़ा है 18 घंटे भी पढ़ा और एग्ज़ाम के 40 दिन पहले तूने 20 20 घंटे के भी लेक्चर अचीव किए कई बार मैं साइंस मेरे कुछ रिलेटिव साइंस में है वो मेरे से पूछते कितने घंटे के लेक्चर रहते मैं कहता हूँ चौदह घंटे बोले चौदह घंटे पढ़ा सकता क्या कोई मैंने बोला आओ तो सरी <laughs> आओ कभी हवेली पे <laughs> तुमको समझा वो पूछते चौदह घंटे बच्चे बैठते क्या मैंने बोला बेटा जब एग्जाम को चालीस दिन बचे हो ना बच्चों को अगर मैं कह दूं अठारह घंटे बैठना है वो बोलेगा मैं बैठेगा तू पढ़ा मैं बैठेगा यही वो बच्चा था जिसको रेगुलर बैच में मैं बोल देता था ना बेटा तीन घंटा बीस मिनट लेक्चर एक्स्ट्रा है हाउ डेर यू सर हाउ यू कैन टेक ट्वेंटी मिनट एक्स्ट्रा सर आप हमेशा एक्स्ट्रा लेते हो सर दो मिनट आज जब से लेक्चर ले रहा जब से लेक्चर ले रहा आज जब से लेक्चर ले, ले रहा एक जन नहीं हा नॉर्मल कंटेंट यूट्यूब पर डालूंगा कोई नहीं कंटिन्यूस 400 बच्चा कनेक्टेड क्यों हाँ, आज लगी पड़ी है तो समझ में आ रहा ये खुद से करने बैठते तो होता नहीं कोई करा रहा है चुपचाप कर लेने का मुंह बंद करके ऐसा ना चल बेटा अच्छे दिन आएंगे और देख बेटा अच्छी नींद तो तब आएगी जब माँ आके उठाएगी सी ए साहब उठो दिन हो गया आजा बेटा जनरल डिडक्शन चल, चल 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 क्विक जनरल डिडक्शन ए से सी कैसे सी a -A कैसा होना चाहिए ए नी असे सी कैसा बेटा ए नी असे इट शुड नॉट बी बोलना बेटा पर्सनल एक्सपेंसेस ये पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंसेस ये कैपिटल एक्सपेंसेस भी नहीं होना चाहिए नॉट कवर्ड बोलो ना अंडर सेक्शन 32 36 30 थर्टी से 36 में कवर नहीं होना चाहिए इट शुड बी रियल एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस यस एंड बोलो बेटा नॉट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ यस नॉट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ अगर ऐसा होता है तो आपको डिडक्शन कितना मिलता है बेटा हंड्रेड परसेंट कुछ बातें याद दिला दू सी एस आर एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार का डोनेशन अलाउड नहीं है डोनेशन टू पोलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं है बट इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन ए टी जी जी बी जी जी सी ये अलाउड है अंडर सेक्शन ए टी जी डन बेटा चलो सो इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अंडर थर्टी टू थर्टी सिक्स इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर नॉट फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ भाई साहब यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री ऐड हुआ है अमेंडमेंट 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 कन्फर्म क्वेश्चन आएगा पहला अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हुआ है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जहां पे आप फीस भर के अपने ऑफेंस को रिड्यूस कर देते हैं अलाउड या डिसअलाउड डिसअलाउड चाहे ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इन इंडिया हुआ या आउटसाइड इंडिया हुआ दूसरा अगर ये एक्सपेंसेस क्या है बेटा ब्रीच ऑफ लॉ इन इंडिया बोल बेटा और आउटसाइड इंडिया ये भी क्या हो जाएगा बोल बेटा डिसअलाउड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस डिस एक्सपेंसेस ऑन ब्रीच ऑफ लॉ ब्रीच ऑफ लॉ इन इंडिया हुआ या ब्रीच ऑफ लॉ आउटसाइड इंडिया हुआ यस yes. पहले यहां पे ये वर्ड आउटसाइड इंडिया हुआ नहीं करता था ये इस साल के अमेंडमेंट है यह इस साल के अमेंडमेंट है एंड तीसरा इफ द पर्सन रिसीविंग दर्क और बेनिफिट कुछ याद आया गया कैन नॉट एक्सेप्ट इट बाय रीजन ऑफ रूल या कोड ऑफ कंडक्ट तो ये भी क्या हो जाएगा डिसलाउड ये भी क्या हो जाएगा डिसअलाउड काइंडली राइट इट काइंडली राइट चलो क्विक सो so, अगर ये तीन खर्चे हुए ये क्या हुआ बेटा हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ चलो नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन थर्टी एट अगर कोई एक्सपेंडिचर बोलो बेटा पार्टली बिजनेस परपस के लिए किया गया है पार्टली बोलो बेटा पर्सनल पर्पस के लिए किया गया है तो जो बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है अलाउ जो पर्सनल पर्पस के लिए किया गया है डिस अलाउ सेक्शन थर्टी एट इसके बाद में एक और सेक्शन आता है सेक्शन थर्टी सिक्स अगर आपको याद हो सेक्शन थर्टी सिक्स एक बहुत बड़ी लिस्ट देता है सेक्शन थर्टी सिक्स क्या करता है एक बहुत बड़ी लिस्ट देता है अदर एक्सपेंसेस की यस yes? इस लिस्ट में से जो काम की चीजें वो आपके साथ सीधा सीधा डिस्कस कर रहा हूँ इस लिस्ट में से जो काम की चीज है वो आपके साथ क्या कर रहा हूँ डिस्कस सर सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान से सुनना थर्टी सिक्स में जो पूछा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम on stock, on livestock, on ऑन ये सारा क्या है गया बेटा अलाउड सेक्शन 36 बहुत बड़ी लिस्ट देता है आपके काम का इसमें से क्या है जो एग्जाम में पूछेगा पहला आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं चाहे स्टॉक पे पे कर रहे हो चाहे लाइव स्टॉक पे पे कर रहे हो चाहे स्टॉक पे पे कर रहे हो चाहे लाइफ स्टॉक पे पे कर रहे हो या एम्प्लॉय पे पे कर रहे हो इट विल बी अलाउड एज बोलो बेटा डिडक्शन सेकेंड सेकेंड बेटे बैड डेप्स अगर आपको याद हो बैड डेप्स अलाउ या डिसअलाउ डिसव यस बेड डेप्स अलाउ या डिसअलाउ अलाउ बेड डेप्स अलाउ या डिसअलाउ अलाव बट प्रोविजन फॉर बेड डेप्स बोल बेटा प्रोविजन फॉर बेड डेप्स डिस अलाउ बेडेप्स रिकवर्ड बेडडेप रिकवर्ड क्या माना जाता है बेटा इनकम अंडर सेक्शन फोर्टी वन फोर बेड डेप्स जब भी रिकवरी होगी इनकम मानी जाएगी कैन सक्सेसोर क्लेम बेडे कैन सक्सेसर क्लेम बेड्स यस बिल्कुल बेडडेप क्लेम कर सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोविजन फॉर बेड डेप्स क्या बैंक क्लेम कर सकते हैं यस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोविजन फॉर बेडडेप क्लेम कर सकते हैं अदर एस एस बेडेप्स क्लेम कर सकता नहीं थर्ड

सर बायोलॉजिकली कुछ सही नहीं लग रहा आई नो रेगुलर में मैंने आपको इसके रीजन भी बताया फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फ्री है इसमें रीजन बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो कंपनी क्लेम कर सकती है कौन से बेसिस पे बेटा वन फिफ्थ बेसिस वन फिफ्थ बेसिस पे इसे क्या किया गया है अलाउड यानी आपको नहीं लगता अब तक के चार चीजें ऐसी पड़ी जिसको वन फिफ्थ बेसिस पे अलाउ किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंसिस ऑन अमलगमेशन आरएस फैमिली प्लानिंग चारो वन फिफ्थ बेसिस पे अलाउड है अदर एससी को इसका बेनिफिट मिलता नहीं एस टी टी या सी टी टी आपने जो पे किया अलाउड लास्ट इसका लास्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ एस ए एफ एस पी एफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एस ए एफ एस पी एफ एस एफ कुछ याद नहीं आ रहा सुपर एनिवेशन फंड सिक्स इंपॉर्टेंट एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड ओनली इफ पेड विद इन द ड्यूडेट ऑफ रिलेवेंट एक्ट पेड विद इन द ड्यूडेट ऑफ रिलेवेंट एक्ट रिलेवेंट एक्ट की ड्यूडेट से पहले पे कर दिया तो अलाउड याद होगा तो फोर्टी थ्री बी इस पर एप्लीकेबल नहीं है फोर्टी थ्री बी से याद आया ब्रो सेक्शन 43 थ्री बी एक्चुअल पेमेंट अगर ऐसे पेमेंट आपने पे कर दिए बोलो बेटा बिफोर फाइलिंग आर ओ आई तो ये क्या हो जाएंगे अलाउड यही आपने पे किया आफ्टर आर ओ आई तो क्या मैं कह सकता हूं इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट नेक्स्ट ईयर में अलाउ रहेंगे ये सारे पेमेंट अगर अपने रिटर्न भरने की ड्यूडेट से पहले पे कर दिए दिया रिटर्न भरने की ड्यूडेट से पहले पे कर दिए रिटर्न भरने की ड्यूडेट याद नहीं आ रही मेरे को थर्टी फर्स्ट जुलाई या अक्टूबर में टैक्स टीपी रिपोर्ट के अंदर आता हूं सटरडे अगर हाँ जी भाई जी भाई जी भाई साहब कौन कौन से खर्चे थे हम्म बस सर यही याद नहीं बाकी सब याद था पहला बोनस ऑब्लिक कमीशन हम्म इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तीसरा टैक्सेस चौथा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ एस ए एफ एस पी एफ पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट्स चल बेटा पीजीपी भी खत्म करने के बहुत पास में हम लोग अगर आपको याद हो तो मोटे मोटे सारे सेक्शन हो गए हम्म इसमें आया है अमेंडमेंट अगर आप इंटरेस्ट पेबल को अगर आप इंटरेस्ट पेबल को कन्वर्ट कर देते हैं लोन में या इस साल का अमेंडमेंट डिवेंचर में इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बोल बेटा actually paid. So conversion of interest payable into loan or conversion of interest payable into debenture will not be allowed as deduction. ये actually paid नहीं माना जाता actually paid ही नहीं है तो इसका कोई deduction मिलता नहीं अब कैसे करेंगे PGBP में तेरे को interest payable दिखाया जाएगा नीचे बताएंगे interest payable has been converted into debenture. लेना बैक कर देना सोटरडे ब्रो नहीं अब बात निकली ही है तो चले दो याद होगा तो सेक्शन फोर्टी ए याद करो सेक्शन फोर्टी ए आई आई ए आई ज्यादा रहा क्या अरे ब्रो पेमेंट विदाउट आउट टी डी एस अरे हाँ ये भी सेक्शन था है ना अरे भूल क्यों रहा अरे अभी फोर्टी एट फोर्टी एट थ्री फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन बाकी है वो इसके आगे है पहले इधर आ अरे आखिरी के पंद्रह मिनट पीजीबीपी पे ओवर आखिरी के पंद्रह मिनट दम लगा पीजीबीपी पे ओवर है ब्रो सुन अगर तूने किसको पेमेंट किया अगर तूने किसको पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट को या रेसिडेंट को अगर यहां नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जिसपे पे टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं या टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट याद आ रहा है एनआर के केस में हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड रेसिडेंट के केस में थर्टी परसेंट डिसअलाउड याद है यह उस साल अलाउ होगा जिस साल पे किया एनआर के केस में अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं की हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं की हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ सो नो हम्म फोर्टी ए अदर आइटम्स ये अदर आइटम्स भी क्या है डिसलाउ अदर आइटम्स कुछ और डिसअलाउ है पहला इनकम टैक्स यहां हुआ है अमेंडमेंट इनकम टैक्स यहां हुआ है अमेंडमेंट सुनिए हुआ क्या कितने तेजस्वी लोग थे भारत के पूछो कैसे क्या करते थे जब भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं अगर आपको याद हो तो हम लोग इनकम टैक्स में सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करते हैं इतने तेजस्वी लोग थे भारत के क्या करते थे इनकम टैक्स लिखते थे सरचार्ज और एचीसी अलग लिखते थे और जब एओ ओ करने जाता था तो वो सिर्फ क्या डिसअलाउ कर पाता था इनकम टैक्स सरचार्ज और सेस उसको अलाउ करना पड़ता था लॉ वॉर साइलेंट कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आए ये लोग तो हमें इन्होंने कहा इनकम टैक्स में हम इंक्लूड करेंगे किसको सरचार्ज एंड एचईसी जिसका मतलब अब अगर पी एन एल में इनकम टैक्स सरचार्ज और एच डेबिटेड दिख रहा है दिस विल बी एडेड बैक टू दी प्रॉफिट सेकेंड बोलो बेटा वेल्थ टैक्स तीसरा बोलो बेटा रॉयल्टी बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट चौथा पेमेंट विदाउट बोलो बेटा टी तो ये हो गए अदर जब आपने किसको दिया है एनआर फोर्टी ए खत्म एग्जाम पॉइंट ऑफ यू टी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो इनकम टैक्स वाला पार्ट याद रखो खत्म डन लास्ट के चार सेक्शन पीजीबीपी के पहले फोर्टी ए सेवन एंड फोर्टी ए नाइन पढ़ लेते हैं यस yes. फोर्टी ए सेवन क्या कह रहा है अन अप्रूवड ग्रेचुटी फोर्टी ए नाइन क्या बोल रहा है यू आर पी एफ प्रोविडेंट फंड अन अप्रूव ग्रेचुटी यू आर पी एफ हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड सेक्शन खत्म फोर्टी ए सेवन फोर्टी ए नाइन ग्रेचुटी अन रिकोगग्नाइज प्रोविडेंट फंड हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड सो अगर अन अप्रूव ग्रेचुटी इसका ना पेमेंट अलाउड ना इसका प्रोविजन अलाउड ना इसका पेमेंट अलाउड ना इसका प्रोविजन अलाउड हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड अब आते हैं फोर्टी एट टू अगर किसी भी तरह का, का पेमेंट किया है ये पेमेंट किसको किया गया है बेटा रिलेटिव को तो क्या डिसअलाउड है एक्सेज डिस क्या तुझे याद है कैसे किया जाएगा पी एन एल के अंदर में एक एक्सपेंसेज लिख देते लेट से फिफ्टी थाउजेंड नीचे नोट दे देते दिस पेमेंट इज मेड टू रिलेटिव विच इज एक्सेसिस बाई फाइव थाउजेंड पाँच हजार लेना एडबैक कर देना कल का कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन फोर्टी ए थ्री के इस बारे में बात करा बेटा कैश पेमेंट एक मंत्र याद कराया था मैंने आपको एक मंत्र याद कराया था बोलो एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अद्भुत है आपकी महिमा फॉर अ सिंगल बिल एक्सीडिंग और इन केस ऑफ एक्सेस या होल होल डिस अलाउड हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो लिखे है रूल सिक्स दीदी में एनी पेमेंट में टू अ परसेंट इन अ डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग टेन थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड इन केस ऑफ जी टी ए होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसउड फोर्टी थ्री डबल ए सेक्शन फोर्टी थ्री डबल ए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक दो सेक्शन बचा दिल किया छोड़ दूँ मन किया मत छोड़ तो आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अगर लॉस हुआ अलाउड एज डिडक्शन प्रॉफिट हो गया पीजीबीपी पी। मन किया पढ़ा दू दिल किया छोड़ दू तो मैंने सोचा पढ़ा ही दूसो मन दिल से ऊपर होना चाहिए दिल तो किसी और के पास चला जाता है तो वो धोखेबाज हो सकता है मन हमेशा आपके पास है था। आपने कभी सोचा मैंने तुझे मेरा मन दे दिया नहीं <laughs> आपने हमेशा क्या सोचा मैंने तुझे मेरा दिल दिया तो मन अपने पास है तो मन की सुनो बराबर है कि नहीं ना एक और सेक्शन था मालूम बहुत दिल किया नहीं पढ़ाता पर फिर ऐसा लगा कि पढ़ाई देता हूं 43 थ्री सीबी कंफर्म सेकेंड लास्ट सेक्शन पक्का <laughs> लगभग सेकेंड लास्ट सेक्शन यस पर वो इतनी दूर आई गए तो पीजीपी पे निपटाई दो ना महाराज यस 43 थ्री सीबी क्या तुम्हें पता है ये सेक्शन कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रेवेन्यू परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे निकालना ये आपको कॉस्टिंग में भी पढ़ाया गया होगा अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग ये और नो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बताया होगा द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टू बी डन ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड एट हैज टू बी रिकोग्नाइज ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड हालांकि अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेस देन 90 डेज रिकोगनाइज ऑन कंप्लीशन मोर देन नाइन्टी डेज दैट इज नाइंटी डेज और मोर एस एल एम बेसिस स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकोग्नाइज कर दो इसका रेवेन्यू सेक्शन अलाउ डिस अलाउ की बात नहीं कर रहा रेवेन्यू कब रिकोगनाइज करना इस बारे में बात कर रहा पक्का सेकेंड लास्ट फोर्टी थ्री सी ए फिफ्टी सी का भाई है यह फिफ्टी सी का भाई है यह तभी एप्लीकेबल है जब आप क्या कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड क्या कहता है सेक्शन सेक्शन कहता है इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट 50 सी 50 सी फिर सर फिर ये सेक्शन अलग से क्यों बनाया स्टॉक कैपिटल असेट नहीं है ना हम 50 सी लगा नहीं सकते थे इसलिए एक सेक्शन और बनाना पड़ा यह yes सुनो no? बहुत सेक्शन नंबर खाली है इनके पास जब भी इनको सेक्शन नंबर कम पड़ते ए बी सी डी चालू कर देते है ए बी सी डी खत्म हो तो उसके आगे रोमन नंबर में चालू पड़ हैं यस कहने को 298 सेक्शन है टू एट है नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात को अब मैं आपको ब्रेक दे सकता हूं प्रोवाइडेड डेड तुम मेरे को सेक्शन नंबर पूरे याद कराओ और अगर तुम कहीं पे भी फिसल गए तो पेनल्टी के तौर पे एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर छुट्टी दूंगा वो भी ब्रेक सेक्शन ट्वेंटी एट सब लोग पार्टिसिपेट करो गलत होगा चलेगा कोई बात नहीं सीखेंगे ट्वेंटी नाइन थर्टी बिल्डिंग थर्टी वन थर्टी टू डेप्रिसिएशन थर्टी टू वन वन थर्टी टू वन टू ए फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री सिक्स डब्ल्यू डी वी फिफ्टी सेल ऑफ डेप्रीसीबल असेट फिर हम बात कर रहे थे थर्टी फाइव थर्टी फाइव सी सी ए रूरल डेवलपमेंट थर्टी फाइव सी 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 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सी सी डी स्किल डेवलपमेंट थर्टी फाइव ए डी स्पेसिफाइड बिजनेस थर्टी फाइव डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर थर्टी फाइव डी डी थर्टी फाइव डी डी एर्टी सिक्स आदर डिडक्शन 37, 1, general deduction, 38, partly business, partly personal, 40A, TDS and payment not allowed, 40A2, relative, 40A3, rule 6DD, 40a7 unapproved gratuity not allowed 40a9 urpf not allowed 43b actual payment 43a 43cb कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फोर्टी फोर डबल ए फोर्टी फोर ए बी ए डी एडीए ए आता पकड़ देगा तू ला देखो मैं क्या कह रहा हूं एक और तो कर ही सकते हैं देखो एक सेक्शन वैसे मेरे को इच्छा नहीं थी ये कराने की यस yes, वैसे मेरी इच्छा नहीं थी इस सेक्शन को कराने की पर तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं करा ही देता हूँ थर्टी टू टू पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस थर्टी टू टू अन एब्जॉर्ब चलो आओ अनऐब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अब तुम इतना फोर्स ही रहे हो तो मैं ये भी सेक्शन पढ़ा ही देता हूँ ठीक है तो तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए अनएप डिप्रीसिएशन सेट ऑफ विथ बोलो बेटा एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड इवन इफ आर ओ आई नॉट फाइल्ड ऑन टाइम ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बोलो पहला करंटियर डेप्रिसिएशन दूसरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तीसरा अनएब्सॉर्ब ड्रिसिएशन ओ ये बहुत शानदार अब मैं कह सकता हूं पी जीबीपी इज ओवर देखो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है लग रहा है लग रहा है अच्छा ईमानदारी से बोलो यू नीड चैप्टर उड़ाओ so, मस्ती नहीं क्या लग रहा है एक छोटा चैप्टर छोटा चैप्टर का पहले नाम बता देता हूं फिर डिसाइड कर लो करना है या नहीं ठीक है सेट ऑफ तुमको भी मालूम है हार्डली इट विल टेक पंद्रह मिनट कंप्लीट करने के लिए यस yes? अब तुमको मैं ऑप्शन देता ए एम टी या सेट ऑफ अब तुमको मैं ऑप्शन देता सुनो 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 ऑप्शन अल्टरनेटिव टैक्स एम टी या सेट ऑफ सेट ऑफ बड़े चालाक हो रहे हो है। चलो तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो सेट ऑफ खत्म कर दे, वो भी तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए ठीक है ऐसा मत बोल देना सेट ऑफ के बाद एक और टॉपिक ले लो फिर खत्म करेंगे नहीं यस हाँ ठीक है चल बेटा ऑफ शट ऑफ के दो पार्ट ठीक है आज के दिन का आई गेस फिफ्थ टॉपिक पहला कौन सा था आर ओ आई एडवांस टी डी एस क्लबिंग पीजीबीपी पांच हो गए टवा टॉपिक शट ऑफ सर शट ऑफ में दो चीजें एक है घर वाली दूसरी है बाहर वाली इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ये नालायक इधर एक काम वाली बोल रहा इंटर हेड एडजस्टमेंट अरे एक्सपीरियंस नहीं बोलते रे देखो टाइम से बंधा हूं नहीं तो हर एक कमेंट का रिप्लाई देता आज तुम मेरा पेशेंस लेवल चेक करो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा चुपचाप ईमानदारी से आज का फोकस है है तेरे टॉपिक कंप्लीट करवाना ठीक बेटा शट ऑफ 70 71 सुन 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 मस्ती मत कर ईमानदारी से पंद्रह मिनट में पूरा टॉपिक खत्म होता प्लीज फोकस कर ठीक है फिफ्टीन मिनट्स टॉपिक विल बी ओवर सुन सबसे पहले घर वाली दैट इज विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट कैसा बेटा सेम हेड अगर आप रेगुलर में रहे हैं फास्ट ट्रैक में रहे हैं आपने ऑलरेडी दो पेज में पूरा सेट ऑफ कंप्लीट किया है सिर्फ वो दो पेज देख लो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट यस सबसे पहले सैलरी सैलरी में देर इज नो लॉस तो सैलरी में लॉस आता ही नहीं तो सेम हेड में सेट ऑफ करने का ऑप्शन ही खत्म है दूसरा है बेटा एचपी एचपी लॉस एचपी लॉस क्या सेट ऑफ हो सकता है एचपी इनकम के साथ यस सो एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम पीजीबीपी के तीन पार्ट नॉर्मल बिजनेस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस एवरीबॉडी इन दोनों के लिए ओनली अगेंस्ट देयर इनकम नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस यस नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस सोच समझ के बता स्पेक्यूलेटिव इनकम है नॉर्मल बिजनेस लॉस है सेट ऑफ हो सकता क्या यस yes. स्पेक्यूलेटिव इनकम है नॉर्मल बिजनेस लॉस है सेट ऑफ हो सकता क्या येस yes. उल्टा करो स्पेक्यूलेटिव लॉस है नॉर्मल बिजनेस इनकम है सेट ऑफ हो सकता नहीं फोर्थ कैपिटल गेन्स, ठीक है कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ अलाउड फिफ्थ आई एफ ओ एस ठीक है अंडरस्टैंड आई एफ ओ एस कैजुअल इनकम नो सेट ऑफ कैजुअल इनकम नो सेट ऑफ एग्जम्प्ट इनकम नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस ओनली अगेंस्ट इट्स इनकम एवरीबॉडी ओनली अगेंस्ट इट इनकम से चलो बेटा एक बार पूरा कंसेप्ट देख लो सैलरी में लॉस आता नहीं एचपी लॉस एचपी से सेट ऑफ हो सकता है पीजीबीपी में तीन चीजें नॉर्मल स्पेक्यूलेटिव स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड सिर्फ उन्हीं की इनकम से नॉर्मल बिजनेस लॉस अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम लॉन्ग टर्म ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन आई एफ ओ एस के तीन कंसेप्ट कैजल एग्जाम में से कोई लॉस सेट ऑफ होता नहीं ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस यस सेवेंटी वन सबसे पहले दूसरे हेड का इनकम अगर मैं बात करूँ सैलरी लॉस फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट पी जी बी पी सैलरी से आप कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट पी जी बी पी एच पी विथ अदर हेड मैक्सिमम अप टू टू लैक्स अदर हेड के साथ मैक्सिमम अप टू टू लैक्स तक के ही सेट ऑफ हो पाएगा तीसरा पी जी बी पी लॉस फ्रॉम एनी हेड क्या इसमें से सेट ऑफ हो सकता है यस yes. एक्सेप्ट बोल बेटा सैलरी पीजीबीपी का लॉस सैलरी में जाता नहीं कैपिटल गेन कैपिटल गेन बड़ा अकड़ू सा है ये कहता है जिसको आना है मेरे यहाँ मैं किसी के यहां नहीं जा रहा याद है तुमको कम एट माई प्लेस आई वॉन्ट कम एट योर प्लेस क्या बोला कम एट माई प्लेस आई वम एट योर प्लेस तो सिंपल है अदर हेड का लॉस अदर हेड का लॉस विथ कैपिटल गेन यस कैपिटल गेन लॉस विथ अदर हैड नो आई एफ ओ एस अदर हेड के लॉस अदर हेड के लॉस येस अलाउड मेंटेनिंग, ओनली अगेंस्ट मेंटेनिंग, कैजुअल एग्जाम से होता नहीं बाकी कोई आईफ ओएस इनकम मिल रही सेट ऑफ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस और नो, खत्म, सेट ऑफ ओवर लेट्स कम टू कैरी फॉरवर्ड लेट्स कम टू कैरी फॉरवर्ड खत्म टॉपिक इज खत्म कैरी फॉरवर्ड में पहला रहता एचपी पीजीबीपी देख सैलरी में लॉस आता ही नहीं तो कैरी फॉरवर्ड उठने का सवाल ही खत्म हो गया तो चार ही हेड बचे एच पी कैपिटल गेन आई में भी सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस एवरीबॉडी बॉडी एच का लॉस आठ असेसमेंट ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड हो सकता है पीजीबीपी के अंदर में तीन चीजें पहला था नॉर्मल दूसरा था स्पेकुलेटिव तीसरा था स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव फोर असेसमेंट ईयर स्पेसिफाइड अनलिमिटेड नॉर्मल एट असेसमेंट ईयर कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एट असेसमेंट ईयर ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस फोर असेसमेंट ईयर याद रखिए इन सब के लिए लॉस रिटर्न मैंडेटरी याद है set off with same head only एक बार आगे बढ़ गए ओनली घर वाली नो बहार वाली सेट ऑफ विथ सेम हेड ओनली यहां पे हां सेट ऑफ विथ सेम हेड ओनली टॉपिक ओवर टॉपिक ओवर आता कैसा वाटते लॉजिकली स्पीकिंग एक घंटा लेकर के बैठना पड़ता सेल्फ स्टडी करते वक्त पंद्रह मिनट में टॉपिक ओवर है रिवाइज करो पंद्रह मिनट में टॉपिक ओवर है इससे आगे कुछ है ही नहीं टॉपिक में यस नहीं मेरी बात सुनो सुन तो लो ऑप्शन क्या दे रहा हूँ ये तो सुनो ये थोड़ी बोल रहा हूँ सुनना है मैंडेटरीली कंप्लाई करना है ऑप्शन दे रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे को सात मिनट दो एग्रीकल्चर खत्म करता देखो मेजोरिटी के बेसिस पे तुमने हां बोला मेरे को ऐसा सुनाई आया देखो तुमने हां बोला क्या बात है तुमने हां बोला मुझे बहुत मजा आया ये बात मुझे बहुत पसंद आई <laughs> बेटे ये बात मुझे बहुत पसंद आई तू <laughs> चल दस मिनट में तेरा एग्रीकल्चर खत्म करूंगा बेटा जो थारा भाई हरा भाई ऐसा एग्रीकल्चर पढ़ाएगा ऐसा बेटे ऐसा एग्रीकल्चर पढ़ाएगा ऐसा एग्रीकल्चर पढ़ाएगा कभी किसी ने सोची ना होगी सुन बेटा चलो सुन आ जा बेटा दस मिनट बेटा दस मिनट एग्रीकल्चर इनकम अरे कॉन्सेप्ट ले दे के तीन कॉन्सेप्ट है यार चल ठीक है मैं नहीं बोल रहा तू ही बोल बस तेरे को चाहता तू चाहता है मैं नहीं बोलू चल तू ही बोल <laughs> अगर तुझे याद हो टी कॉफी रबर याद आ रहा है टी कॉफी रबर एग्रीकल्चर इनकम नॉट एग्रीकल्चर इनकम अगर एस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो अगर ऐसे सीखाए में हो बेटा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो बोलो जल्दी से सबसे पहले रबर रबर <laughs> को लेटेक्स भी कहा जाता है <laughs> ये मैं नहीं कह रहा हूं गूगल कह रहा है रबर को लेटेक्स भी कहते हैं खैर बताइए रबर हम ग्रो भी करते हैं मैन्युफैक्चर भी करते हैं डोंट यू थिंक 65 परसेंट थर्टी परसेंट कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड सॉरी कॉफी ग्रोन एंड कर्ड सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कॉफी ग्रोन कर सिक्सटी चाय, एम फोर्टी ले थर्टी थ्री परसेंट टॉपिक ओवर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट टॉपिक ओवर जिसके ऊपर क्वेश्चन आता सीधा उस कंसेप्ट जा टी कॉफी रबर क्या ये परसेंटेज याद रखने हैं यस yes. अगर असेसी एंगेज्ड एंगेज है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट सपोज अब अगर तुम टी कॉफी रबर में नहीं हो आप अदर प्रोडक्ट में हो तो याद करके देखो जो आपने ग्रोन एंड सोल्ड कर दिया ये तो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम बन गई अगर आपने सोल्ड किया आफ्टर प्रोसेसिंग तो आपके लिए दो इनकम अराइज होगी एग्रीकल्चर एज वेल एज पीजीबीपी। याद आ रहा है सुन अगर तूने प्रोडक्ट उगाया टी कॉफी रबर को छोड़ के कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जहां तू ग्रोइंग में भी है मैन्युफैक्चरिंग में भी है अगर ग्रो करके डायरेक्टली सोल्ड कर दिया तो सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तेरे लिए क्या माना जाता है बेटा एग्रीकल्चर इनकम क्लियर है अगर तू सेल करता है आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करने के बाद बेचता है तो सेल वैल्यू क्या कंसिडर की जाती है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या बनेगा बेटा तेरा एग्रीकल्चर इनकम पीजीबीपी कैसे निकलेगा सेल वैल्यू माइनस हाँ कॉस्ट की जगह क्या कंसिडर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स बहुत बढ़िया ले बेटा हो गया रिविजन पीजीबीपी सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट टॉपिक खत्म और है क्या टॉपिक के अंदर ये तो बता हाँ। आप पकड़े अब आप सही पकड़े हैं तीसरा और लास्ट कंसेप्ट बोल बेटा मेथड ऑफ एग्रीगेशन मेथड ऑफ एग्रीगेशन नहीं मेरी बात सुन ठीक <coughs> है मेथड ऑफ एग्रीगेशन तेरा ये कंसेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एच यू एफ ए पी बी ओ आई ए जे पी अगर तेरा एग्रीकल्चर इनकम कितने से एक्सीड करता है फाइव थाउजेंड तेरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितने से एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पन लिमिट अगर तेरा एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करता है पाँच हज़ार से और तेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कैसा बेटा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जामशन लिमिट से यस yes, तो तुझे जो टैक्स निकालना है तेरा टैक्स निकालना है स्टेप नंबर वन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑन स्टेप वन स्टेप थ्री एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामशन लिमिट स्टेप फाइव डिफरेंस टू माइनस फोर स्टेप सिक्स सिचईसी सर्चार्ज रिबेट इफ एनी स्टेप सेवेन फाइनल टैक्स खत्म और नो। मेरी बात सुनो <laughs> सुनो तो सरी में क्या कह रहा हूं अरे सुनो तो सरी में क्या कह रहा हूं बेटे वापस नीचे ये yes, बेटे वापस नीचे सुनो तो सरी में क्या कह रहा हूं अरे मैं तुमको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा सुनो तो सुनो तो अब तक हमने सुनो दो मिनट ब्रेक ही दे रहा हूं सुनो टीडीएस पीजीबीपी क्लबिंग एडवांस टैक्स सेट ऑफ एग्रीकल्चर छ खत्म कर दिए रिटर्न सात टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिए ब्रेक में जाइए ये जो ब्रेक है ये लगभग पंद्रह से बीस मिनट का ब्रेक है कुछ खा के आ जाइएगा क्योंकि साढ़े नौ से पहले मैं छोड़ने नहीं वाला अब ठीक है पंद्रह से बीस मिनट का ब्रेक है आराम से कुछ ना कुछ खा के आ जाइए आते ही हम सबसे पहले भिड़ेंगे कैपिटल गेन, हम सबसे पहले भिड़ जाएंगे कैपिटल गेन या डिडक्शन दो ऑप्शन हैं जो आप बोलो मेरे हिसाब से कैपिटल गेन ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है।, है अच्छा जी अभी समय हो रहा है 621 ट्वेंटी exactly एग्जैक्टली मैं आपको मिलूंगा 645 बच्चे कह रहे हैं सर म्यूट या वॉइस अरे बोलना ही चालू नहीं किया तो <laughs> बोलना ही चालू नहीं किया अभी तक के बोला नहीं बेटा अभी तक मैंने चालू करे क्या मालिक आगा। बोलो हाँ चालू करेंगे मालिक यस सर। वेलकम आफ्टर द ब्रेक ब्रेक से पहले सात टॉपिक है जो हम खत्म कर चुके ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद अब पहला टॉपिक जो हम चालू करने वाले दट इज कैपिटल गेन्स। यस कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स के अंदर में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई साहब कैपिटल गेन के अंदर में यह सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुन लीजिए कैपिटल गेन के अंदर में ये सारे सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट फोर्टी एट 48, 50c, 51, 452, 455, 50b, टू फोर्टी फाइव बी फिफ्टी फोर एंड 54ec फोर एंड फोर्टी के सम पार्ट्स 47 के सम पार्ट्स क्लियर है आते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 45 कौन सा बेटा सेक्शन 45 किसी के पास कैंडी टाइप की कोई चॉकलेट है क्या कोई कैंडी टाइप की कोई चॉकलेट है क्या नहीं नहीं कोई कैंडी हाँ बस वो दे दे <laughs> हाँ थैंक यू सो मच तू फर्स्ट टाइम में पास बेटा अब हाँ अरे जो देता वो फर्स्ट टाइम में पास है <laughs> <laughs> जब भी देखो चाहिए <laughs> चलो हम्म तो भैया सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन फोर्टी फाइव

बट एक्सक्लूड पहला स्टॉक इन ट्रेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया पर्सनल इफेक्ट्स एंड सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स याद आ रहा है मालिक आपको ये yes. yes. अच्छा जी कैपिटल असेट क्या होने चाहिए बेटा ट्रांसफर अगेन तीसरा डेफिनेशन जिसको आपको एग्जाम के टाइम पे अवॉइड करके चलना है ट्रांसफर में मेजर चार वर्ड सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट एक्सटिंगमेंट ऑफ राइट बाद में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इन स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा एटसेट्रा पार्ट आते रहते हैं यस अंडरस्टैंड कैपिटल गेन चालू करते वक्त 45 214 247 बिल्कुल आप लीव करके आगे बढ़ सकते हो सीधे आओ हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन आपको अगर याद होगा आपको अगर याद होगा तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं बेटा सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही पे फॉर्मेट है या तो कैपिटल गेन या तो एचपी सो कम ऑन फोकस राइट तीसरा वर्ड था गेन तीसरा वर्ड क्या था बेटा गेन कभी खुशी कभी गम यस कैपिटल गेन दो प्रकार के हो सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्राइस पे डिपेंड करता है नहीं साइज पर डिपेंड करता है नहीं होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इस बात पे डिपेंड करेगा आपने कितने देर होल्ड किया यस yes, अट को आपने कितने देर होल्ड किया यस फाइनेंशियल होल्डेड फॉर ट्वेल्व मंथ्स और लेस शॉर्ट टर्म मोर देन ट्वेल्व मंथ्स लॉन्ग टर्म स्पेशल असेट में दो ही कैटेगरी आती है अनलिस्टेड शेयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डेड फॉर ट्वेंटी फोर मंथस और लेस शॉर्ट टर्म मोर देन ट्वेंटी फोर मंथस लॉन्ग टर्म और अगर अदर असेट्स है होल्डेड फॉर थर्टी सिक्स मंथस और लेस शॉर्ट टर्म मोर देन थर्टी सिक्स मंथस लॉन्ग टर्म क्लियर है मालिक एग्जाम में ये भी नहीं पूछता अब आते हैं चौथे पार्ट पे हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन यहां से आपके कैपिटल गेन का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है लॉजिकली स्पीकिंग पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसमें से क्या माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या मिलेगा नेट कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में चार एग्जामेशन मिलते हैं लेडी गागा की बहन बी डी ग गा 54 बी 54 डी 54 जी 54 जी ए और लॉन्ग टर्म में हमें 54 टू जी बी तक के एग्जामेशन मिलते हैं लॉन्ग टर्म में हमें 54 फोर टू फिफ्टी फोर जीबी तक के एग्जामिशन मिलते हैं अब एक एक वर्ड को खोजना चालू करो सबसे पहला वर्ड था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीन सेक्शन के अंदर में लिखा हुआ है सी सी सेक्शन के अंदर में लिखा है फोर्टी एट फिफ्टी सी फिफ्टी सी ए फोर्टी एट टॉक्स अबाउट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अदर एसेट्स फिफ्टी सी टॉक्स अबाउट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ लैंड बिल्डिंग या बोथ and 50 ca talks about full value of consideration of unlisted shares clear hai beta sabse pehle section 48 koi bhi asset becha consideration do tarike se aa sakta cash kind consideration kitne prakar se aa sakta do cash kind agar cash mein aaya you need to take actual aur kind mein mila section 50d kehta hai take fair market value fair market value ko full value of consideration maan lena so section 48 पे है उसने बोला पहला वर्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तीन सेक्शन में लिखा है 48 50 सी 50 सी ए 48 बोलता है कंसीडरेशन दो तरीके से मिल सकता है कैश काइंड कैश में मिला एक्चुअल काइंड में मिला फेयर मार्केट वैल्यू 50 सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन के दस में से नौ प्रॉब्लम में कांसेप्ट आता है यस कैपिटल गेन में से 10 में से प्रॉब्लम आता ही फिफ्टी सी इज एप्लीकेबल इनकेस ऑफ लैंड बिल्डिंग ऑर बोथ सेक्शन कहता है इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सो इफ स्टैप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110 परसेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यून एग्जाम्पल समझ लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना जनरली अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हो हालांकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है अगर दो कंडीशन सेटिसफाई हो जाए तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जनरली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेते हो पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की डेट का भी ले सकते हो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पहला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ इज पेड एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड सच पेमेंट इज मेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ई सी एस अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब का लेना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन का ले सकते हो या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट का भी ले सकते हो अग्रीमेंट का तब लोगे जब कितनी कंडीशन हो जाए दो पहला कंसिडरेशन या पार्ट वेयर ऑफ इज पेड एज ऑन द डेट ऑफ एंड इट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक या बैंकिंग मोड क्लियर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेकर के डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है याद है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेकर के डिस्प्यूट डिस्प्यूटराइज हो गया वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली विच इज हायर देन देख ड्यूटी अब क्या लोगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लोअर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हायर देन कंसिडरेशन वैल्यू बाय वो और अगर कंसिडरेशन से कम के भी कम रहे तो कंसिडरेशन क्लियर है मालिक तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब की लोगे बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जनरली कब की लोगे आप रजिस्ट्रेशन की ले सकते हो या अग्रीमेंट की भी ले सकते हो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को अगर डिस्प्यूट में आ जाए मैटर किसके पास चले जाता वो वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैंप ड्यूटी के ऊपर निकाला ड्यूटी ड्यूटी से ऊपर वैल्यू बाय वो और कंसिडरेशन से भी नीचे निकाला कंसिडरेशन क्लियर है मालिक नेक्स्ट सेक्शन था सेक्शन फिफ्टी सी ए नेक्स्ट सेक्शन था सेक्शन फिफ्टी सी ए अनलिस्टेड शेयर्स के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सेक्शन बोलता है, अगर आपका से है सीधा -सीधा क्या ले लेने का फेयर मार्केट वैल्यू क्लियर पहला वर्ड था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा था तीन फोर्टी एट फिफ्टी सी फिफ्टी सी ए है। दूसरा वर्ड था बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या बोला बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तुमको दो तरीके से दिया जा सकता है या तो कैश या तो परसेंटेज। कैश दिया तो आप क्या लोगे? एक्चुअल और अगर आपको परसेंटेज में दे दिया तो आपको लेना है परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन याद रखना होगा एस जो आप पे करते हैं शेयर ट्रेडिंग में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एस टी पेड इज नॉट अलाउड एजन एस टी टी पेड इज नॉट अलाउड एज एज डिडक्शन पर प्रोविजो टू एस एस टी टी आप पे कर रहे हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आप पे कर रहे हैं ये अलाउड नहीं है क्लियर है मालिक चलिए सो so, पहला चीज था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करोगे एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर क्या मिलेगा बेटा नेट कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन से माइनस करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप नोट्स के थ्रू भी देख सकते हो चलिए कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको फटाफट याद दिलाता हूं अगर असेट मैंने परचेस की है प्रायर टू 2001 कॉस्ट क्या रहेगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अगर 2001 के बाद परचेस की तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही असेट अगर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिल जाता है कॉस्ट प्रीवियस ओनर अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया है क्या मैं इसका फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता हूं यस शेयर्स के केस में ओरिजिनल शेयर्स एक्चुअल कॉस्ट राइट शेयर्स एक्चुअल कॉस्ट बताइए बोनस शेयर अगर 2001 से पहले मिले कॉस्ट क्या पकड़ते फेयर मार्केट वैल्यू बोनस अगर 2001 के बाद मिले याद आ रहा है अच्छा जी अब बताइए स्वेट स्वेट इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर अगर आपको याद हो तो जिस साल स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है ये एम्प्लॉ के हाथ में परक्विजिट बोल के टैक्स होता है यही वैल्यू जो आपने परक्विजिट के लिए ली है यही आपके लिए क्या बन जाती कॉस्ट बताइए नेक्स्ट पॉइंट अगर एक चार दो हजार एक का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है एक चार दो हजार एक का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू याद आ रहा है क्या बहुत बढ़िया बेटा मान लो मान लो मैंने किसी किसी ने मुझे असेट गिफ्ट दिया ये गिफ्ट मेरे हाथ में 56 सिक्स टू टेन में टैक्स हो चुका है मैं जब भी बेचूंगा मेरी कॉस्ट क्या होगी जितनी वैल्यू फिफ्टी सिक्स टू टेन में कंसिडर की है यस और नो यस चलिए मालिक इसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे किस पे आते हैं बोलो जल्दी से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे ध्यान से सुनिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेक्शन फिफ्टी फाइव बोलता है और यह कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं करता कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है कोई भी इंप्रूवमेंट जो 2001 से पहले की गई है कोई भी इंप्रूवमेंट जो 2001 से पहले की गई है ये क्या पकड़ी जाती जाएगी निल इंप्रूवमेंट डन प्रायर टू वैल्यू क्या पकड़ी जाएगी इंप्रूवमेंट डन आफ्टर एस सी ने किया या प्रीवियस ओनर ने किया बोथ विल बी अलाउड एज डिडक्शन एवरीबॉडी रिबैड यहां तक के कैपिटल गेन बड़े आसानी से अंदर जाता है यहां से आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस पे आते हैं बेटा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां आइए सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन एट क्या बेटा सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी एट टॉक्स अबाउट इंडेक्स कॉस्ट देख सुन अगर मेरे पास असेट आया है तो इसके दो ही रास्ते हैं या तो मैंने इसे परचेस किया है या तो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस अमलगमेशन डीमर्जर अदर मोड बराबर है अगर असेट मैंने परचेस किया है दो बातें हो सकती है बिफोर 2001 आफ्टर 2001 थाउजेंड एवरीबॉडी दो बातें हो सकती है बिफोर 2001 आफ्टर 2001 अगर असेट 2001 से पहले लिया पहले एक बताओ कॉस्ट को हम इंडेक्स कर रहे हैं 2001 से पहले लिया असेट रिवाइज कॉस्ट क्या पकड़ी जाती है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इंटू सी आई आई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय हंड्रेड अगर असेट दो हजार एक या दो हजार एक से पहले ली गई है तो बेस इंडेक्स क्या पकड़ते हंड्रेड अगर असेट दो हजार एक के बाद लिया कॉस्ट क्या होती है याद करो कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू को ऑप्शन मिलता नहीं अगर असेट दो हजार एक के बाद लिया तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू सी आई आई फॉर द इफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सी आई आई फॉर द acquisition ऑफ एक्विजिशन क्लियर है स्टॉप मुझे बताइए इस साल का CII कितना थ्री थर्टी वन बहुत बढ़िया बेटा ऐसा भी हो सकता है असेट गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मिला हो ऐसा भी हो सकता असेट है असेट कै में मिला हो गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मिला हो अगर असेट गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिला, में मिला तो तीन बातें हो सकती है

अगर प्रीवियस ओनर ने पूरा ट्रांजेक्शन दो हजार एक से पहले कर दिया मतलब एक्वायर भी दो हजार एक से पहले किया गिफ्ट भी दो हजार एक से पहले लिया आपको नहीं लगता कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इन टू सी आई आई फॉर द ईयर ऑफ़ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय बेस इंडेक्स क्या पकड़ा जाएगा हंड्रेड दूसरा सिचुएशन प्रीवियस ओनर ने एक्वायर किया बिफोर 2001 थाउजेंड को गिफ्ट कर दिया आफ्टर 2001 अब बोलो सिंस असेट 2001 से पहले लिया कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यूर एवर इज हायर इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सी फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बायस एक्ट कहता है जिस साल गिफ्ट मिला उस साल का बेस इंडेक्स ले बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी कहता है व्हेन कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर तो इंडेक्सेशन भी वहां से लेना पड़ेगा जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया यस yes? चलिए तीसरा सिचुएशन अच्छा आपको याद है पहले किसके हिसाब से सॉल्व करना है एक्ट फिर कैसे सोल्व करना है मंजू याद आ रहा है मालिक तीसरा प्रीवियस ओनर ने एक्वायर किया आफ्टर 2001 थाउजेंड को भी दिया आफ्टर 2001 अगर पूरा ट्रांजैक्शन आफ्टर 2001 हुआ अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन रहा नहीं यानी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बायसी और मंजू अगर आपको याद हो कुछ केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल पहला स्लम सेल स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं दूसरा डेप्रीसिएबल असेट। सेक्शन 50? तीसरा बॉन्ड और डिवेंचर सर बॉन्ड और डिवेंचर में क्यों जिसका वैल्यू ही चेंज नहीं होता उसको इंडेक्सेशन देके क्या करेंगे तो बॉन्ड और डिवेंचर को नहीं मिलता चौथा सिक्योरिटी एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट यूजिंग फॉरेन करेंसी अगर सिक्योरिटी एक्वायर किया है यूजिंग फॉरेन करेंसी तो हम देते नहीं एंड लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए 112 ए में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं क्लियर है आते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद हम एक और चीज माइनस करते हैं बोलो क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चलो बेटा याद करो इंप्रूवमेंट अगर 2001 से पहले हुआ बेनिफिट मिलता नहीं उसे इग्नोर करना है जैसे आपकी इग्नोर करती है तुम करते हो क्या कर सुनो एक चार दो हजार एक के बाद असेसी ने किया या प्रीवियस ओनर ने किया दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट क्लियर है कैपिटल गेन रिलेटिवली बहुत ज्यादा है यस yes, क्विकली याद भी आता है और सीक्वेंस पूरी बनी हुई है यहां तक आप या तो शॉर्ट टर्म निकालेंगे या तो लॉन्ग टर्म यहां से अगर आपको याद हो तो एग्जाम्शन की सीरीज चालू होती है किसकी सीरीज चालू होती है एग्जाम्शन पहला एग्जाम्शन याद करके देखो 1034 ए अगर शेयर होल्डर को बायबैक में कुछ कंसिडरेशन मिला होगा क्या ये टैक्सेबल है या एग्जाम एग्जाम क्यों एग्जाम बिकॉज बाईबैक पे कौन टैक्स भरता है कंपनी दूसरा 1043 इसको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर आपको अमाउंट रिसीव हुई है अंडर द नोटिफाइड रिवर्स स्कीम अगर नोटिफाइड रिवर्स मॉडगेज स्कीम के अंदर में आपको अमाउंट मिली है एग्जाम देख कैपिटल गेन में एग्जामेशन दो तरीके से मिलते हैं इनकम बेस्ड एग्जामेशन सेक्शन टेन या दूसरा इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामेशन सेक्शन फिफ्टी पहले टेन की सीरीज पढ़ना कभी भी इनकम बेस्ड एग्जाम्शन इनकम बेस्ड एग्जाम्शन में पहला आता है अगर आपको बायबैक के अंदर में कोई अमाउंट मिली होगी टोटली totally एग्जाम दूसरा रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर में अगर आपको कोई अमाउंट मिली होगी टोटली totally एग्जाम तीसरा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड स्टॉप बेटा याद होगा तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल सिटी नहीं है

क्लियर है चलो एक सेक्शन हुआ करता था 1038 इसको हटा करके लाया था 112 ए याद आ रहा है चलो बताइए 112 एंड ए कब एप्लीकेबल कुछ भी लिखने का काम नहीं है सब कुछ आपके पास लिखा है ठीक है कब एप्लीकेबल है सेल क्या करना है लिस्टेड शेयर सेल करना है या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या फिर यूलिप जिसको एग्जामशन मिलता नहीं ये सेल कब करना है सेल करना है आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड एंड एटीन अरे एवरीबॉडी ये सेल करना है आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड एंड एटीन क्या होना चाहिए बेटा एसटीटी पे कैसे होना चाहिए शेयर्स के टाइम पे बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ सेल शेयर्स के जगह पे अदर असेट दैट इज यूनिट्स के ऊपर कब होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट द रेट ऑफ बोलो ना बेटा टेन परसेंट बियॉन्ड रुपीज बियॉन्ड रुपीज लाख अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट बियॉन्ड लाख अगर तुम भूले ना हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व वे से रिबेट मिलता नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व वे से रिबेट मिलता नहीं दूसरी बात अगर तुम्हें याद हो तो इसके ऊपर एनहांस्ड सरचार्ज लगता नहीं है द मैक्म रेट ऑफ सरचार्ज ऑन दिस इनकम इज फिफ्टीन परसेंट इफ इनकम एक्सीड टू करोड़ अरे एवरीबाडी यस yes, अरे थकने से काम नहीं होगा ब्रो वापस आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट परसेंटेज फिक्स है तेरे को डिसाइड करना है तेरे को उनमें जाना है समझ में आ रही बात आ, बहुत लोग ये सपना लेके इस कोर्स में आते हैं सबका पूरा नहीं होता यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इतने से से काम नहीं होगा थोड़ा एक्स्ट्रा पुश जब भी आपका दिल ऐसा करे कि बॉस ना अब बस बहुत हो गया आप थक गए यार अब बस बैठे है आत्मा कहीं और है शरीर यहां है कुछ नहीं होने वाला बेसो नो एक बात समझ के चलिए लॉजिकली स्पीकिंग आप अपने ड्रीम के लिए भाग रहे हैं मैं अपने ड्रीम के लिए भाग रहा बात समझ आप और मैं कंटिन्यूस उतने ही देर से बैठे हैं मैं आपसे ज़्यादा देर से बैठा हूँ मैं सुबह सात बजे से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड दूसरी बात दूसरी बात आप बैठे और मैं बोल रहा हूँ मैं एक चीज चाहता रहा हूँ मेरा बच्चा पास हो आपको भी ये चाहना पड़ेगा कभी एक तरफा चीज से कभी कुछ नहीं होता दोनों तरफा होनी चाहिए समझ आ रही है बात एक तरफा चीज से कुछ नहीं होता बेटा क्या होना चाहिए दो तरफा चीज होनी चाहिए तब होने वाला है डर मत आ बेटा कुछ नहीं होता और मेहनत करेंगे आ बेटा सुन अगर तुझे याद हो तो 112 A का, 112 A का का कंप्यूटेशन कुछ अलग तरीके से होता है सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मिल जाता है यस एस टी टी विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन क्या मिलेगा बेटा नेट कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा गेम ही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है हम्म कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चल भी आय शाबाश हायर ऑफ पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बी लोअर ऑफ बोल बेटा सेल कंसिडरेशन या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी वन वन टू थाउजेंड एटीन हमेशा प्रॉब्लम में दिया होता है फिर भी नहीं दिया तुमको क्या तुम निकाल सकते हो थर्टी वन वन टू थाउजेंड एटीन को ये लिस्टेड भी था ट्रेडेड भी था उस दिन का हाईएस्ट रेट ये लिस्टेड तो था पर ट्रेडेड नहीं था प्रीवियस डे जब भी लिस्टेड था तब का हाईएस्ट रेट सर यूनिट्स के केस में यूनिट्स के केस में एन एनएवी एज थर्टी फर्स्ट मार्च एंड लास्ट थर्टी फर्स्ट जैन और अगर ये उस टाइम अनलिस्टेड था बाद में लिस्ट हुआ तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेवनटीन एटीन क्लियर है मालिक चलो जी हम्म अब आते हैं आपको याद होगा तो एक ऐसी लिस्ट दी हुई थी इन केसेस में आपने एस पेमेंट नहीं भी किया क्या तो भी हंड्रेड एंड इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व मिल सकता है यस yes. इस लिस्ट को याद मत रखना अब अगर आपको याद हो तो 54 की सीरीज के एग्जामिशन थे जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता था 54 और 54 फोर ई सी यस ये दो पढ़ लिया तो सपोज कैपिटल गेन का आपका 80 परसेंट खत्म हो गया चलो याद करो 54 फोर यहां मैं वापस स्लो हो रहा हूँ क्योंकि यहां तक का बहुत बेसिक प्रोविजंस थी यहां से मैं फिर स्लो हो रहा हूं कुछ देर के लिए बच्चों बताओ एसएससी एस कौन होना चाहिए इंडिविजुअल या एच यू एफ एसेट्स कौन से होने चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्योंकि 54 का एग्जामेशन तभी मिलता है जब गेन कौन सा हो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सर सेल क्या करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सर एक्वायर क्या करना है वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया क्या एक की जगह दो भी ले सकता हूं टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड बोलो बेटा टू करोड़ अगर ऐसा कोई बेनिफिट लेना भी है क्या मैं ओनली वंस इन अ ले एवरीबा डे यस सो अससी कौन होना चाहिए इंडिविजुअल बेचना बेचना क्या है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना क्या है वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक के जगह कितने ले सकते हो दो जहां क्वेश्चन आता है अब इस पर डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टी जो बेची विजय के नाम पे प्रॉपर्टी जो ली पल्लवी के नाम पे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा मिल जाएगा सेक्शन ये नहीं बोलता प्रॉपर्टी किसके नाम से लेनी है दूसरा मैंने और पल्लवी के ज्वाइंट नेम पे ले ली बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा मैंने सिर्फ लैंड ले लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा सिर्फ लैंड ले लिया तो भी मिलेगा लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर दिया मिलेगा एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन पे एक और फ्लोर बना दिया मिलेगा आई यू गेटिंग द पॉइंट यस अच्छा जी सर सर कुछ टाइम लिमिट था मेरे को याद नहीं आ रहा टाइम लिमिट था अगर मैं परचेस कर रहा हूँ या मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के केस में कितना था बेटा थ्री इयर्स, तीन साल के अंदर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है मेरे को yeah. अगर मैं परचेज कर रहा हूँ बोलो वन ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र या फिर टू ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र याद आ रहा है वन ईयर बिफोर और टू ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर तक के आपको इन्वेस्टमेंट करना है आज बेचा एक साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी परचेज किया उसका एग्जाम्शन ले लो या दो साल के अंदर भी लेने वाले हो तो उसका एग्जाम्शन आज ही ले लो अगर आप दो साल बाद लेना चाहते हैं तब तक के पैसा सी गैस में रखना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग आर रिटर्न भरने से पहले पैसा कहां रखना पड़ेगा सी गैस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रखना पड़ेगा कुछ सवाल क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है मिलता है क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है यस कौन से हेड में टैक्सेबल है आई एफ ओ एस में टैक्सेबल है येस तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इंटरेस्ट मिलता है ये इंटरेस्ट आया वो इसके अंदर में टैक्सेबल है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट मिलेगा अच्छा एक मिनट ये असेट को कितने साल होल्ड करना है थ्री अगर तीन साल से पहले अर्लियर सोल्ड कर दिया तो क्या होगा एग्जामशन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना एग्जामेशन लिया है जो असेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट से लेस कर देना उसकी कॉस्ट से क्या करना है लेस चलो वापस से रिविजन नंबर टू असि कौन होना चाहिए इंडिविजुअल या एच बेचना क्या है लेना क्या है वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक की जगह दो चलेगा क्या प्रोवाइडेड कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड टू करोड़ यस कब तक के ले सकते हैं वन ईयर बिफोर और टू इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर यस, तब तक के पैसे का क्या करेंगे सीएस yes. में डाल दो प्रॉपर्टी लिया वो कितने साल होल्ड करना है yes. तीन साल तीन साल से पहले कभी भी सेल किया यस yes. जितना एग्जम्पन किया उसके कॉस्ट में से सॉरी नए एसेट के कॉस्ट में से लेस कर देना इतना सब करने पे एग्जम्पन कितना मिलेगा अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन एवर इज लोअर का एग्जाम्शन मिलेगा आहो ये था 54 54 के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 54 बी 54 बी 54 बी क्या था याद कर आसे कौन होना चाहिए इंडिविजुअल या एच सर सेल क्या करना है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड यस रूरल तो कैपिटल एसेट है ही नहीं अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सेल करना है सर एक्वायर क्या करना है एग्रीकल्चरल लैंड रूरल चलेगी अर्बन भी चलेगी यस टाइम लिमिट बता कब तक के एक्वायर करना है विद इन टू ईयर्स तब तक के पैसा कहाँ रखना पड़ेगा सी गैस अगर ऐसा कर लेता है कितना एग्जम्पन मिलेगा वही अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एक्जम्पन मिल जाएगा कितने साल होल्ड करना है थ्री इयर्स इसके पहले अगर सोल्ड कर दिया तो क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे जितना एग्जाम्शन आपने क्लेम किया है आ हो एग्जाम पॉइंट ऑफ यू इलेवेंट नेक्स्ट फिफ्टी फोर डी नहीं आदा रहा असेसी कौन होना चाहिए ए नी असेसी सेल क्या करना है लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थी सर एक्वायर क्या करना है लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगी लैंड एंड बिल्डिंग जो किस पर्पस के लिए होगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगी यस yes? कब तक के इन्वेस्ट करना है टाइम लिमिट एनी वन थ्री ईयर्स के अंदर में इन्वेस्ट करना है तब तक के पैसा कहाँ रखेंगे सी गैस रिपीट अगेन सीगेस में इंटरेस्ट मिलता है क्या ये इंटरेस्ट एक्सेबल है क्या कौन से हेड में टैक्सेबल है सोटरडे मालिक अच्छा इस असेट को कितने साल होल्ड करके रखना है थ्री इयर्स अगर आपने इसको जल्दी बेच दिया कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे एक्जम्पन जितना आपने लिया है उतना एग्जम्शन माइनस हो जाएगा आहो खत्म नेक्स्ट काम की चीज फिफ्टी फोर ई सी ये पूछता है एसएससी कौन होना चाहिए ए नी एसएससी सर सेल क्या करना है लैंड एंड बिल्डिंग सर एक्वायर क्या करना है बॉन्ड कौन से बॉन्ड चार बॉन्ड है धरती पे एन एच ए आई आर ई सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन याद आ रहा है तब तक एक्वायर करना है विद इन सिक्स मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर कितना एग्जाम दोगे पचास लाख खींच के मारूंगा कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर मैक्सिमम फिफ्टी लैक्स डायरेक्ट फिफ्टी लैक्स नहीं है अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर मैक्सिमम फिफ्टी लैक्स आहो फिफ्टी फोर एफ फिफ्टी फोर हां फिफ्टी फोर एफ एससी कौन होना चाहिए असेसी कौन होना चाहिए इंडिविजुअल एंड एच एफ सेल क्या करना है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट दर देन बोल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सर एक्वायर क्या करना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी साहब कितना एग्जाम्शन मिलेगा एफ फॉर फॉर्मूला कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन बाकी एवरीथिंग कट कॉपी पेस्ट फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर एफ में क्या बेचना है कुछ भी बेचो घर छोड़ के लेना क्या है घर टाइम लिमिट सेम वन ईयर बिफोर टू ईयर आफ्टर घर की बात कर रहे हैं फिफ्टी फोर कट कॉपी पेस्ट यस सो नो हाँ चार वर्ड तेरे को पढ़ने थे देर मज बी कैपिटल असेट सुन अब तक क्या क्या पढ़ा सबसे पहले सेक्शन फोर्टी फाइव रिपीट कर सेक्शन फोर्टी फाइव क्या था चार्जिंग सेक्शन चार कंडीशन थे देर मस्ट बी कैपिटल कैपिटल मस्ट मस्ट बी गेन गेन सच इज नॉट फिर पढ़ा टू फोर्टीन क्या बता रहा था कैपिटल एसेट्स फिर बता रहे थे टू फोर्टी सेवन क्या बोल रहा था बेटा ट्रांसफर यहां से गए फोर्टी एट हाउ टू कंप्यूट फिर पढ़ा फोर्टी नाइन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 55 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फिर हम लोगों ने पढ़ा अगर आपको याद हो 50 सी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ 50 सी ए अनलिस्टेड शेयर्स 1034 ए बाईबैक ऑफ शेयर्स में अमाउंट मिले एग्जाम 1043 रिवर्स मॉर्गेज स्कीम 1037 थर्टी सेवन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली एक्वायर्ड टेन थर्टी सेवन ए आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम फिफ्टी फोर क्या बेचना है क्या खरीदना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फिफ्टी फोर बी क्या बेचना है क्या खरीदना है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लेना क्या है एग्रीकल्चर लैंड 54 डी इंडस्ट्रियल पर्पस टू इंडस्ट्रियल पर्पस 54 एफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54 फोर ई सी लैंड एंड बिल्डिंग टू बॉन्ड आहो अब बेटे आगे आते हैं ध्यान से सुन अब बेटे आगे आते एक एक ट्रांजैक्शंस अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे कैपिटल गेन के अगर तुझे याद हो अगर तुझे याद हो रुक जा बेटा हम्म सबसे पहले आते हैं बेटा हम किसके ऊपर Hmm. सबसे पहले आते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन इन कैपिटल गेन पेज नंबर इलेवन सेक्शन फिफ्टी वन फॉर फीचर ऑफ एडवांस काफी अच्छा कंसेप्ट है एग्जाम में पूछा जाता है फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मान लीजिए आपने अग्रीमेंट टू सेल किया था किसी को प्रॉपर्टी बेचने का लेकिन यह सेल हुई नहीं लेकिन यह सेल हुई नहीं एडवांस आपने क्या कर लिया फोर फीट अगर आपने एडवांस क्या कर लिया बेटा फोर फीट फॉरफीचर आफ्टर 2004 हुआ है या बिफोर 2004 हुआ है 2014 ये देखना पड़ेगा अगर आफ्टर 2014 हुआ है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अगर प्रायर टू 2014 थाउजेंड हुआ है प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया इग्नोर असेसी ने फॉरफिट किया इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू और डब्ल्यू आर यू गेटिंग द पॉइंट यस सो फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस याद रखने लायक आफ्टर 2014 वाला पॉइंट अगर फॉर फ्यूचर आफ्टर 2014 हुआ है बेटा आफ्टर 2014 हुआ है तो क्या पकड़ोगे बेटा क्लियर है नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनसेशन फोर्टी फाइव एग्जाम पॉइंट पे इतना नहीं आता इंश्योरेंस कंपनसेशन पर हां कॉन्सेप्ट तो है करना तो पड़ेगा अगर आपका असेट डिस्ट्रॉय हुआ है अगर आपका असेट डिस्ट्रॉय हुआ है फ्लड टाइफून अर्थक्वेक सिविल वॉर एक्शन ऑफ एनिमी किस रीजन से हुआ है फ्लड टाइफ अर्थक्वेक एक्शन ऑफ एनिमी एंड यू रिसीव कंपनसेशन ये दो तरीके के अगेंस्ट में हो सकता है डेप्रिसिएबल अट नॉन डेप्रिसिएबल असेट डेप्रिसिएबल अट तो सेक्शन 50 अमाउंट रिसीव माइनस डब्ल्यू सेक्शन 50 अमाउंट रिसीव माइनस डब्ल्यू जो भी आएगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस याद है यही अगर नॉन डेप्रिसिएबल असेट के अगेंस्ट में मिल गया सोच इंश्योरेंस या तो तेरे को पैसा देगा या तो तेरे को असेट के बदले असेट देगा अगर पैसा दे दिया तो एक्चुअल और असेट दे दिया तो असेट का फेयर मार्केट वैल्यू सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू अमाउंट रिसीवड इंडेक्सेशन कहां तक का मिलेगा ओनली अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने असेट एक्वायर किया 2003 में ये असेट डिस्ट्रॉय हो गया 2020 में कॉम्पनसेशन मिला 22 तेईस में बताइए कैपिटल गेन कौन से साल में आएगा 22 तेईस जब पैसा मिला तभी तो टैक्स भरूंगा ना ब्रो सो कैपिटल गेन विल अराइज इन द ईयर 22 23 पर इंडेक्सेशन कहां तक का मिलेगा 2020 क्योंकि असेट तो 2020 में डिस्ट्रॉय हो गया यस yes, एवरीबॉडी तो आपको नहीं लगता इंडेक्स फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा देख अब वन बाय फाइव फॉर्मूला है समझने की कोशिश कर या तो तू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा या तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेगा या तो फेयर मार्केट वैल्यू लेगा one by five है ध्यान से सुन इन तीनों में से कोई तो एक कॉस्ट बनेगी या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर या फेयर मार्केट वैल्यू इन टू सी आई आई फॉर द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस साल असेंट डिस्ट्रॉय हुआ वहां तक का ही इंडेक्स मिलेगा डिवाइडेड बाय या तो तू लेगा हंड्रेड या तो लेगा सी आई आई फॉर द ऑफ एक्विजिशन या तो सी आई आई फॉर द ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय एस प्लस मंजू अरे एवरीबडी आपको पांच छह फॉर्मूले याद रखने का काम ही नहीं एक फॉर्मूले में भी काम होता वापस से सुन तू तो कॉस्ट क्या लेगा या तो कॉस्ट या तो कॉस्ट टू तो प्रीवियस ओनर या तो फेयर मार्केट वैल्यू इनटू टू फॉर द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन क्योंकि जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ उसी साल हम मान रहे ट्रांसफर हो गया डिवाइडेड बाय या तो हंड्रेड दो से पहले लिया होगा तो सी आई आई फॉर द ईयर ऑफ दो हजार एक के बाद लिया होगा तो या तो फिर सीआईआई फॉर दर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी गिफ्ट विलिया इनहेरिटेंस में मिला होगा तो वन बाय सिक्स फॉर्मूले में काम डन फोर्टी फाइव वन चल रिपीट कर फोर्टी फाइव मिला क्या मिला बोल जल्दी से इंश्योरेंस कंपनसेशन ये इंश्योरेंस कंपनसेशन किस वजह से मिला होगा फ्लड टाइफून अर्थक्वेक सिविल वॉर एक्शन ऑफ एनिमी डेप्रिसिएबल के अगेंस्ट में मिला क्या माइनस करोगे डब्ल्यूडीवी गेन आएगा वो कौन सा गेन होगा शॉर्ट टर्म अदर असेट में फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंडेक्सेशन ओनली अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन क्लियर है ब्रो? का एक स्टॉक के अगेंस्ट में कंपनसेशन मिला कैपिटल गेन या पीजीबीपी स्टॉक के अगेंस्ट में कंपनसेशन मिला कैपिटल गेन पीजीबीपी पीजीबीपी ओवर फोर्टी फाइव टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू बताओ एक इनकम अराइज होती या दो कौन कौन सी कैपिटल गेन और पीजीबीपी अरे एवरीबडी बहुत नजदीक है कैपिटल गेन खत्म करने आ रहे <applause> थोड़ा सा दम लगा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा ब्रो yeah. हाँ खुमो yeah. yeah. हाँ कैपिटल गेन और पीजीबीपी क्लियर है कैपिटल गेन और पीजीबीपी स्टॉप दो तरीके की इनकम आती है जब कैपिटल असेट काय में कन्वर्ट होता स्टॉक इन ट्रेड कौन गाइस जब कैपिटल गेन कन्वर्ट होता काये में बेटा स्टॉक इन ट्रेड और यू कैपिटल असेट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड में दो इनकम आराइज होती पीजीबीपी एज वेल एज कैपिटल गेन कैपिटल गेन कितना, निकालेंगे? On, कितना निकालेंगे? Yes, कैसे निकालेंगे सोच मैंने ये कैपिटल असेट उठाया इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में मैंने इस घड़ी की दुकान खोली कन्वर्ट कर दिया मेरे को कोई एक्चुअली पैसा मिला नहीं, नहीं। जब कंसिडरेशन कैश में नहीं तो क्या लेते फेयर मार्केट वैल्यू तो डोंट यू थिंक फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यू विल बी फुल ऑफ़ पर इंडेक्सेशन मिलेगा ओनली अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन क्योंकि हम कन्वर्जन पे ही असेट ट्रांसफर मान ले रहे हैं सो इंडेक्सेशन विल बी ओनली टू द ऑफ कन्वर्जन अब जब भी कन्वर्टेड स्टॉक सेल होगा पार्टली सेल होगा उस साल इनकम अराइज होगी yeah. सेल वैल्यू माइनस फेयर yeah. मार्केट वैल्यू yeah. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन yeah. उतने अमाउंट तक के तो आपने कैपिटल गेन दे ही दिया तो बैलेंस अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा कॉस्ट इन शॉर्ट जितनी अमाउंट पे आपने कैपिटल गेन दे दिया उतनी अमाउंट पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त क्या मान ली जाती है कॉस्ट क्लियर है चलो मेरा बच्चा मेरे को बताएगा मेरा बच्चा मेरे को बताएगा अगर कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ दो इनकम आती पीजीबीपी कैपिटल गेन स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट हुआ तो वापस सुन कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट हुआ दो इनकम पीजीबीपी कैपिटल गेन स्टॉक कैपिटल असेट में कन्वर्ट हुआ तो पीजीबीपी ओनली फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होता है क्या टैक्सेबल होता है फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन 28 कहता है पीजीबीपी का ओ oh yeah? सुन ऐसे नहीं आहां. सर सुनो बेटे सपोज 2009 में एसेट एक्वायर किया 2020 में कन्वर्ट कर दिया 2022 में सेल कर रहा हूँ पीजीबीपी कौन से साल कैपिटल गेन कौन से साल सुन सबका जवाब चाहिए हेलो आर यू विद मी ये कितने एक्वायर किया 2009 में यू नो कन्वर्ट किया 2020 में सेल किया 2022 में यू टेल मी पीजीबीपी कब और कैपिटल गेन कब जीबीपी इन द ईयर, 22 कैपिटल गेन इन ईयर, 20, 20 एवरीबॉडी ऐसा हाथ उठाओ जिनने भी 2020 बोला मस्त ऐसी इधर सुन कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड पैसा मिला क्या पैसा मिला ही नहीं टैक्स कहां से भरोगे टिंग द पॉइंट मैंने अभी सिर्फ मेरा कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में डाला है yes. मेरे को पैसा मिला नहीं आई यू गेटिंग द पॉइंट इसी के लिए बोथ कैपिटल गेन पीजीबीपी के नाम कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड दोनों एक साथ अराइज होगा इंडेक्सेशन कहां तक के मिलेगा yes. 2020। इंडेक्सेशन कहां तक के मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी आई यू गेटिंग द पॉइंट यस बहुत बढ़िया बेटा तो आप ध्यान से सुनिएगा दो इनकम अराइज होती है तीसरी चीज कंपलसरी एक्विजिशन फोर्टी फाइव फाइव कंपल्सरी स्टॉप कंपल्सरी एक्विजिशन अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड का हुआ किसका हुआ रूरल एग्रीकल्चर लैंड वैसे टैक्स नहीं है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का हुआ तो एग्जमट है बचे हुए सारे कंपलसरी एक्विजिशन इत्थे कित्थे इत्थे यस अब कंपलसरी एक्विजिशन खम्बो कंपलसरी एक्विजिशन ध्यान से सुनिएगा बेटा यस कंपलसरी खम्बोन का गाइस चली हाँ हाँ सो कंपलसरी एक्विजिशन कंपलसरी एक्विजिशन यस कौन सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको हाँ कंपलसरी एक्विजिशन कंपलसरी एक्विजिशन तीन पार्ट में यस कंपलसरी एक्विजिशन तीन पार्ट में आता है बेटा इनिशियल कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन कम ऑन रिवाइज गाइस हां इनिशियल कंपनसेशन कम ऑन इनिशियल कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन वापस से सुनो कम ऑन हां अरे बोल रहे हां ऐसा बैठना नहीं हाउले बोल <laughs> चलो कौन <come on. laughs> पहला इनिशियल कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन क्लियर है सी कंपलसरी एक्विजिशन जब भी होता है मतलब जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा बेटा कंपनसेशन मिलेगा यस yes. सुनो इसको पहले कुछ इस तरीके से देखते हैं सुनिए एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक मिनट में समझ में आएगा सपोज कर ले असेट एक्वायर किया 2015 में इस असेट को तूने सेल कर दिया दो इस असेट को कंपलसरीली एक्वायर हो गया 2019 में 2019 ठीक है सरकार ने कंपनसेशन डिसाइड किया 50 लाख सरकार ने कंपनसेशन डिसाइड किया कितना बेटा 50 लाख तेरे को फर्स्ट टाइम कंपनसेशन मिला 22 तेईस में 10 लाख, आउट ऑफ दो फिफ्टी लैख क्योंकि सरकार जब भी लैंड उठाती है दो पांच हजार एकड़ एक साथ उठाती है तो सबको थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा कंसिडरेशन देते चलती है सुकमोन टू कैपिटल एंड एक्वायर कैपिटल हुआ टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपलसरली एक्वायर कर लिया, 2022 कंपनसेशन डिसाइड हुआ पचास लाख मेरे को मिला इसमें से कितना सिर्फ टेन लैक्स ठीक है मुझे एक बात बताइए कैपिटल गेन कौन से साल में राइज होगा गाइस कैपिटल हाँ. गेन कौन कैपिटल गेन <laughs> कौन से साल में राइस होगा इज इट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जब पहली बार पैसा मिला जब तक के गाइस पैसा ही नहीं होगा अंडरस्टैंड जब तक के पैसा ही नहीं होगा टैक्स हो सकता नहीं आर यू गेटिंग द पॉइंट यस अब सुन बाईस तेईस के अंदर में सुन रही चिंटे बाईस 22, तेईस के अंदर में बाईस आई डोंट नो ये लोग क्यों हंस रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा यस बाईस तेईस के अंदर में जब पहली बार तेरे को कंपनसेशन मिला उस साल तेरे को टैक्सेबल होगा यस सो नो समझ में आ रहा है यस सो नो सो नाउ तुझे मिला फिफ्टी लैख डिसाइड फिफ्टी लैख हुआ आउट ऑफ दैट तुझे मिला तो टेन लैख समझ में आ रहा है यस सो नो अब आप मुझे बताओ टैक्सेबल कितना टेन लैक्स और फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स इवन इफ पार्ट कंसिडरेशन इज अमाउंट इज टैक्सेबल। इंडेक्सेशन मिलेगा ओनली अप टू द ईयर ऑफ़ 2019, जिस साल में कंपलसरीली एक्वायर हो गया यस yes. अगर याद हो 194 नाइनटी कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन का अगर कंसिडरेशन कितने लाख रुपए से ऊपर जा रहा है 2.5 लाख अगर कंपलसरी एक्विजिशन का एक के ऊपर जा रहा है, TDS 10%. ये TDS यहां पढ़ने है? ऑफ ये लायक सुनो वापस से 2015 में एक्वायर किया, 2019 में हो गया, राइट कैपिटल गेन उस साल जिस साल पहली बार कंपनसेशन मिलेगा इवन दो पार्ट अमाउंट इज होल अमाउंट इज टैक्सेबल इंडेक्सेशन ओनली द ईयर ऑफ कंपलसरी क्लियर है मालिक और जब भी कंपनसेशन मिलेगा हमें पूरा टीडीएस कट करके मिलेगा अगर कंपनसेशन कितने से ऊपर है टू पॉइंट फाइव लैख यस अच्छा अब आगे चल के हमारा कंपनसेशन बढ़ गया एनहांस कंपनसेशन मिला क्या एनहांस कंपनसेशन भी टैक्सेबल है यस उस साल जिस साल कंपनसेशन मिला अब 2019 में असेट एक्वायर कर दिया था पैसा दे रहे 2024-25 में इंटरेस्ट भी मिलेगा अरे सो so no, उतने कंपोनेंट का इंटरेस्ट भी मिलेगा दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस ये जो इंटरेस्ट है जिस साल मिला उस साल टैक्सीबल एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन याद आ रहा है सो इनिशियल कंपनसेशन जितना कंसिडरेशन रिसिव हुआ उतना लेकिन इंडेक्सेशन ओनली अप टू द इफ कंपल्सरी एक्विजेशन एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल होगा जिस साल मिलेगा लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या पकड़ेंगे पूछो क्यों nil? Asset वापस बेच रहे तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है नील एंड याद रखिए इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल पचास परसेंट अलाउड एज क्लियर है मालिक रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट बहुत जल्द हम कैपिटल गेन के एंड पे आ रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए लगभग कैपिटल गेन के एंड पे आ गए हैं ध्यान से सुनना रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट यस रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट हम्म रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है बेटा बिल्डर जाता है किसी पुराने बिल्डिंग के में बोलता है कि भैया तुम ये बिल्डिंग खाली करो इसके बदले मैं तुमको मस्त चकाचक नई बिल्डिंग बना के देता हूं सो नो चकाचक चक नई बिल्डिंग बना करके देता हूँ मतलब अब ध्यान से सुनिए सपोज कर लीजिए प्रेस्टीज पॉइंट आपका है आप इधर के ओनर बराबर प्रेस्टीज पॉइंट आपका है आप इधर के ओनर अब बिल्डर आता है बिल्डर आपको कहता है कि भैया मैं इन सब के जगह तुमको मस्त चकाचक नई बिल्डिंग बना के देता हूँ जिसमें बाथरूम भी साफ होंगे <laughs> <laughs> बाथरूम साफ होंगे खाने पीने के लिए जगह दी जाएगी सेपरेट एरिया कॉमन एरिया फॉर हैविंग फूड ये सो नो लवर पैराडाइज अलग दिया जाएगा यस <laughs> yes, कोई आपको गलियों में घुसने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी में घुसने की जरूरत नहीं है यस yes, आपको सेपरेट पैराडाइज दिया जाएगा yes no? बरे बरे नहीं। ये सुनो बराबर है ना ये रिक्वायरमेंट है पार्किंग का सेपरेट स्पेस मिलेगा अब बिल्डर अच्छा आप क्या बोलोगे सुन हाँ सिंगल पैराडाइज ओके विजय सर क्लासेस आर देर डोन्ट वरी सिंगल्स पैराडाइज सुनो yes no? जिसके कोई नहीं होते बिजू भैया होते नहीं वैसा नहीं वैसा हाँ। <laughs> पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है प्यार हमेशा एक धोखा है अभी भी मौका है चल बेटा कंसेप्ट प्यार हाँ इतना सुन फोर्टी फाइव फाइव है रजिस्टर्ड डेवलपर्स अग्रीमेंट रजिस्टर्ड डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है अब सोच आप क्या बोलोगे बिल्डर को देख बिल्डर मेरे को नया प्रॉपर्टी चाहिए पर तब तक के जब तक तू ये प्रॉपर्टी गिराएगा प्लिंथ नया रेडी करेगा बनाएगा तब तक के मैं मेरा घर बार बीवी, बच्चे किधर लेके जाओ <laughs> अरे तू तो बोलेगा ना तब तक के मैं मेरा घर बार बी बच्चे किधर लेकर के जाओ तेरे को ये सब मैं दो ठीक हाँ? <laughs> है अभी पॉइंट सुनना तुम बीवी की बातें कर रहे हो इधर क्लास में इतने बेकार लड़के बैठे हैं ना बराबर है पहली बार किसी लड़की को देखा होगा अभी मैं आज की बात बताता अभी कैसे बींग टीचर ये तो समझ में आ गया कि पोटे यहाँ कर क्या रहे जो अखंड सिंगल लड़के है वो क्या कर रहे हैं मैं तुमको बताऊँ क्या यहाँ पे अखंड सिंगल लड़के आके बैठे बराबर है पहली बार उनको बहुत दिनों बाद कुछ तो दिखा <laughs> पहली बार उनको वही यू नो इधर इधर आकर के बैठे हाँ अब बिल्कुल जानते नहीं है उससे बड़ी है छोटी है कुछ नहीं कुछ नहीं बैठे बैठे जहां सेक्शन बोर हुआ <laughs> जिधर सेक्शन बोर हुआ बराबर है कि नहीं है बराबर है कि नहीं है लड़कियां एज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर एक ढंग का लड़का नहीं है क्लास में वैसे और सा <laughs> बड़ा लड़कियों का कांस्टेंट फैक्टर है भाई पूरे कोर्स में ढंग का लड़का नहीं है राइट ऊपर से जो पीछे से आओ की आवाज़ें निकाल रही है तो चाहिए ही नहीं <laughs> ये तो चाहिए नहीं कभी भी आवाज़ ही निकालेगा बड़ा है कि <laughs> hey, दिख रहा है ये नहीं चाहिए अरे <laughs> अरे भाई कंसेप्ट कर ले रहे अच्छा ऐसा नहीं है समझ नहीं रहा सब समझ रहा पर मैं क्या मैं बोला नहीं भाई मैराथन रुक जा विजय कंट्रोल अच्छा सब दिख रहा मालूम इधर से ऐसे एंगल सेट करके बैठे पोते इतने बेकार पोटे ऐसे एंगल सेट करके बैठे अच्छा ये इधर जितने नालाक बैठे मैं सबको पहचानता क्लास के अंदर से हर एक नालायक की तस्वीर अपने पास है बिल्कुल एक्सटेंड पता है ये कहां तक जा सकता <laughs> पर बैठा बेचारा हो एंगल सेट करके मतलब आप सोच के देखो मैराथन में उसको जगह मिल रही तो चेंज नहीं कर रहा <laughs> कितना एंगल सेट है बच्चे का सही है ठीक है कोई बात नहीं यू नो चाहिए जरूरत है जरूरत है ये ये भी होना चाहिए बराबर है कि नहीं चलो ठीक है बहुत बढ़िया जो बेचारे ऑनलाइन है इनका तो अलग ही गेम है <laughs> ये ये जो ऑनलाइन बेटा ये बोल रहे हैं क्या सर रेवड़ी मिली भी नहीं <laughs> यस कोई बात नहीं बेटा हो सकता है आप लाइब्रेरी में बैठे हो इधर उधर ही देख लो <laughs> यस वैसे भी तुम लोग क्या करते हैं अभी देख मैं भी खुद लाइब्रेरी में रहा हूं ठीक है अपने को पता है अभी कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा तब क्या करने का जा करके पूछने का Uh, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या मतलब आप थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या वो थोड़ी सी हेल्प किधर तक एंड होती क्या मालूम? लो बर ये नोट्स अच्छे दिख रहे हैं आपके कॉपी करवाओ क्या चल गया आ जा अब सोच कंसेप्ट वापस आ चल बेटा रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट मैं आपको बोलूंगा कि बॉस प्रेस्टीज खाली करो मैं आपको चकाचक बिल्डिंग बना के देता हूं आप मेरे को क्या बोलोगे चल ठीक है नया बिल्डिंग तो तू दे देगा विजय पॉइंट क्या है तब तक के मैं क्या करूं मेरा घर बार भी बच्चे किधर लेके जाऊं तो ऐसे केस में बिल्डर आपको दो चीज देता एक प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी और साथ साथ में दो तीन साल रहने के लिए मनी कंसिडरेशन क्या देता बोलो जल्दी से <laughs> मनी कंसिडरेशन देता क्लियर है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बन गया आपका जो प्रॉपर्टी दिया उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस मनी कंसिडरेशन बीकेम योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सो सैम ड्यूटी वैल्यू प्लस मनी कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट कहां तक के मिलेगा जब तक रीडेवलपमेंट रे एग्रीमेंट बना होगा yes? अच्छा जी सर सर मेरे को एक बात बताइए आपको अगर याद हो तो वन नाइनटी कहता है रजिस्टर्ड री रे डेवलपमेंट में एक रुपए भी दिया देरविलीडीएस एट द रेट ऑफ टेन परसेंट जा बेटा सेकेंड लास्ट कंसेप्ट सेक्शन फिफ्टी बी स्लम सेल सेकेंड लास्ट कंसेप्ट सेक्शन फिफ्टी बी स्लम सेल अगर तुझे याद हो तो स्लम सेल या लम सम सेल अगर तुझे याद हो तो स्लम सेल या लम सम सेल हम्म मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको पूरे बैच से एक ही वर्ड याद हो? बट कैर चलो आओ यस चलो आओ सेक्शन 50 बी स्लम सेल स्लम सेल का मतलब होता है लमसम सेल लमसम सेल का मतलब विदाउट इंडिविजुअली वैल्यूइंग द सेट अगर आप एज इज व्हाट इज बेसिस पे सब ट्रांसफर कर दो विदाउट इंडिविजुअली वैल्यूइंग द दसेट अगर आप एज इज वॉट इज बेसिस पे सब ट्रांसफर कर दो दिस विल बी कॉल्ड एज स्लम सेल स्लम सेल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन एवर इज हायर माइनस नेटवर्थ माइनस क्या करेंगे बेटा नेटवर्थ कोई बच्चे को याद है नेटवर्थ कैसे निकालते टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी यस टोटल असेट जल्दी उसे याद करो बेटा बुक वैल्यू ऐसे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल चुका है, इसका value, है मालिक तुमको रिवैल्युएशन yes. कंसिडर होता है इग्नोर किया जाता है इग्नोर रिवैल्युएशन इज टोटली इग्नोर क्लियर चलो जी <coughs> आते हैं नेक्स्ट 46 एंड 47 पहले 46 याद कर लेते हैं कंपनी इन लिक्विडेशन अगर कोई कंपनी है लिक्विडेशन में है सेक्शन 46। अगर कोई कंपनी है लिक्विडेशन में है कंपनी के हाथ में देर इज नो कैपिटल गेन अगर वो कैपिटल से ट्रांसफर करती है कंपनी के हाथ में नो कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथ में जब भी लिक्विडेशन में कुछ मिले इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन टू सी ये डीम डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाउ लेट लेट अस अस अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इस के थ्रू ही सपोज कंपनी ने दस लाख का एक कैपिटल असेट उठा के शेयर होल्डर को दे दिया कंपनी लिक्विडेशन में थी बोला देख तेरा पैसा नहीं दे सकता तू शेयर रख ले दस लाख का एक बिल्डिंग उठा के दे दिया द देन टाइम कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस थे सिक्स लाख अब डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा सिक्स लाख द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अब बचे हुए चार लाख का क्या होगा सुनिए फोर्टी सिक्स टू कहता है since shares के बदले आपको असेट मिल रहा है इज दट अक्सचेंज इज दट अ एक्सचेंज अब तेरे से शेयर लेके एक्सटिंग्विश कर देंगे तभी तो तेरे को बिल्डिंग दिया यस yes? तो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दसेट माइनस जितना अमाउंट टू ट्वेंटी टू सी में टैक्स हुआ वापस से सुन अगर कंपनी लिक्विडेशन में कोई एसेट ट्रांसफर करती है कंपनी के हाथ में देर इज नो कैपिटल गेन कंपनी के हाथ में देर इज नो कैपिटल गेन लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा पहले डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने रिजर्व एंड सरप्लस थे उतना अमाउंट डिविडेंड मान लिया जाएगा उसके ऊपर के अमाउंट कैपिटल गेन में जाएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ा जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू टेन लैख माइनस डीम डिविडेंड सिक्स लाख छह लाख आई एफ हुआ इसमें टैक्स हुआ बचे हुआ चार लाख किधर आएगा कैपिटल गेन इसमें से तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा कैपिटल गेन अल्टीमेटली क्या आ जाएगा कैपिटल गेन इज दिस डन फिर आता है सेक्शन फोर्टी सेवन सेक्शन फोर्टी सेवन एक लिस्ट देता है ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इसके दो तीन ट्रांजेक्शन ही है जो याद रखना है पहला है गिफ्ट अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट दे देता है कोई कैपिटल असेट क्या उसको कैपिटल गेन भरना है नहीं दूसरा अमल गमेशन डीमर्जर याद आ रहा है टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है अगर अमल गमेशन होता है कैपिटल असेट एंड लाइबीज ट्रांसफर होती है इट इज नॉट रिगार्डेड एस ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन तीसरा डीमर्जर डीमर्जर के अंदर में भी रिजल्टिंग कंपनी को कैपिटल असेट ट्रांसफर किया जाता है नॉट रिगार्डेड एस ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन होल्डिंग टू सब्सिडरी सब्सिडरी टू होल्डिंग याद आ रहा है ये ट्रांजेक्शन अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन इज दिस डन आ जा बेटा सोच सेक्शन 45 फाइव क्या था चार्जिंग सेक्शन टू कैपिटल असेट 247 ट्रांसफर याद आ रहा है क्या forty five one a insurance compensation 45.2. two conversion of capital asset into stock in trade forty five compulsory acquisition forty five a registered redevelopment agreement fifty one for feature of advance 46. Liquidation. 47. Not regarded as transfer. 50C. Full value of consideration. 50B. Slum sale. 50CA. Unlisted shares. Ka full value of consideration. 49 and 55. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट याद आ रहा है क्या ब्रो 54 क्या बेच के क्या लेना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54 फोर बी बेचना क्या है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लेना क्या है एग्रीकल्चर लैंड 54 डी लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए थी बदले में क्या लेना है लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए था फिफ्टी फोर एफ एनी असेट टू रेसिडेंशियल हाउस फिफ्टी फोर ई सी लैंड एंड बिल्डिंग टू बॉन्ड्स टेन थर्टी फोर ए बाय में अमाउंट मिली टोटली एग्जाम टेन फोर्टी थ्री रिवर्स मॉडगेज स्कीम टेन थर्टी सेवन ए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली एक्वायर्ड 1030 एक मिनट ये आंध्र प्रदेश कैपिटल स्कीम था 1037 अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली एक्वायर्ड 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10 परसेंट बियॉन्ड रुपीज ठीक है लास्ट के दो सेक्शन कैपिटल गेन के हंड्रेड ए और हंड्रेड लास्ट के दो सेक्शन कैपिटल गेन ओवर ध्यान से सुन सेक्शन सुन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ ठीक है अगर ये शेयर्स पे अराइज़ हुआ जिस एस टी पेड है तो ये कवर होता है 111 ए में जिसका टैक्स रेट है कितना परसेंट बेटा 15 परसेंट अगर ये अराइज हुआ शेयर्स पे पर एस टी पे नहीं हुआ है तो ये कवर होता 111 के अंदर में और इस पर लगता बोलो बेटा एनी नॉर्मल स्लैब रेट अगर ये अराइज हुआ अदर असेट पे किस पे अराइज हुआ अदर असेट्स पे तो ये भी कवर होता हंड्रेड एंड एलेवेन ए जिसपे टैक्स रेट है नॉर्मल स्लैब रेट क्लियर है ब्रो फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइट अगर शेयर्स पे अराइज हुआ जहां आपने एसटीटी पे नहीं किया तो इस पे टैक्स रेट इज 20 परसेंट अगर ये अदर एसेट्स के ऊपर आया तो भी इस टैक्स रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट यस एक कॉमन एडजस्टमेंट बेसिक की याद दिलाओ क्या अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112, 112 एंड ए 111 ए एंड बेसिक एक्समशन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो दिस इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूअर्ड्स बेसिक एक्सम्पन लिमिट एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट याद आया दो चीजें और बताऊंगा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा दो ही कॉन्सेप्ट बचे वैसे भी सुन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट वेर अट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिविजन हो गया उधर का तीसरा पार्ट चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिलते नहीं कैपिटल गेन हेड से चैप्टर सिक्स ए के डिडक्शन मिलते नहीं आहो खत्म कैपिटल गेन इज ओअर ईमानदारी से बताओ घर पे बैठ के हो जाता क्या नहीं हो पाता ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं हो पाता आपके मेन तीन बड़े सेक्शन पीजीबीपी तीन बड़े चैप्टर पीजीबीपी कैपिटल गेन टीडीएस संप्ल अमेंडमेंट से भरपूर सेक्शन आर ओ आई संप्ल यस yes नो no? मैं क्या बोल रहा हूं अब इतने बड़े बड़े हो गए एक छोटे पे भी चल लेते हैं मैं डायरेक्ट आपको बड़े पे लेके गया तकलीफ है एक छोटा चैप्टर पे लेके चलते हैं काय पे बेटा एचपी चलो एचपी है एचपी मांगा तो भी क्या एचपी यस चलो आओ जल्दी से यस चलो आओ एचपी दुनिया का सबसे सिंपल चैप्टर है बोलो हाँ दुनिया का सबसे सिंपल चैप्टर है चलो सबसे पहले सेक्शन टू किस बारे में बात करता था चार्जिंग सेक्शन यस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रिवाइज करने की जरूरत नहीं यस yes, चलो सुनो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन था क्विक रिविजन जितना बोलू उतना पार्ट लिख सकते हो बचावा लिखना भी मत जितना बोलू उतना पार्ट लिख सकते हो बचावा लिखना भी मत सुनो बेटा देख सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन की तीन कंडीशन थी ओनर 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 इंक्लूड्स डीम्ड डीम्ड ओनर के अंदर में पांच कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पूछते नहीं बट फिर भी तेरे को याद दिलाता हूं डीम्ड ओनर के अंदर में पांच है पहला ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इन एडिकुएट कंसिडरेशन तो हस्बैंड कौन माना जाता है डीम्ड ओनर ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड इनएडिकुएटरेशन उसके डैड कौन माने जाते हैं डीम डोनर इमेट जो उस प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उस को ऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है वो कौन माना जाता है डीम डोनर क्लियर है मालिक लीज फॉर मोर देन ट्वेल्व इयर्स जिसके पास बारह साल के ऊपर लीज है वो कौन माना जाता है डीम डोनर एवरीबाड ये नो एस मस्ट बी ओनर ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर देर मस्ट बी लैंड और बिल्डिंग अपर टेन देयर टू मतलब लैंड मस्ट भी कनेक्टेड विथ अ बिल्डिंग छपरा हो या ना हो यस अगर खाली प्लॉट का रेंट मिल रहा है इट विल बी टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस क्लियर है एंड थर्ड इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर इज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन चलो क्विक बाइट दीजिए क्या एचपी में सिर्फ घर का रेंट आता है या ऑफिस का रेंट भी आएगा सिर्फ घर का आता है या ऑफिस का भी आएगा मैंने ऑफिस किराए पे दिया इज इट टैक्सेबली न एचपी यस यहां हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है गोडाउन किराए पे दिया एचपी में आएगा यस मॉल किराए पे दिया एचपी में आएगा स्विमिंग पूल एरिया किराए पे दिया क्या एचपी में आएगा यस yes. अच्छा जी मैं होटल के कमरे किराए पे देता हूँ विलिड भी पी जी बी पी यस विलिड भी पी जी बी पी यस अच्छा चलो अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो इसके बाद हम लोग जाते हैं एचपी एचपी को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट है फॉर्मेट याद नहीं आ रहा सबसे पहले क्या होता है बेटा जीएवी जीएवी में से क्या माइनस करोगे मुन्नी मुनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर क्या मिलेगा बेटा एनएवी एनएवी में से क्या माइनस करोगे दो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट आईओ बी सी बहुत बढ़िया बेटा जी ए वी बोले दो हायर ऑफ आर ई आर ए आर आर बहुत बढ़िया ये हुई ना बात जोश भरपूर है ताली बजाइए भाई साहब एक नंबर यस अच्छा। yes, चल ए वी इज इक्वल टू आर ई आर 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 बोले दो म्यूनिशिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर क्या बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर क्या बनेगा बेटा आर 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 ई आर में से क्या माइन आर आर के अलावा दूसरी चीज ए आर आर ए आर आर बोले तो एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल माइनस स्टॉप अमेंडमेंट क्या रेंट सीधे जीएवी में से भी माइनस हो सकता है यस yes, नए रिटर्न रेंट को जीएवी में से भी माइनस कर दे रहे तो ये था बेटा जीएवी जीएवी के बाद आया था मुन्नी मुन्नी मुंसिपल टैक्स क्या म्यूनसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जा सकता है yeah. क्या मुंसिपल टैक्स को कॉरपोरेशन टैक्स भी कहा जा सकता है यस टैक्स टैक्स इंडिया में पे किया डिडक्शन yeah. मिलेगा मुंसिपल टैक्स फॉरेन में पे किया डिडक्शन सो म्युनसिपल टैक्स पेड इन इंडिया और म्युनिसपल टैक्स पेड इन फॉरेन बोथ विल बी अलाउड एज डिडक्शन क्लियर है अच्छा मुंसिपल टैक्स में क्या वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स भी आता है सो वॉटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मुनिपल टैक्स यस yes, अच्छा बताइए म्युनिसिपल टैक्स पिछले साल का इस साल पे किया डिडक्शन yeah. इस साल का इस साल पे किया एडवांस yeah. पे किया yeah. मिलेगा सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है एडवांस टैक्स का पेड का डिडक्शन नहीं मिलता पर रियल लाइफ रिटर्न ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता पूरा का पूरा एक्चुअल पेड इज अलाउड एज डिडक्शन तो जेएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे क्या मिलेगा बेटा एनएवी एनएवी में से दो डिडक्शन NAV में से दो डिडक्शन पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला तो कोई और खर्चे का डिडक्शन मिलता नहीं स्टैंडर्ड तभी मिलेगा इज़ पॉजिटिव अगर एनएवी ही निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं अब आता है सबसे जरूरी चीज आयो आईओबीसी आईओबीसी का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है कैसे बेटा ल इसको एक्चुअली पे करने की जरूरत नहीं।, नहीं है आई ओ बी सी इज इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ प्री प्लस हंड्रेड परसेंट ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वन फिफ्थ ऑफ प्री प्लस हंड्रेड परसेंट ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ठीक है प्री पीरियड कहां से कहां तक काउंट करते हैं रीपेमेंट अगर पहले हो गया अगर रीपेमेंट पहले हो गया डेट ऑफ बोराइंग टू डेट ऑफ रीपेमेंट डेट ऑफ बोरिंग से लेकर डेट ऑफ रिपेमेंट तक का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इस दौरान जितना इंटरेस्ट कमाया उसका डिडक्शन ऑन वन फिफ्थ बेसिस अगर कंस्ट्रक्शन पहले पहले हो गया 99% यही सवाल पहले पूछा जाता है अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया डेट ऑफ बोरिंग टू 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले के 31 मार्च तक का जितना इंटरेस्ट इसका डिडक्शन

अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया डिडक्शन मिलता नहीं सुन यहां से हम जाते हैं यूजेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में कहा जाते हैं बेटा यूजेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देख मेजरली तेरे को जो पूछा जाता है पहला सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी याद होगा तो कोई भी दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इसका जीएवी क्या पकड़ते बेटा नील म्यूनिपल टैक्स नील, ऑब्वियसली एन एवी विल बी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, आईओबीसी लिमिटेड या अनलिमिटेड आपको लिमिटेड इंटरेस्ट अलाउड है लिमिटेड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लोअर ऑफ पहला एक्चुअल और दूसरा मैक्सिमम लिमिट टू लैक्स या थर्टी थाउजेंड अगर आपको टू लाख ,00 तक का मैक्सिमम लिमिट लेना है आपको तीन कंडीशन सेटिसफाई करनी होगी लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर एंड इट कंप्लीटेड विद इन फाइव इयर्स। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मैक्सिमम इंटरेस्ट टू लैक्स एल्स मैक्सिमम इंटरेस्ट थर्टी थाउजेंड क्लियर है मालिक यही प्रॉपर्टी अगर मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी मोर देन टू प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो याद है एनी टू को आप क्या मान सकते हो एसओपी बाकी जितनी बैलेंस बच गई इसे क्या माना पड़ेगा डी एल ओ पी ऐसे केस में आपको याद आ रहा हो तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी इनकम कम या लॉस ज्यादा होगा ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे एस ओ एसओपी जैसे सॉल्व होगा एलओपी एलओपी जैसे सॉल्व होगा एवरीबॉडी, यस ये हुआ पहला सिचुएशन ये हुआ दूसरा सिचुएशन तीसरा सिचुएशन तीसरा सिचुएशन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है विल इट बी नॉर्मल कैलकुलेशन म्युनिसपल टैक्स का डिडक्शन मिले क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगा एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट अब बता आई ओबीसी लिमिटेड या अनलिमिटेड सो so अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसा मिलता है बेटा अनलिमिटेड क्लियर है फोर्थ कंसेप्ट था पोर्शन एस ओ पी पोर्शन एल ओ पी याद आ रहा है क्या डोंट यू थिंक हम ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाते हैं एस ओ पी एल ओ पी एसओपी को एसओपी जैसे सॉल्व करते एलओपी को एलओपी जैसे सॉल्व करते अंत में क्या कर लेते नेट, ब्रो, याद होगा तो एसओपी में कंसेप्ट सिर्फ इधर ही आता है आईओबीसी कितना रहेगा लिमिटेड इधर कैसा रहेगा अनलिमिटेड याद होगा तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक वर्किंग नोट मैंडेटरी है चीजों को बाइफर्कट करने के लिए यस एक वर्किंग नोट बनाते लास्ट कंसेप्ट याद कर वेकेंसी या लास्ट कंसेप्ट आता है क्या बेटा वेकेंसी अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है विथ वेकेंसी अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है विथ वेकेंसी तो ऐसे केस में स्टेप नंबर वन तू क्या निकालता है बेटा ई आर स्टेप नंबर टू तू क्या निकालता है बेटा ए आर आर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स तीसरा चीज क्या निकालता है बेटा तू एआर एक्चुअल रेंट पहले तू आर आर निकालता है फिर तू एआर आर निकालता है फिर तू एक्चुअल रेंट निकालता है एवरीबाडी यस नो ध्यान से सुन ते को डिसीजन देना है इफ ए आर इज हायर देन आर ई आर जी इज इक्वल टू ए आर अगर वेकेंसी होने के बावजूद भी एक्चुअल रेंट इज हायर देन आर ई आर एक्चुअल रेंट बी केम और जी एवी इफ आरई आर इज ग्रेटर देन ए आर ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी अदर रीजन अल्टरनेटिव वन आर आर इज इक्वल टू जी एवी अल्टरनेटिव टू आर ई आर माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी इज इक्वल टू जीएवी बाकी पूरा कैलकुलेशन एज इट इज बहुत बढ़िया अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड अन रियलाइज रेंट रिकवर्ड स ऑफ रेंट रिकवर्ड क्या तुम्हें याद है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड अर्लीयर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड जब भी रिसिव होगा टैक्सेबल इन दर ऑफ रिसीट एंड थर्टी परसेंट डिडक्शन अलाउड याद आ रहेगा क्या तो इज ऑफ रेंट जब भी रिसीव हो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या तुम्हें याद आ रहा है हाँ या ना क्या तुम इसे रिकनेक्ट कर पा रहे हो हा या ना सो अनियवर्ड रेंट रिकवर्ड रिकवर्ड जब भी रिसीव होगा टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट बताइए अब मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं फिर भी मेरे को अनरियलाइज रेंट मिलता है इज इट स्टिल टैक्सेबल इज रेंट टैक्सेबल आहो एक और कंसेप्ट बचा है एचपी में लास्ट कंसेप्ट को ओनर कहा कवर्ड है सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अब को ओनर ने अगर प्रॉपर्टी एसओपी कर दी तो क्या बोथ विल गेट एसओपी बेनिफिट यस आईओबीसी टू लैक्स और थर्टी थाउजेंड ई दोनों को टू लैख या थर्टी थाउजेंड का बेनिफिट मिल जाएगा यही अगर लेट आउट प्रॉपर्टी रहा स्टेप नंबर वन कैलक्यूलेट एचपी एंड देन उसको क्या कर दो बेटा डिवाइड इन अप्रोप्रिएट शेयर दैट हैज टू बी अप पोर्शन इन दोपरिएट शेयर एक ने एसओपी किया एक ने एलओपी किया डोंट यू थिंक सेपरेट कैलकुलेशन सेक्शन ट्वेंटी सिक्स को ओनर्स कंसेप्ट आहो एच पी इज ओवर खत्म एचपी में ले दे के कॉन्सेप्ट ही इतना ही था भाई साहब सुनो 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 यार मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझते हैं क्यों ना अभी देखो हेड में तो अपने एक ही बचा सॉरी दो, दो आई एफ ओ एस और सैलरी पर एक छोटा टॉपिक करके आते हैं सैलरी में एंटर करने से पहले सैलरी कर दो सर करेंगे ना मेरे को मालूम है तुम रुके सैलरी के लिए रोकने का तरीका ही यही है <laughs> तुमको क्या लग रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या <laughs> ब्रो मेरे को मालूम है पर तेरे को सैलरी बता दिया ना तू इधर से गेट पकड़ के पहली फुर्सत में निकलेगा <laughs> बराबर है कि नहीं यही अगर तेरा सैलरी अटका के रखा तेरे को बराबर टिकना पड़ता और इस चक्कर में मेरे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं करिए कि नहीं अब देखो मैं क्या कहता हूँ अब यहाँ तक आ ही गए हो ठीक है तो पहले डिडक्शन पढ़ लेते हैं पहले डिडक्शन पढ़ लेते हैं बाकी की बातें बाद में कर लेंगे रेसिडेंशियल पढ़ना है ना हाँ अरे भाई भाई तेरा नहीं आज बीवी को बोल के आया फोन करने का इतनी टेंशन नहीं, नहीं। तेरे में जितनी कैपेसिटी है तेरे में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा इधर है टेंशन नहीं मेरा लेक्चर कल सुबह सात बजे है छह पचपन तक अपन कुछ भी कर सकते आ जाओ कुछ भी का मतलब सिर्फ पढ़ाई यस आज के बाद इट विल बी जस्ट थर्टी नाइन डेज रिमेन इन दी एग्जामिनेशन वैसे मैं तुझे बता दू पूरे ग्रुप वन मिला करके सेवेंटी एट है पूरे ग्रुप वन मिला करके देख मैं ते को याद दिलाता हूं। नहीं जैसे नहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो याद दिला दू जैसे अकाउंट्स के अंदर में यू हैव सिक्सटीन टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग रखो हाँ? मैंने बोला ना इस लड़के का ध्यान इधर उधर है <laughs> बोलता दीदी उठ के जा रही अरे जान दे उसको इसमें तेरा अटेम भलते जगह ध्यान तेरा ऐसे अखंड सिंगल लोग रहते मैं इधर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा तेल लेने गया वो उठ के जा रही इस पे ध्यान है अरे इसमें तेरा अटेम नहींगा अभी भी पढ़ बेटा मौका है <laughs> मैं इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा ठीक है अच्छा वो तो वो उसके बाजू वाला भी देख रहा <laughs> पंद्रह दस मिनट बाद ये दोनों क्या डिस्कस करेंगे तेरी भाभी है कि तेरी भाभी है <laughs> क्या सेंस है पढ़ रहे मैं यहां डिडक्शन समझा रहा था तेल लगाने गया यस चलो आओ बेटा डिडक्शन चलिए क्विक बाइट समझ लेते हैं डिडक्शन हमेशा ऐसी चॉइसेस सुने जो आपको सबसे ज्यादा डराती हो क्यों क्योंकि अगर आपने डर वाले टॉपिक हमेशा पहले खत्म कर दिए तो हमेशा ये कभी भी बेटर होगा यस yes? आइए सबसे पहले डिडक्शंस पढ़ते हैं डिडक्शन एक बहुत ईजी टॉपिक है प्लीज ध्यान से सुनिएगा डिडक्शन इज कवर्ड अंडर चैप्टर सिक्स से मतलब मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ बातें याद रखें डिडक्शन के नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम कुछ भी हो जाए डिडक्शन के नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम कुछ इनकम से डिडक्शन नहीं मिलता जैसे कैपिटल गेन पढ़ के आया ऐसा लग रहा है कैपिटल गेन से डिडक्शन मिलता नहीं दूसरा कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम से डिडक्शन मिलता नहीं स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डी स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से चैप्टर सिक्स से नहीं एंड कुछ अदर इनकम एन आर के ये आपको याद नहीं रखने सबसे पहले शुरुआत करते ए टी 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 बी याद होगा तो दोनों भाई भाई सेक्शन है ए टी टी ए टॉक्स अबाउट अगर आपको आप कौन ने बेटा इंडिविजुअल या एच यू एफ एंड यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन तो आपको क्या मिलता है बेटा डिडक्शन डिडक्शन इज हायर ऑफ या लोअर ऑफ चलो फटफट रिवाइज करते जाओ आता है तुमको डिडक्शन इज लोअर ऑफ इंटरेस्ट इनकम और टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर इसी का ब्रदर सेक्शन है एटी टी टी बी एस के लिए एप्लीकेबल है बेटा सीनियर सिटीजन अगर एस इंडिविजुअल है सीनियर सिटीजन है और क्या आ रहा है बेटा उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अगर उनको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिडक्शन इज लोअर ऑफ एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड एवर इज लोअर क्लियर है बेटा एटी टी टी ए टी टी इसके बाद एक सेक्शन है ए जी जी बी अभी भी इसका ध्यान नहीं था बताया मैंने जीवन धंधे <laughs> पे धंधे चल 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 एटी जी जी बी एटी जी जी बी बेटे अगर एटी जी जी बी की बात किया जाए ये बेनिफिट मिलेगा सिर्फ इंडियन कंपनी अगर इंडियन कंपनी किसको डोनेशन देती है बेटा पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड कैश में पे करने का नहीं इसी का एक और सेक्शन है एट्टी जी याद करके बताओ किस पे अप्लीकेबल है एनी एसएसी अदर देन इंडियन कंपनी एनी एस अदर देन इंडियन कंपनी किसको डोनेशन दे रही है बेटा पॉलिटिकल पार्टी या हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन इट शुड नॉट बी पेड इन कैश खत्म एटी यू याद करके देख बेटा एटी यू एस एसी कौन होना चाहिए हैंडी कैप अगर एस एससी हैंडी कैप है तो उसको डिडक्शन मिलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड और अगर यह डिसबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी हुई तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड या वन लाख ट्वेंटी फाइदा हम डिसेबिलिटी को सीवियर डिसेबिलिटी कहेंगे अगर परसेंटेज एटी परसेंट और अब ये एटी यू के बाद आता है एटी डी डी अमेंडमेंट अमेंडमेंट ध्यान से सुनिए डीडी अब यहां पे असेसी नहीं असेसी का रिलेटिव डिसेबल होना चाहिए अगर असेसी का रिलेटिव डिसेबल हैंडी हैंडीकैप है अगर असेसी का रिलेटिव डिसेबल है या हैंडी बिहाफ पे आपने कोई पॉलिसी ली या उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए उसके बिहाफ पे आपने कोई डिपॉजिट किया या उस पर मेडिकल एक्सपेंसेस किए डिडक्शन मिलेगा तो डिडक्शन दो चीजों पे था एक आपने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट खर्च दिया या आपने उसके नाम से डिपॉजिट कर दिया तीसरा अमेंडमेंट आपने किसी ऐसी पॉलिसी में भी कर दिया जिस पॉलिसी में पैसा मिलेगा अपॉन हिज डेथ या पॉलिसी में पैसा मिलेगा अपॉन अटेनमेंट ऑफ सिक्सटी इयर्स तो भी एटीडीडी में बेनिफिट मिलेगा एटीडीडी में आया है अमेंडमेंट इसके पहले आप दो तरह के, के खर्चे कर सकते थे पहला उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर दो दूसरा आप डिपॉजिट कर दो कोई भी अमाउंट उसके नाम से यस एल द्वारा तीसरा आपने कोई भी अदर पॉलिसी ले ली जो इसके डेथ पे पैसा देगी या सिक्सटी ईयर्स अटेन करने पे पैसा देगी तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा यानी ज़रूरी नहीं है एल आई की पॉलिसी लेनी है अदर इंश्योरर की भी ले लो तो भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऐसा कर देते हैं तो डिडक्शन मिलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड या वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड या वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यस किसके ऊपर खर्चा किया जा सकता है इंडिविजुअल के केस में माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे मतलब रिलेटिव में कौन कौन कवर हुआ माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे अपने पप्पा या स्पाउस के पप्पा अपने उसके पप्पा को पप्पा मजबूरी में बोलना पड़ता <laughs> तो अपन किसके पप्पा की बात कर रहे हैं? अपने किसके भाई बहन की बात कर रहे हैं? अपने, उसकी बहन के लिए मैं इंश्योरेंस <laughs> लिया तो भी डिडक्शन मिलता <laughs> नहीं सो वापस ए टी डी डी अमेडमेंट आया है इंडिविजुअल एचओ एफ आपने खर्चा करना है अब तीन जगह अलाउड है पहला एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा डिपॉजिट इन एक्सपेंसिस की कोई स्कीम तीसरा अदर इंश्योरर जो उसके सिक्सटी इयर्स अटेन करने पे पैसा देगा या फिर उसके डेथ पे पैसा देगा आपने अगर इस तरह से डिपॉजिट किया सेवेंटी फाइव थाउजेंड या वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का क्या मिलेगा एक्सम्शन सॉरी डिडक्शन ये किसके ऊपर खर्चा किया जा सकता है मां बाप भाई बहन बीवी बच्चे एच यू एफ केस में एनी मेंबर. Ateb, एक इलेक्ट्रिकल वहीकल अगर आप इलेक्ट्रिकल वहीकल परचेस कर रहे हैं अगर आप क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वहीकल परचेस कर रहे हैं सो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्रोवाइडेड आपके पास आपके पास क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक वहीकल नहीं होनी चाहिए तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा डिडक्शन नेक्स्ट सेक्शन आता है याद रखने का तरीका डरावनी डरावनी बीमारियां यस yes. चलिए ध्यान से सुनिए अगर अससी खर्चा करता है अगर अससी खर्चा करता है यस yes. किसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज तो जिसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहा है उसकी एज के बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा यस yes, अगर ही इज अदर देन सीनियर सिटीजन तो एक्चुअल और फोर्टी थाउजेंड एवर इज लोअर इफ जिसके ऊपर खर्चा कर रहा है वो सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल और वन एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वॉट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज एटी जी जी क्या बोलता है बेटा एटी जी अगर आप एक्सपेंड करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर या पावर्टी इराडिकेशन के ऊपर एंड यू डोंट हैव पीजीबीपी इनकम आपको नहीं लगता अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम हुई तो डिडक्शन थर्टी फाइव में क्लेम हो जाएगा या थर्टी फाइव जी जी ए में क्लेम हो जाएगा इफ यू डू नॉट हैव पी इनकम एंड यू एक्सपेंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड यू एक्सपेंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन मिलेगा कितना परसेंट बेटा हंड्रेड परसेंट प्रोवाइडेड दो हजार से ऊपर का कैश में पे करने का नहीं दो हजार से ऊपर का कैश में पे करने का नहीं फॉर एजुकेशन e सोच समझ के बताइए प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा या इंटरेस्ट का क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा यस yes. किसका एजुकेशन मेरा एजुकेशन चलेगा पाउस का चलेगा डिपेंडेंट बच्चों का चलेगा मैं जिसका गार्डियन हूं उसका भी चल जाएगा यस yes. कितने साल तक का डिडक्शन मिलता एट असेसमेंट ईयर जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन क्लियर है डी एटीडी डी याद होगा तो इसमें चार चीजें कवर होती है मेडिकल इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या अप्रूव्ड स्कीम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड एक्सपेंडिचर ऑन सुपर सीनियर सिटीजन चार तरीके के खर्चे अलाउड होते याद होगा तो सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट ऐसा है जो कैश या चेक किसी में भी चलेगा बाकी सारे पेमेंट का ऐसे होने चाहिए एनी मोड़ अदर देन कैश मेरा प्लस पाउस का प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एक्चुअल और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज पेरेंट्स का अलग से एक्चुअल और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर सीनियर सिटीजन अगर हुए तो एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर प्रिवेंटेबल चेकअप की मैक्सिमम लिमिट थाउजेंड ये बताइए अगर मैंने कोई पॉलिसी का लमसम पेमेंट कर दिया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तीन साल के लिए तो डोंट यू थिंक एवरी ईयर इट विल बी पोर्स एटीए दो हजार सोलह सत्रह में अगर किसी ने लोन पास कराया होगा दो हजार सोलह सत्रह में अगर किसी ने लोन पास कराया होगा इट विल बी अलाउड एस डिडक्शन कितना बेटा मिनट सोलह सत्रह वाला ये था एटीई -E -E. अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा पहला लोन उसने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, 2016 2017. 35 50 अगर ये होती है तो एक्चुअल इंटरेस्ट और फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इरिलेवेंट इसी का भाई लाया था 16, 17 के बाद यही सेक्शन को रिवाइव करके लाया था 1920. ट्वेंटी yes? अगर एसएससी ध्यान से सुनिए अगर एसएससी का लोन सैंक्शन होता है बिटवीन 2019 टू 2022, थाउजेंड वैल्यू डज नॉट एक्सीड 45 लाख तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है एडिशनली वन का this interest is over and above ट्वेंटी फोर बी चलो कुछ याद करो याद है तो एटी सी प्लस एटीसी प्लस एटीसी मैक्सिमम कितना मिलता है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऐस होना चाहिए बेटा इंडिविजुअल एच यू एफ एक्चुअल और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विचवरीज लोअर का क्या मिलेगा बेटा डिडक्शन इसमें सात से आठ आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ लेना अगर आपने एल आई पी लिया एल आई पी का डिडक्शन बेस्ड है पॉलिसी इशू डेट पॉलिसी इशू डेट अगर दो हज़ार बारह के पहले की है मैक्सिमम इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ समॉर्ट दो हज़ार बारह के बाद की है टेन परसेंट ऑफ समॉर्ट दो हज़ार चौदह के बाद की है

टू चाइल्ड फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया आपको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक का डिडक्शन मिल सकता है इज दिस डन इसके बाद हमने पढ़ा था सी 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 एल आई सी अगर आप एल आई सी के इन्वेस्टमेंट फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं एल आई सी के पेंशन फंड में आप क्या करते हैं बेटा इन्वेस्ट एक्चुअल वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विचर इज लोअर एक्चुअल और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विचवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा ठीक है CCD, याद होगा तो ये काम की चीजें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा एटीसीडी के कितने पार्ट थे तीन एटीसीडी के कितने पार्ट थे तीन एटीसीडी वन एटीसीडी वन बी एटीसीडी टू याद आ रहा है एटीसीडी वन टॉक्स अबाउट एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसीडी वन बी टॉक्स अबाउट एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एटीसीडी टू टॉक्स अबाउट एम्प्लॉर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है ब्रो अगर आप एम्प्लॉय यहां अमेंडमेंट हुआ है यहां अमेनमेंट हुआ है अगर एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या सेक्शन में सिर्फ एम्प्लॉई कवर होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड भी कवर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इज ऑल्सो कवर्ड सो अगर एम्प्लॉय है मैक्सिमम कितना डिडक्शन है टेन परसेंट ऑफ सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ जी टी आई एन बी एटीसीडी वन बी डिडक्शन देता है कितना एडिशनल कितना मैक्मम अपू फिफ्टी थाउजेंड मैक्सिमम अपू फिफ्टी थाउजेंड एटी सी सी डी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन किसको मिल रहा है बेटा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन किसको मिल रहा है एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ एक और वर्ड जोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14 परसेंट ऑफ सैलरी एल्स 10 परसेंट ऑफ सैलरी आहो लास्ट सेकेंड लास्ट सेक्शन एटी जी जी फॉर डोनेशंस गिविंग्स गिविंग द डोनेशंस सो ए टी जी गिविंग द डोनेशन यस अच्छा डोनेशन बेटा कैश में दिया डिडक्शन मिलेगा डोनेशन गिवन इन काइंड डिडक्शन मिलता नहीं डिडक्शन मिलता नहीं एनी ऐसे डिडक्शन डिपेंड करता है क्या आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है क्या आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है सबसे इजी, क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है अमाउंट इनटू परसेंटेज अमाउंट इनटू परसेंटेज स्ट्रेट डिडक्शन मिल जाता अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर में कवर है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या निकालना पड़ता बेटा अति बोले तो एडजस्टेड टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम का टेन परसेंट आपका क्या बनता बेटा मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम वापस से एटीजी। आपका ध्यान है मेरा नहीं है मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूं <laughs> आपका है पूरी तरीके से है मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूं मेरा अटैम्प्ट थर्टी नाइन डेज बाद इस बीच मेरी बीकॉम की एग्जाम भी आ रही है यस बराबर है इस बीच आईपीएल भी आ रहा है इस बीच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी आ रही है पर मैं पढ़ूंगा इस बीच मेरे किसी रिलेटिव की शादी नहीं हो रही इस बीच मेरे घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस बीच मैं कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट नहीं हो रहा मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं यस yes, इस बीच मुझे एग्जाम से दस दिन पहले कोई एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा अभी भी मैं डिलेमा में थोड़ी न कि एक ग्रुप देना या दो फॉर्म दोनों के ही भरे दूसरा पता है डोनेशन है टू आवर बिलवड इंस्टीट्यूट टू अगर बिलोड इंस्टीट्यूट बराबर है कुछ लोग तो अलग नशा करके बैठे हैं कैसा नशा मैं आपको बताता हूँ भाई देख ग्रुप वन अच्छे से करेंगे ग्रुप टू में एफ को में एग्जामेशन लाएंगे अकाउंट <laughs> में एग्जामेशन ला लेंगे तुमको पता है हमारे सीनियर ने भी ये ट्राई किया था नहीं हुआ <laughs> समझ आ रही है बात तो ये नशे अगर तुम्हारे अच्छा कई लोगों ने तो अलग नशे किया मैं तुमको बता हूँ पढ़ाई करते वक्त क्या किया मालूम पढ़ाई करते वक्त कभी कभी ऐसा बहुत किसी का सुन लिया ना कुछ ऐसा मोटिवेशन वोटिवेशन सुन लिया बराबर है क्या करते भाई एक पेपर लेते फ्रेश माइंड से हाँ सुबह साढ़े पाँच बजे उठना <laughs> सुबह साढ़े सात बजे साढ़े पाँच बजे उठना आधे घंटे में अपन फ्रेश हो जाएंगे इसको पता ही नहीं है पैतालीस मिनट मोबाइल अंदर रहेगा क्रिंज वीडियोस चलते रहेंगे उधर उसके बाद अपन 6 से लेके बजे तक पढ़ेंगे ठीक है फिर अपन ईमानदारी से आधी घंटा नाश्ता करके आएंगे फिर अपन यह करेंगे वो करेंगे 45 मिनट टिकता फोर्टी फाइव मिनट्स इस, इस शेड्यूल की लॉन्जिटिविटी आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी कम है बराबर है कि नहीं उसी दिन जिस दिन तुमने शेड्यूल बनाया उस दिन तुम्हारे घर से कोई तो कांड आया <laughs> पूरा शेड्यूल एक तरफ बराबर नहीं तो दोस्त कांड करके आ जाता उसको हैंडल करते बैठो टाइम टेबल वाले नशे किए तुमने भी मिला कुछ नहीं। अच्छा आदमी एक और नशा करता मैं तुमको बताता हूं इस कोर्स में इस कोर्स में नशा भाई सुन भाई एकदम सीरियस हा अपन तीन दिन में अकाउंट्स खत्म करेंगे तीन दिन कंटिन्यूस अकाउंट्स पढ़ेंगे दो दिन डिटी लॉ एक दिन <laughs> क्या हुआ बेटा सी फाइनल और फर्स्ट अटैम oh. oh. हो गए सब नशे करके क्या मिला कुछ मिला यू एंड इन लाइब्रेरी ओनली पता है सिर्फ एक आदमी का फायदा हो रहा तुम्हारे इस शेड्यूल से थर्ड फ्लोर प्रेस्टीज पॉइंट कॉफी वाले भैया <laughs> <laughs> क्योंकि जैसे तुम पढ़ने बैठते तुमको आती नींद और रात में तुमको आती नहीं नींद बराबर है कि नहीं है यस फिर क्या विजय सारडा मोटिवेशन यूट्यूब <laughs> दो तीन आंखों से आंसू बराबर है कि नहीं ब्रो एक बात समझ मोटिवेशन ना कभी भी ऐसे नहीं आता मोटिवेशन इज ऑलवेज अ सेल्फ मोटिवेशन तूने मेरे को सुन लिया कि किसी का मम्मी पापा का स्टोरी सुन लिया कि कुछ भी सुन लिया <laughs> समझना है क्या तूने किसी का कुछ भी सुन लिया मेरा स्टोरी सुन लिया किसी का कुछ भी जब तक के तेरे को ये आग अंदर से नहीं लगेगी ना कि तेरे को पास होना है तब तक के कुछ नहीं होने वाला हमको भी चाहे आप किसी की भी बात करो हमको भी ये सक्सेस तब मिला जब हम लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत किया किसी ना किसी दिन रियलाइज किया कि नहीं बॉस अब ऑप्शन नहीं है और जब आप अपने आप को ऑप्शन नहीं देते ना तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है मैं बार बार आपको क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ पहली बात ये बैठने में हेल्प करता है नो no डाउट दूसरी बात आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि बॉस इन थर्टी नाइन डेज यू हैव सेवेंटी एट टॉपिक्स ईच डे यू नीड टू कंप्लीट टू टॉपिक्स सर यहाँ से पढ़ाई कैसी होनी चाहिए ये आप मेरे से जरूर पूछेंगे दो मिनट इधर से डाइवर्ज होकर आपको बता रहा हूं अगले थर्टी नाइन डेज का प्लानिंग कैसा होना चाहिए या आप नवंबर दे रहे हैं तो अगले प्लानिंग कैसे होनी चाहिए हाल फिलहाल में मे जून वालों के लिए बता दूँ बेटा यहाँ से अब तुम्हें ना थर्टी नाइन डेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है पहली बात

ठीक है तुमने जो फॉर्म भरा दैट्स ओके okay. एक ग्रुप के ऊपर सबसे पहले शिफ्ट हो जाओ या दो ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाओ क्लियरली डिसाइड क्योंकि अब डेज में ना तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है सो लेट्स बी क्लियर एक देना है दो देना है या क्या करना है लेट बी वेरी क्लियर वेरी क्लियर होने के बाद यू हैव टू मेक श्योर एक दिन में चार चार सब्जेक्ट चले प्लीज डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ कि मैं एक दिन लूंगा तीन दिन में पूरा यू नो एग्री ये कंप्लीट कर लूंगा अकाउंट्स कंप्लीट कर लूंगा ये वो कुछ नहीं होता ह्यूमन रिटेंशन तीन घंटे के बाद मिनिमम ब्रेक लगता ही लगता और तीन घंटे से ज़्यादा आप एक पर्टिकुलर कंटेंट नहीं पढ़ सकते एक्सेप्ट इन केस आपके मैराथन ही चल रहे हो उस टाइम पर लगी पड़ी रहती आपके पास ऑप्शन नहीं मन नहीं लगा तो भी आदमी चुपचाप टिक के बैठता बराबर है नाओ अब आपको क्या करना है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा नींद आती उस टाइम पे प्रैक्टिकल घुसाओ और जिस टाइम पे आपको नींद नहीं आती उस टाइम पे थेरी यहां तक के अब तक फिक्स हो चुका होगा कि कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है मतलब जिसमें स्कोर कर सकते हो येस yes, तुम्हारी इच्छा जिसके अंदर में है अंडरस्टैंड ये जो भी सब्जेक्ट हो इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना ही नहीं उल्टा करना पड़ता है इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना ही नहीं जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा फटे उसको पहले पढ़ो और उसको ज्यादा टाइम दो सपोज अगर अकाउंट्स में ज्यादा फट रही है या डी टी में ज्यादा फट रही है तो आपको तीन तीन घंटे के स्लॉट्स इनको देने हैं एंड प्लीज अकाउंट्स को ऑडिट करना बंद करो बेसिक गलती अकाउंट्स को ऑडिट करना ऑडिट को तो ऑडिट पढ़ते नहीं तुम ऑडिट <laughs> को ऑडिट करते नहीं तुम ठहरे अकाउंट्स आ गया गलत हुआ क्या हाँ रिकल्कुलेशन हाँ अब आ गया ऐसे नहीं होता आईसीआई का एग्जाम है ससुरा थी नहीं तेरा वो बेटी दिया यह ले डिग्री भी ले सॉल्व करना पड़ता बेटा पूछो क्यों क्योंकि ऐसे केस में तुम्हारा कभी भी पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता और लिखते हुए पचास गलतियां होती एक ही चीज कर सकते हो अब रिवीजन अगर हो चुका है या मैराथन से पढ़ चुके हो फटाफट फटाफट सॉल्व करके देखो हर टॉपिक के मिनिमम सात से आठ क्वेश्चन सॉल्व चाहिए पूरे मतलब नोट्स तक के वर्किंग नोट्स तक के सॉल्व चाहिए चालीस में से आठ ही सॉल्व करो पर सॉल्व करो समझ आ रही है बात चालीस में से आठ ही सॉल्व करो पर सॉल्व करो सॉल्व करने से होगा ऑडिट करने से नहीं होता सॉल्व करने से होता ऑडिट करने से नहीं होता एकदम सिंपल बात बता रहा तुमने डीटी पढ़ लिया रिवीजन कर लिया फास्ट ट्रैक पढ़ लिया मैराथन पढ़ लिया कुछ नहीं होता टोटल इनकम के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करने पड़ते वहां तुमको समझ में आता इतू इतू सी गलतियां होती एक पॉइंट 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 इधर का 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 भूल 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 गए 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 तो तो एक तो एक उधर उधर तुमको एक्चुअल गलती तभी समझ में आ सकती नहीं तो नहीं आ सकती हमने भी फेल होने के बाद जब वापस एक रफ रजिस्टर भरा ना तो समझ में आया गलतियां कहाँ है समझ में आई बात जिस सब्जेक्ट से फटे पहले वो फटाओ तुरंत जाओ दनादन दनादन कंप्लीट करना अभी जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या हो सकती आज फास्ट ट्रैक एंड होते तक के बचेंगे आपके सिर्फ छोटे से टॉपिक कौन से आई एफ ओ एस बचेगा और वो बेसिक रेसिडेंशियल वाले इसको तुम कहाँ से देख सकते हो तुरंत उसको कंप्लीट कर सकते हो फास्ट ट्रैक फ्री वीडियो से टू की स्पीड में पकड़ करके दनाक से कंप्लीट कर लो तुम्हारा पूरा का पूरा कल दोपहर तक के डी ख़त्म फोकस पे करो जी एस वाई तुमको खुद को मालूम है रेगुलर लेक्चर तुम्हारे ढंग से नहीं हुए जी के बहुत लोगों के नहीं हुए कम ऑन एक्सेप्ट दिस जिसके नहीं हुए उसका सभी बाकी पाकि जी एस में वो सोच रहा मैं एक काम करूँगा सिक्सटी करके जाऊँगा पेपर में जाके देखो नवंबर वालों के साथ क्या हुआ कुछ जीएसटी के भरोसे गए थे डीटी के भरोसे पासिंग मार्क तो भी मिले कुछ जीएसटी के भरोसे गए थे इतना गंदा बेकार पेपर बराबर है सर चालीस मार्क को जीएसटी ईमानदारी से पहले जीएसटी में घुसने का यस yes, तो आप कंप्लीट कर पाओगे नहीं तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होता याद रखना मेरी बात को स्ट्रैटेजी इज वेरी क्लियर स्टडी पचास टीचर यूट्यूब पे मिलेंगे इंक्लूडिंग विजय सारडा स्ट्रैटेजी फॉर फोर्टी डेज स्ट्रैटी फॉर फिफ्टी डेज किसी ने कितना भी बोल दिया तुम्हारे लिए इेलिवेंट है जिस दिन तूने तेरी स्ट्रैटेजी बनाई ये काम की है किसी और की स्ट्रैटेजी तेरे लिए काम की नहीं है डरस्टैंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रैंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रैंक जस्ट फोकस आपको क्या करना है मल्टीपल सॉल्व करना है प्लीज मेक श्योर आप हंड्रेड मार्क के एटलीस्ट दो टेस्ट सीरीज दे ये गलती करना ही मत की टेस्ट सीरीज ना दिए पूछो क्यू हैव यू सीन विराट कोहली गोइंग टू वर्ल्ड कप विदाउट एनी प्रैक्टिस नो आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता टेस्ट सीरीज लेंगे क्वेश्चन पेपर लेंगे पीडीएफ लेंगे मोबाइल में रखेंगे क्योंकि अगर तुम में से अभी तक सॉल्व करने वाले होते तो डीटी की पूरी फ्री टेस्ट सीरीज दी है मैंने पूरे इंटर पूरे फाइनल की फ्री टेस्ट सीरीज है मेरे टेलीग्राम के ऊपर पूरे के पूरे पेपर डाल के रखे विथ सोल्यूशन अब तक आपने सॉल्व कर दिए होते वो मेरे तरफ से तो डी का टेस्ट फ्रीज पूरा फ्री है फाइनल का भी इस बार मैंने जितना फ्री दिया है शायद ही इंडिया में किसी ने दिया होगा फाउंडेशन फास्ट ट्रैक फ्री इंटर फास्ट ट्रैक फ्री फाइनल फास्ट ट्रैक फ्री टेस्ट सीरीज फ्री बिंदास ले क्या कर सकता कर वैसे ही ओल्ड का लास्ट अटेम्प्ट जितना बच्चों ने प्यार दिया उनको कभी तो वापस करे कभी तो वापस करे यार ये yes सोनो सिंपल जा बेटा सब ओपन तू करके तो दिखा कोई बात नहीं ना बॉस आपने अभी तक ये कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज अगर नहीं हो कब करोगे बे टेस्ट सीरीज तुम अभी तक ज्वाइन नहीं किया कब करने का इरादा है तुम्हारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन विदाउट टेस्ट सीरीज जाओगे पहला पेपर देख करके फटके हाथ में आ जाएगी अकाउंट्स का पेपर आता ना ऐसा हाथ कांपता जितों ने पेपर दिया वो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं हाथ कांपता ब्लैंक हो जाते कुछ समझ ही नहीं आता है क्या और पहले दिख जाता बैलेंस शीट तब तो घंटा समझ में आता हो क्या रहा लाइफ में ये क्वेश्चन का, का है और 32 पेज का क्वेश्चन पेपर रहता कितने 32 तू पहले सीधा ऐसे पलटा के देखता और 32 में तू ढे ऐसा पेपर पलटाता इतना एंजाइटी होता है पेपर के अंदर में बच्चे क्या गलती करते जीएसटी के पेपर में डीटी सॉल्व करके आते डीटी में जीएसटी सॉल्व करके आते उनको तीन घंटे बाद याद आता पूरा गेम ही गल, गलत कर दिया इतना हाई प्रेशर में बैठते हो तुम लोग उसके पहले इस प्रेशर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है पोर्शन वाइज या कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन अरे जिधर ज्वाइन करना उधर आधा दिन मत वेस्ट कर किधर ज्वाइन करना है आधा दिन तो किधर कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज है अरे लगा ना देने कौन सा वाला है पहले ये देख दुनिया भर के पेपर अवेलेबल है तू कितने दे सकता वो बता आर टी पी पढ़ना है एम टी पी पढ़ना है समझ रहे हो ना? आर टी पी पढ़ना है एम टी पी पढ़ना है टेस्ट सीरीज देनी है इन सब के बिना अगर तुम जा रहे हो तो आप एक बात समझ के चल लेना तुम ऑलरेडी फेल होने के फर्स्ट स्टेप पे आ चुके हो अभी तुमको आर टी पी पढ़ना है आ चुकी है एम टी पी पढ़ना है ब्रो तेरे को अभी तक याद भी नहीं है तेरा एम सी क्यू पढ़ना बाकी है थर्टी परसेंट एमसीक्यू मैंने डी टीके एमसी क्यू फ्री वीलन क्लासेस डॉट कॉम डाउनलोड ऑप्शन देखे ही नहीं है। वो MCQ भी तो करना है। वहां जाके अचानक से तेरे को याद आएगा माँ कसम एमसी क्यू भी थे जिनने पेपर दिए एक बार उनसे जरा पूछो क्वेश्चन से डर नहीं लगता एमसीक्यू से लगता है क्वेश्चन से डरने लगता ब्रो एमसीक्यू से लगता समझ ही नहीं आता क्वेश्चन का, का है भाई जी तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो ना ये इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन अचीव करने जा रहे हो जिसके लिए पिछले छह महीने से या शायद छह महीने से ज्यादा से ऐसी तैसी करवा रहे हो ये भी अगर ढंग से नहीं किया तो क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का एग्जाम जिस दिन देकर के हॉल से बाहर निकलोगे ना सिर्फ पछतावा होगा और डिलेमा में रहोगे कि, कि करूं क्या वापस पढ़ने बैठू कि नेक्स्ट अचीव करू ब्रो प्लीज डोंट सी तुम किसी को भी झूठ बोल सकते हो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते ये बात याद रखो तुम किसी को भी झूठ बोल सकते हो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते और अपने आप से झूठ बोलना भी मत समझ में आ रही बात टेस्ट सीरीज देना है आरटीपी पढ़ना है एमटीपी पढ़ना है विषय खत्म ऑप्शन नहीं है तो एक्सपेक्टेड रखना कि पास होने के लिए कुछ एफर्ट्स किए एक खाद क्वेश्चन हर बार या तो आर से या एम से एक क्वेश्चन एज इट इज आता है तो देख के के नहीं गए हाथ की चीज मार्क्स ऐसे ही छोड़ दिए बेसिक गलतियां अकाउंट्स और कॉस्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करके गए थे पढ़ा ही नहीं पिछले बार क्या हुआ था कॉस्टिंग के पेपर में थेरी बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाया 80 सॉल्व करके आओगे बोलोगे 40 मिल गए कोई सेंस है इस बात का नहीं है पासिंग मार्क भी नहीं आते एग्रीगेट में फंसता है मैक्सिमम बच्चा टॉपिक में फेल नहीं होता एग्रीगेट में फेल होता है एग्रीगेट में फेल होता है, है मैक्सिमम बच्चा 199 नाइनटी इंस्टीट्यूट एक मार्क भी नहीं देती सर क्या आप हमें डरा रहे हो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलूँगा तो बोलेगा कौन समझ में आया बेसिक गलती मत कर मेरा बच्चा चला एट्टी क्यू क्यू बी एटी आर आर बी चल जल्दी एटी क्यू क्यू बी एटी आर आर बी याद आ रहा है दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं रॉयल्टी क्यू क्यू बी टॉक्स ऑन रॉयल्टी ऑन बुक्स जबकि आर आरबी टॉक्स ऑन रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स एक्चुअल और थ्री लैक विच इज लोअर एक्चुअल और थ्री लैक विच इज लोअर का बेनिफिट मिलेगा यस और नो यस चलो बेटा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि लगभग नौ बज रहे हैं बैठ सकते हो yes, सुनो जिसका हॉस्टल या अदर टाइम है प्लीज लीव डोंट वेट जिस क्योंकि आप वहाँ जाके भी देख सकते हो ऑनलाइन भी चालू है हॉस्टल या अदर टाइम है प्लीज लीव क्योंकि मैं सैलरी तो कंफर्म करा के छोड़ूंगा तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे बेटा हम सैलरी मैं चालू करो इफ यू कैन वेट मोस्ट वेलकम इफ यू कांट वेट प्लीज उठाओ मैं दो मिनट दे रहा हूं आप निकलो जिसको जिसका हॉस्टल या अदर टाइम है निकल सकते हो सर सैलरी के रिविजन को कितना टाइम लगेगा सैलरी के रिविजन को लगने वाला है थर्टी फाइव मिनट्स पैंतीस मिनट में पूरा कंप्लीट करा था साढ़े नौ बजे में तुमको छोड़ रहा थर्टी फाइव मिनट्स में पूरा सैलरी होता मेरी जिम्मेदारी बराबर है बस चलो लेट स्टार्ट आई यू विथ मी चल बेटे बेटे सैलरी सुन जल्दी जल्दी यस बेटे सैलरी इसका टाइमिंग से जान दो ब्रो प्रो रुकना चलो हाँ जी डन अस फोकस आखिरी का आधी घंटा मेरे को चाहिए आखिरी का आधी घंटा मेरे को चाहिए ठीक है लेट्स फोकस ऑन सैलरी लेट लेट्स फोकस ऑन सैलरी यस जस्ट मिनट हेलो हेलो सैलरी आ जा हम लोग सैलरी पढ़ेंगे सैलरी में जब भी आप शुरुआत करें सबसे पहले परकोजिट से शुरुआत करें रीजन सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही किधर कवर है परकोजिट ठीक है मैं एक एक परकोजिट बताता हूँ एक एक परकोजिट बताता हूं आप सबसे पहले याद कीजिएगा ठीक है सबसे पहले चालू कर रहे हैं हम लोग परक पर्क में सबसे पहला है बेटा गिफ्ट ट्राई कर ईमानदारी से तेरे को आता है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज अपू रूपीज फाइव थाउजेंड इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज अपू रूपीज फाइव थाउजेंड नील पांच हजार से ऊपर गए एक ट्रीटमेंट है दो ट्रीटमेंट है दो तो, पहला द वैल्यू इज फुल्ली टैक्सेबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन ओनली डिफरेंस टैक्सेबल चेक पेज नंबर सिक्स अगर कॉस्ट ऑफ पर रुपए तक के है नील पांच हजार से ऊपर है अल्टरनेटिव फुल्ली टैक्सेबल अल्टरनेटिव टू ओनली डिफरेंस टैक्सेबल ठीक है दूसरा दूसरा याद करके देख बेटा एडुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी दी इफ कॉस्ट डज नॉट एक्सीड वन थाउजेंड पर मंथ बोलो 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 इफ कॉस्ट डज नॉट एक्सीड वन थाउजेंड पर मंथ क्या पकड़ेंगे बेटा नील कॉस्ट एक्सीड वन थाउजेंड पर मंथ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर याद आ रहा है सो एडुकेशन फैसिलिटी चेक कर बेटा एडुकेशन फैसिलिटी हम्म यहां पर बनाई देते उतनी देर में पहला हो गया बेटा गिफ्ट दूसरा हो गया बेटा हम्म hmm. तीसरा बेटा तीसरा आर एफ ए सबसे ज्यादा पूछा जाता है यस आर एफ ए दो पार्ट में डिवाइड होगा बोल बेटा फर्निश्ड आर एफ ए आर एफ ए पार्ट में डिवाइड होगा पहला फर्निश्ड दूसरा अनफर्निश्ड अनफर्निश्ड के अंदर में दो पार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड लाइसेंस फीस प्रॉब्लम में दी रहती है पुट द वैल्यू गेट द आंसर अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो तीन बातें होंगी ओन हायर्ड होटल ये सोनो ओन हायर्ड होटल अगर ओन किया होगा तो क्या चेक करेंगे पॉपुलेशन एवरीबॉडी क्या चेक करेंगे पॉपुलेशन अगर आपकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है ट्वेंटी फाइव लैख से फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी इज द परक्विजिट अगर ये टेन लाख से ट्वेंटी फाइव लाख तक के है तो टेन परसेंट ऑफ सैलरी अगर ये बिलो टेन लाख रुपीज है तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सैलरी बच्चो सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछते हायर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हायर्ड अगर एम्प्लॉयर ने हायर करके आपको दिया हायर ऑफ या लोअर ऑफ लोअर ऑफ पहला एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर और 15 परसेंट ऑफ सैलरी एवरीबॉडी 15 परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर अगर होटल में दिया पहले पंद्रह दिन नील बियॉन्ड पंद्रह दिन ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ सैलरी यस और नो ऑटोमेटिक याद आ रहा तेरे को कुछ करने का नहीं है सुन अगर फर्निश्ड है अगर फर्निश्ड दिया है अकोमोडेशन वैल्यू एस पर अनफर्निश्ड इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर अगर फर्नीचर ओन्ड है तो टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर हायर्ड है एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड खत्म आर एफ ए फोर्थ पॉइंट कार इट्स नॉट अ कार इट्स अ कार सो मान ले एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सनी दे दी सनी निशान सनी कार सबसे पहले ये चेक करेंगे हु ओन्स इट Owned बाय एम्प्लॉयर ठीक है सबसे पहले ये चेक करेंगे Owned बाय एम्प्लॉयर owned बाय एम्प्लॉय सबसे पहले क्या चेक करेंगे कार अगर कार एम्प्लॉयर ने ओन की एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये हु ओन्स इट सबसे पहले ये देखो ओन करने के बाद ये देखो हु मेंटेन इट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा तीन बातें हो सकती है पूरा चार्ट याद आएगा तेरे को सिर्फ होल्ड कर ऑफिशियल पर्सनल बोथ एग्जाम में पूछते बोथ तेरे को पता है सिर्फ सुनते जा ऑफिशियल पर्पस होगा तो नील पर्सनल पर्पस होगा तो टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर बोथ पर्पस होगा तो क्या चेक करेंगे सीसी क्यूबिक कैपेसिटी अगर सीसी वन पॉइंट सिक्स लीटर तक के होगी तो एटीन हंड्रेड पर मंथ अगर अब पॉइंट सिक्स लीटर तक के होगा तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ क्या शॉफर भी ऐड करेंगे अगर दिया हो तो शॉफर का वैल्यू नाइन हंड्रेड पर मंथ तो नाइन हंड्रेड पर मंथ तभी ऐड करेंगे जब क्या प्रोवाइड किया होगा शॉफर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड चल कुछ एजम्पन बता अगर तुझे सीसी नहीं बताया गया है क्या जूम करेगा बिलो 1.6 क्लियर है अगर शॉफर के बारे में डिटेल दी नहीं हो गया इट्स नहीं अगर एम्प्लॉय ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन बाय एम्प्लॉय है अप टू 1.6 लीटर तक के 600 पर मंथ बियॉन्ड 1.6 लीटर तक के 900 पर मंथ प्लस नाइन हंड्रेड इफ शॉफर इज प्रोवाइडेड सॉ मालिक ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कॉन्सेप्ट ओवर ओन्ड बाय एम्प्लॉय पहला मेंटेन बाय एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय ही मेंटेन कर रहा पर क्विजिट आता नहीं मेरी ही कार में ही खर्चा कर रहा एम्प्लॉयर से कुछ मिला ही नहीं टैक्सेबल ही नहीं होगा मेंटेन बाय बाय एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है अगेन कितनी बातें होंगी तीन ऑफिशियल पर्सनल बोथ ऑफिशियल होगा तो नील पर्सनल होगा तो एक्चुअल कॉस्ट लेस रिकवर्ड और अगर बोथ पर्पज़ रहा एक्चुअल कॉस्ट लेस 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन सी सी यहां जितना टैक्सेबल था यहां उतना लेस करेंगे क्या करेंगे लेस करेंगे क्लियर है ब्रो तो कार कारक्सिटी देखते जा रहे हैं हम फिफ्थ क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड सिक्स्थ लंच फैसिलिटी हम्म चल बोल लंच प्रोवाइड किया hmm. मैं लिखते जाता तू बता लंच प्रोवाइड किया रिमोट एरिया लंच प्रोवाइड किया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अदर्स के केस में कॉस्ट पर मील रुपीस फिफ्टी तक के है ज इट नील बियॉन्ड रुपीस फिफ्टी हैस्ट माइनस रुपीज फिफ्टी पर मील नंबर ऑफ डेज कितने दिन मील दी है दिया नहीं है क्या लेंगे थ्री हंड्रेड डेज अगर नंबर ऑफ डेज दिया हुआ नहीं है एवरेजली क्या ले लो थ्री हंड्रेड डेज यस तो रिमोट एरिया ऑफ शोर एरिया में दिया नील ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया नील पचास रुपए पर मील के ऊपर जा रहा है तो टैक्सेबल उसमें से पचास रुपए तक के एग्जाम सेवेंथ इंटरेस्ट फ्री लोन सेवेंथ इंटरेस्ट फ्री लोन देख याद आता इंटरेस्ट फ्री लोन हम्म, अगर अप टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड है तो नील अगर स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया नील, अदर अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस बी आई रेट या हायर देन एस बी आई रेट क्या पकड़ोगे बेटा नील कोई फायदा हुआ ही नहीं मार्केट से ले लेते अगर लोअर देन एस बी आई रेट है तो डिफरेंस इज टैक्सीबल लेट्स अज्यूम एस बी आई का रेट टेन परसेंट एम्प्लॉयर ने दिया छः परसेंट कितना टैक्सेबल फोर परसेंट यानी क्या मैं कह सकता हूं अमाउंट इन टू डिफरेंशियल रेट अरे एवरीबडी एट कॉन्सेप्ट स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को इफ एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर अदरवाइज सारे एम्प्लॉय को स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड गैस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी याद है गैस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गैस दिया वाटर दिया या इलेक्ट्रिसिटी दी मैन्युफैक्चर्ड या हायर्ड मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेस रिकवर्ड हायर्ड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस लेस रिकवर्ड यस अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेस रिकवर्ड या हायर कर रहे हो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड विषय खत्म गैस वॉटर इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद यूज ऑफ मूवेबल असेट इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे दिया बेटा कंप्यूटर एंड लैपटॉप दे दिए नील चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो पर्सनल पर्पज के लिए हो कंप्यूटर एंड लैपटॉप टोटली नील आफ्टर टेन ईयर्स दिए तो नील अदर्स के केस में ओल्ड हायर्ड ओल्ड होगा तो टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेस एनीथिंग रिकवर्ड हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड अरे एवरीबॉडी यूज ऑफ मूवेबल असेट दिस वॉज द नाइन्थ टेंथ परक्विज इट यूज ऑफ मूवेबल असेट इसके बाद में आपको याद होता हो तो सेल ऑफ मूवेबल असेट सेल ऑफ मूवेबल असेट देख बनाता हूं कुछ याद आए तो तीन तरीके के असेट है पहला कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा था बेटा कार तीसरा था बेटा अदर असेट्स यस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेप्रिसिएशन की मेथड बोलो बेटा डब्ल्यू डी वी डब्ल्यू डी वी एस एल एम चैलेंज डेप्रीसिएशन का रेट बोल फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट एवरीबॉडी सबसे पहले क्या देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर कंप्लीटेड ईयर कहां से काउंट करते फाइनेंशियल ईयर या डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर क्या आएगा बेटा डब्ल्यू डीवी डब्ल्यू डीवी में से क्या माइनस करने का सेल वैल्यू तब जाके क्या बनेगा परक्विजिट पर क्विजिट विल अराइज ओनली इफ सेलू इज लेस देन डब्ल्यू डीवी यहां इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक ए सी बेचा अदर असेट में जाएगा ए yes. सी बेचा अदर yes. असेट yes. में जाएगा yes. आहो दल ऑफ मूवेबल असेट दैट्स सेल ऑफ मोवेबल असेट हम्म ब्रो लीव ट्रैवल कंसेशन लीव ट्रैवल कंसेशन एल कुछ याद नहीं आ रहा मैं याद दिलाता हूं अगर एम्प्लॉय प्लस उसके स्पाउस प्लस एनी टू चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर अक्टूबर 1998 याद आ रहा है आपको छुट्टी पे भेजा जाता है सह परिवार <laughs> आपको छुट्टी पे भेजा जाता है कैसे बेटा सहपरिवार अब आप बताइए अगर आपको एयर टिकट्स दिए एयर टिकट्स दिए बोलो अप टू इकोनॉमी क्लास तक का एग्जाम रेलवे दिया अप टू फर्स्ट क्लास एसी, यस रेलवे दिया अप टू फर्स्ट क्लास एसी और अगर आपको अदर्स में प्रोवाइड किया याद होगा तो रेल रूट अवेलेबल रेल रूट नॉट अवेलेबल रेल रूट अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास एसी, अदरवाइज डिलक्स डिलक्स क्लास यस अप टू डिलक्स क्लास लीव ट्रैवल क्लियर खत्म हो गए वे नहीं सॉप्स ब्रो ईसॉप्स एम्प्लयर ने एम्प्लॉ को क्या दिया ई e सॉप अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ई e सॉप दिया कंसिडरेशन माइनस कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस ऑप्शन प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर यस तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ईसॉप दिया व्हाट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस और ऑप्शन प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर है ब्रो ईश के बाद एनी वन प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट है वर्क पे चल रहे अपन यस लास्ट इज मेडिकल फैसिलिटी फोर्टीन ध्यान से सुन हा रुक 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 सब याद आएगा तेरे को मेडिकल फैसिलिटी याद होगा तो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया ब्रो इन इंडिया के अंदर में टैक्सेबल में एक ही आइटम है रि एम्बर्समेंट इज टैक्सेबल बाकी सब एग्जम्प्ट बाकी सब में एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल एग्जाम एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल एग्जाम गवर्नमेंट का हॉस्पिटल एग्जाम अप्रूवड हॉस्पिटल एग्जाम इंश्योरेंस एग्जाम एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल एग्जाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम अप्रूव हॉस्पिटल एग्जाम इंश्योरेंस एग्जाम यस, ब्रो आउटसाइड इंडिया में तीन पार्ट आउटसाइड इंडिया के तीन पार्ट ध्यान से सुनो ट्रेवल स्टे मेडिकल याद आ रहा है स्टे एंड मेडिकल उतना एग्जाम जितना आरबीआई ने बोला स्टे और मेडिकल उतना एग्जाम जितना किसने बोला आरबीआई ट्रेवल तभी टैक्सेबल होगा व्हेन जीटीआई एक्सीड टू लैक्स ट्रेवल का कॉस्ट तब टैक्सेबल होगा जब जी एक्सीड टू लैक्स परक्विजिट इज ओवर पर परक्विजिट से हमारी कहानी खत्म नहीं होती यहां से तो हमारी कहानी शुरू होती है चलो मैं अब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पे नहीं लेके जा रहा मैं आपको लेके जा रहा अलाउंसेस पे ठीक है अगर ईमानदारी से आपने मेहनत की है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे ठीक है सिर्फ देखते जाओ कितने अलावेंस रिकॉल करते हैं बेसिक टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल या कितना एग्जाम ये बताएंगे बेसिक डी ए बोनस कमीशन सिटी कंपेंसेटरी अलावंस टैक्सेबल ओवर टाइम अलावेंस सर्वेंट अलावेंस नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंस लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल फीस टैक्सेबल टेलीफोन अलावेंस यूनिफॉर्म अलावेंस अकेडमिक अलावेंस ट्रेवलिंग अलावेंस नॉट टैक्सेबल कन्वीएंस अलावेंस नॉट टैक्सेबल अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऊनो नॉट टैक्सेबल यहां तक सब सही चल रहा है लिंक मत छोड़ना बिल्कुल चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना एग्जाम है हंड्रेड रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू टू चाइल्ड चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन थ्री हंड्रेड पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू टू चाइल्ड ब्रो एक नंबर अंडरग्राउंड अलाउंस एट हंड्रेड पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस टू हंड्रेड पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस टू हंड्रेड पर मंथ रनिंग अलाउंस लोअर ऑफ सेवेंटी परसेंट ऑफ एक्चुअल और टेन थाउजेंड पर मंथ विच एवर इज लोअर अब अगर लास्ट तुमने बता दिया तो अलाउंस खत्म हाउस रेंट अलावंस अलाउंस खत्म हाउस रेंट अलावंस एक्चुअल लेस लोअर ऑफ मैं पहले बताऊंगा एक्चुअल नहीं 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 मैंने पहले बताया नहीं नहीं मैंने पहले बताया दूसरा बोल बेटा 50 और 40 परसेंट ऑफ सैलरी मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई 50 परसेंट रेस्ट ऑफ इंडिया फोर्टी परसेंट तीसरा कमो रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी ब्रो सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन दूसरी बात दूसरी बात अगर कोई भी फैक्टर क्या हो जाता है चेंज कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली एक भी फैक्टर चेंज हो गया कैलकुलेशन टू बी मेड सेपरेटली यस अच्छा जी हां आ रहा है आ रहा है आ रहा है एच आर ए हो गया सुन तिल लगाने गया राइटिंग एंटर करते रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाने से पहले डिडक्शन डिडक्शन के तीन पार्ट चल कम डिडक्शन के तीन पार्ट बोल जल्दी, डिडक्शन <laughs> के तीन पार्ट सिक्सटीन वन बोल 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 सिक्सटीन वन सिक्सटीन टू सिक्सटीन थ्री क्या तुझे याद है सिक्सटीन वन किस बारे में बात कर रहा बोल स्टैंडर्ड डिडक्शन लोअर ऑफ एक्चुअल सैलरी और फिफ्टी थाउजेंड हैशटैग ब्रो दूसरा था बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ ए एक्चुअल 5000 पर एनम 20 परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी यस प्रोफेशनल टैक्स हंड्रेड परसेंट अलाउड हंड्रेड परसेंट अलाउड ऑफ एक्चुअली पेड जितना पे कर रहे हो उतना अलाउड एज डिडक्शन सो सैलरी के अंदर में तीन डिडक्शन मिलते करेक्ट और नॉट अब आते हैं अपन लोग रिटायरमेंट बेनिफिट पे ठीक है पहला मेरे को कुछ ड्रॉ नहीं करना है मेरे को कुछ ड्रॉ नहीं करना है दम है क्या तुम में आता तुमको अच्छो ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेट ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल यानी अ रुक 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 जो अपने से नहीं सीखे उसको तो समझाना पड़ेगा ना ड्यूरिंग द सर्विस बोल बेटा टैक्सेबल आफ्टर द डेथ एग्जाम चलो सुन लिंक नहीं तोड़ता आपका मजा छूट जाएगा ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम नॉन गवर्नमेंट अंडर द ग्रेचुअटी एक्ट नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी है पहला एक्चुअर दूसरा मैक्सिमम लिमिट ट्वेंटी लैक्स तीसरा फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथस इधर दो चीजें कॉमन एक्चुअल ट्वेंटी लैख हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस जो लोग सैलरी में कवर्ड थे बेसिक प्लस डीए जो लोग सैलरी में कवर्ड नहीं थे बेसिक प्लस डी ए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर ओ चेक कर लो ड्यूरिंग द सर्विस ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग द सर्विस क्या होता है बेटा टैक्सेबल आफ्टर द डेथ क्या होता है बेटा एग्जाम ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इज इट लोअर ऑफ थ्री थिंग्स यस सुनो ना अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय हुआ <laughs> अरे सीजनल भी तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स वी विल टेक सेवन बाय ट्वेंटी सिक्स क्लियर है हाँ ah. Hmm. चल बेटे पेंशन के तीन पार्ट पेंशन रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस क्या होगा बेटा टैक्सेबल आफ्टर द डेथ आई एफ ओ एस ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड अनकम्यूटेड अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल टू ऑल ये अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब मंथली पेंशन मंथली पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्ड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी याद आ रहा है इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी कितना एग्जाम वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो वन हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है बेटा एग्जाम और कितने अच्छे दिन लाओ <laughs> <laughs> बुक नहीं खोल रहे बुक नहीं पलट रहे सब पलट सब याद आ रहा और क्या करो जीवन में आओ चलो पेंशन कर लिया यस सॉन्ग गाएंगे बेटा रुक ना थोड़ी देर बाद सब गाएंगे थोड़ी देर तो रुक पेंशन पेंशन के बाद वी आर एस क्या हुआ बेटा थक गए क्या सुट्टी नी आर एस याद नहीं आ रहा मत रे मत तो पता नहीं कहां से ये डायलॉग आया है <laughs> मेरे तो समझ में भी नहीं यार बच्चे हंस क्यों रहे किधर का डायलॉग है चलो सुन लेस एक लोअर ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट फाइव लैख अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू थ्री इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस अगर यही वी आर एस एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहा तो इसके लिए कुछ नहीं दिया है <laughs> देख रहा था क्या आता जवाब हाँ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नील अदर्स के केस में कम ऑन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मैं पहले बोलता हूं एक्चुअल लेस लोअर ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट फाइव है तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो भी अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आई होगी वो यस अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पक्की बात लास्ट की दो चीज पे और टिक जाओ पूरा सैलरी खत्म लास्ट की दो चीज याद होगा तो लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, अरे एवरीबॉडी, यस चलो जल्दी से लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ आफ्टर द डेथ हुआ होगा तो क्या पकड़ेंगे बेटा एक्जाम ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉ नील नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ फोर फोर्थिंग पहला एक्चुअल लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी मैक्सिमम लिमिट थ्री लैक्स सी एवरेज सैलरी इनटू टेन मंथ्स डी लीव क्रेडिट, लीव क्रेडिट का कोई फॉर्मूला था बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय थर्टी प्रोविडेंट फंड लास्ट कंसेप्ट इन सैलरी अब भी तीन मिनट बाकी है हमारे हाथ में ट्राई करते तीन मिनट में कंप्लीट करने का बेटे एस पी एफ आर पी एफ यू आर पी एफ पीपीएफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल या सीधे शब्दों में एग्जाम यू आर पी एफ में नॉट टैक्सेबल पीपीएफ में आता नहीं पर एग्जाम में पूछा जाएगा आर पी एफ आरपीएफ के अंदर में अप टू बोलो बेटा ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी इतने तक के क्या है बेटा एग्जाम बियड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल ओ ये एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन विल इट गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी सेम अगेन यहां पर डिडक्शन अंडर सेक्शन ए टी सी नो डिडक्शन नो डिडक्शन इंटरेस्ट मिलेगा बेटा इंटरेस्ट इज एक्जम एक्जम नॉट टैक्सेबल एक्जम्ट अप टू बोल बेटा नाइन पॉइंट फाइव परसेंट पर एनएम फ़ाइनल अमाउंट याद आ रहा है क्या तेरे को फाइनल अमाउंट मिलेगा फाइनल अमाउंट एग्जाम फाइनल अमाउंट एग्जाम फाइनल अमाउंट एग्जाम फाइनल अमाउंट टैक्सेबल कितने कंपोनेंट रहते इसके चार चार कंपोनेंट है इसके याद नहीं आ रहा कुछ एम्प्लॉयर्स ईर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा सैलरी एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल मेरा ही पैसा है मैं ही विड्रॉ करूंगा टैक्सेबल थोड़ी ना होगा पर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस सॉटेडे ऐसे कैसे सॉटेडे नहीं है एस ए एफ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम अप टू वन पॉइंट फाइव लैख एम्प्लॉ का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी इंटरेस्ट एग्जाम फाइनल अमाउंट एग्जाम याद आ रहा है सुपर एनुएशन फंड याद आया? कुछ नहीं आया सुनो लास्ट के दो कंसेप्ट अगर एम्प्लॉयर ने आर पी एफ प्लस एस ए एफ प्लस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया एक्सीडिंग सेवन पॉइंट फाइव लैख तो आपको नहीं लगता जितना एक्सेस होगा उसे हम क्या मानेंगे परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे आरपीएफ प्लस एस प्लस सुपर एन्यशन फंड में साढ़े सात लाख रुपए के ऊपर डाला तो जितना एक्सेस हुआ उतना क्या माना जाएगा परक्विजिट याद करके देख वाइल काउंटिंग वाइल काउंटिंग सेवन पॉइंट फाइव लैख लिमिट क्या इंटरेस्ट ऑल्सो काउंट किया जाएगा जब ये साढ़े सात लाख की लिमिट निकालते रहेंगे क्या इस पर इंटरेस्ट भी काउंट होगा इन शॉर्ट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर साढ़े सात के ऊपर जाता है तो जितना एक्सेस जा रहा है उतना क्या माना जाता है पर अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालते इसका कोई फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आया है पी सी अपॉन टू इंटू आर प्लस पी सी वन टी पी वन इंटू आर इसको हम कहेंगे टैक्सेबल इंटरेस्ट क्विजिट यस पी सी इज इक्वल्स टू एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन आर पी सी का मतलब है बोलो बेटा एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन आर इज इक्वल्स टू आई अपॉन एफ एवरेज आई का मतलब है इंटरेस्ट अर्न एफ एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू पी सी वन अर्लियर ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन टीपी वन अर्लियर ईयर का टैक्सेबल इंटरेस्ट अरे एवरीबॉडी लास्ट कंसेप्ट पक्का अगर एम कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर पी एफ एक्सीड टू पॉइंट फाइव लैख जितना एक्सेस है इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल याद अगर हो एंप्लॉ का कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक चार दो हजार इक्कीस के बाद क्या बोला बेटा एक चार दो हजार इक्कीस के बाद एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा बेटा एक चार दो हजार इक्कीस के बाद जो एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कैसा बेटा जो एम्प्लॉ कॉन्ट्रीब्यूशन है इन एक्सिस ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव लैख इन एक्सेस ऑफ टू पॉइंट तो ये एक्सेस के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल है वापस एक बार एम्प्लॉज एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग टू पॉइंट फाइव लैख इन दंड जितना एक्सेस है इसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल है ढाई लाख तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं है ढाई लाख के ऊपर का जो एक्सेस है एक्सेस इंटरेस्ट एक्सेस के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल लेट्स एम्प्लॉय ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल कल का यही अगर आरपीएफ के जगह पीपीएफ है तो लिमिट इज फाइव लाख यही अगर आरपीएफ के जगह पीपीएफ है तो ये कितना हो जाएगा बेटा फाइव लाख खत्म बच्चों सैलरी इज ओवर चलिए आखिरी के पांच मिनट दे दीजिए समझ लीजिए बात को देख बेटा आज का मैराथन हमने चालू किया क्या क्या हमने कवर किया सबसे पहले सैलरी एच पी पी जी बी पी कैपिटल गेन आई एफ ओ एस नहीं हुआ क्लबिंग ऑफ डिडक्शन टी डी एस रिटर्न ऑफ इनकम एग्रीकल्चर इनकम एडवांस टैक्स सोलह टॉपिक आपको इन टोटल डीटी में है जिसमें से नौ घंटे के अंदर में हमने ग्यारह टॉपिक ठोके कौन से टॉपिक नहीं हुए कौन से टॉपिक नहीं हुए बहुत बड़े टॉपिक नहीं हो पाए बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस आई एफ ओ एस एम टी एग्जम्शन अड यू नो ए टी आई दैट इज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह इतने बड़े टॉपिक नहीं हो पाए यस ईमानदारी से आज अगर मेरे को दो घंटा एक्स्ट्रा मिलता पॉसिबल पॉसिबल ऑनेस्टली नॉट अब तक तुम्हारा ये भी खत्म हो गया होता पर मैंने इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन तुम्हारे लिए पहले ही रखा है यूट्यूब पे प्ले में जाओ प्ले लिस्ट में जाकर के ये सारे टॉपिक डिटेल के अंदर में कवर्ड है यू विल हार्डली टेक टू आवर्स टू कंप्लीट ऑल दिस टॉपिक एट 1.5 पॉइंट फाइव स्पीड यू विल हार्डली टेक टू आवर्स टू कंप्लीट ऑल दिस टॉपिक सबसे पहली बात थैंक यू थैंक यू सो सो मच आज आपने पेशेंस का अद्भुत नजारा दिखाया है इतना पेशेंस रख के बैठना आपको खुद अपने आप पे डेढ़ किलो प्राउड होना चाहिए कि तुम इतनी देर इतने दिनों बाद बैठे यस इसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली बड़े टॉपिक सारे खत्म हो गए भाई 16 में से 11 टॉपिक 9 घंटे में ठोके अपन ने यस yes, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट था बिना रुके बिना थके हम लोगों ने दना दन दना दन ठोकते गए अब क्या करना है इसका 100 परसेंट आउटपुट कब मिलेगा जब आप कल के दिन ही कल के दिन ही प्ले में जाके वो बचे हुए टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो द मोमेंट आपने कंप्लीट किया काम खत्म जितने बच्चों ने ये फास्ट ट्रैक देखा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप ये वीडियो को तो खैर लाइक कर ही सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके जितने दोस्त हैं आप उनको अगर फॉरवर्ड कर पाए तो उनका भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा विजय सार्डा से साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर बाय बोलो बच्चो एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज एक बार अच्छा वीडियो निकालना तो मेरे को मस्त चिल्लाओ यस सो थैंक यू थैंक यू सो मच मालिक बाय बाय एंड टेक केयर इसके बाद गाना भी मैं ही गा लू डन डन आप लोग बहुत थक गए प्लीज जाके खाना खाइए गाना गाना है क्या को क्या, क्या रुको गाना गान दो मैं गाना कौन सा यार मेरे को कोई गाना आता ही नहीं है ये रे ये रे पाउसा पापा कहते बड़ा नाम करेगा नहीं तो आ, बी टाउन बेबी यस अ सच में मेरे एक गाना ही याद नहीं आ रहा जीवन में मेरे को प्रोविजन याद आ रहा है आगे क्या पढ़ाना है मेरे को गाना याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलता कल मैं प्रिपेयर करके अच्छे से गाना गाता हूँ देखो सुनो मैं आपको पहली बता रहा हूं मेरे को कोई पर्टिकुलर गाना आता नहीं है ठीक है हाँ गुलाबी आंखें ना हम्म बराबर सुनो मैं ट्राई करता हूँ अच्छा थोड़ा सा बीच बीच में टूट टूट के गाऊंगा जिधर जो रहे कनेक्ट कर लेना एक दो वर्ड अगर इधर उधर हो गए यस एक दो वर्ड अगर इधर उधर हो गए यस तो इधर उधर हैंडल कर लेना जरा ठीक है चलिए लेट स्टार्ट राइट आपके सब्जेक्ट्स को देखते हुए आपके सब्जेक्ट्स को देखते हुए शुरुआत होती है यहां से तुम चले आते हो हर रोज इन खाबों में चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में हर दिन जो रातों में मैं लाता हूं ख्यालो में क्या मुझे गिरा 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 अरे कब तक जवानी छुपाओ को कितना सताओ गिरा कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी सीए बनने के बाद मुझसे शादी करोगी पहले नहीं चाहिए मुझसे शादी करोगी जुर्मा लगा के उलझा के हाथ जिया पे मलमल -मल। तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं जैसे दल दल गुलाबो जरा इतना फिरा अंदर का कुत्ता अजगड़िए अग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए लाइनों का रखेगा कौन हिसाब आँखों में आके तेरी बाहों में बाहे तेरी मेरा मुझ में कुछ रहा हुआ क्या मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अदा जीती रहे सल्तनत तेरी जीती रहे आशिकी मेरी और भैया अच्छी ठंडी चालू है बारिश का मौसम चालू है जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम और इन सब के बाद जब प्यार से भरोसा उड़ जाए और भगवान की याद आए शिर वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाल ये सुनो चलो जी और एंड में आप सभी के लिए सारी उम्र हम मरमर के जी लिए अब चपल तो अब हमें जीने दो जीने दो ला 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 गिवी अन्ना द चांदो अपन सगे

<laughs> <भी> क्या? <laughs> क्या मजे लेते तुम अतर